हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन तो देखो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये क्लास है फूड केमिस्ट्री की और ये एक मैराथन क्लास है पाँच घंटे की ये क्लास होगी जिसमें आपके फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेप्ट प्रोटीन के कॉन्सेप्ट इसके साथ ही साथ मिनरल्स विटामिन फैट वगैरह ये सब आपको एक सिंगल क्लास में मिलने वाले हैं ठीक है और ये जो सारी क्लासेस हैं ये राधा मैडम के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी ठीक है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सभी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑलरेडी हमने इनको लेकर के सेपरेटली वीडियोज अपलोड किए हैं बट उनको ढूंढने में आपको टाइम लगता है सर्च करने में आपका टाइम जाता है तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर एक कंपाइलेशन फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पर मिल पाए ठीक है तो इसका फीडबैक आप जरूर देना जिससे हमें ये पता चल पाए कि इस तरीके की क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो हम और नंबर ऑफ क्लासेस को अपलोड कर पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए तो अभी जो आपके एग्जाम लगे हैं जैसे हरियाणा अभी राजस्थान इन सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास और इनका फीडबैक आप दोगे तो हमें पता चल पाएगा कि ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है साथ ही साथ इसमें कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराई जाएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए अब चलते हैं क्लास में और राधा मैडम के द्वारा यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप स्किप मत करना अगर आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करो ठीक है तो मिलते हैं क्लास में हेलो एवरीवन अ वेरी वेलकम वेलकम टू टू ऑल ऑफ यू एजुकेशन राधा

सो मेक श्योर कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर से अटेंड करें कोज एक बार अगर कॉन्टीन्यूटी अगर मिस हो जाती है सो यू नो नेक्स्ट लेक्चर से कॉन्टीन्यूएशन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग यूअर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद विदा टूडेज लेक्चर सो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे सो so कार्बोहाइड्रेट में जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस और कैलोरोफिक वैल्यू ये सारी चीज़ें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर एज वेल एज कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की वो देखेंगे सो so कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है आर द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑन द प्लानेट और कार्बोहाइड्रेट क्या है एक बायोमोलिक्यूल है एज द नेम सजेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल फॉर्म्ड विद कार्बन एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट का जैसा नाम है जिसमें कि कार्बो प्लस हाइड्रेट इसका मतलब ये कार्बन एज वेल एज वाटर इन दोनों से मिलके बनता है इट यूजुअली डिग्रेड द एनिमल बॉडी रिलीजिंग एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट क्या है एनर्जी का रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट ज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड और ए डेरिवेटिव ऑफ वन विद जनरल केमिकल फॉर्मूला सी एक्स एच टू ओ वाई सो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू ओ दिस इज द फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन केमिकल कॉम्पोनेट रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू एक्जिट सो so, कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला किस तरीके से बना क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन और वाटर इन दोनों से मिलके बनता है सो so, इन्हीं से फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर दिया गया कार्बन एंड देन वाटर सो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया गया कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या सोर्स हो सकता है कहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल कॉर्न पटेटोज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सोडा वाइट ब्रेड आर्टिफिशल शुगर पेस्ट्रीज एंड अदर हाईली प्रोसेस्ड मील आर अनहेल्दी सोर्स एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन भी प्लांट बेस्ड एज वेल एज एनिमल बेस्ड सो जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं वो प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं राइट सो so, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप में क्लासिफाई किया जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर जनरली आर इन कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट चॉकलेट इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है यानि सबके सब क्या हैं प्रोसेस्ड शुगर हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इंक्लूड नेचुरली अकरिंग शुगर लाइक फ्रूट इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है बिकॉज दीज आर कॉल्ड सिंपल बिकॉज दे ब्रेक ईजली कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द बॉडी ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं इसलिए इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी फंक्शन दे आर पोलीसेकेराइड एंड टेक टाइम टू ब्रेक डाउन दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम हैंटेंट जहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने ब्रेक करना ईजी था वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन और ये क्या है ये पोलीसेकेराइड है एंड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम क्लियर सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिलोंगिंग टू ओलिगोसेकेराइड क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट मेनली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं सो so, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा रेफिनोज टिकाइज एंड ए कार्बोज ये वाला जो यहाँ पर पोलीसेकेराइड के मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि पोलीसेकेराइड से बिलोंग करते हैं ये जो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है ये इम्पोर्टेंट है सो so, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा सो मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिलोंगिंग टू पोलीसेकेराइड कौन कौन से हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज म्यूसिलेज, म्यूसीज जाइलेन काइटीन इंसुलिन ये सारे के सारे क्या हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्लियर मान लो यहाँ से तीन जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोस ये तीन ऑप्शन में डाल दिया गया और एक ऑप्शन अलग से दे देंगे और आपको पिक करने के लिए ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्लियर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड एंड पोलीसेकेराइड डिपेंडेंट अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन यूनिट जो हैं वो प्रेजेंट हैं मोनोसेकेराइड जिसमें कि ट्रायोज थ्री कार्बन कंटेनिंग टेट्रोज़ फोर कार्बन कंटेनिंग पेंटोज फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर हेक्सोज़ सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर हेप्टोज़ सेवन कार्बन कंटेनिंग शुगर सो ट्रायोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ग्लिसहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसिटो टेट्रोस का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इराइथ्रोज एंड थ्रीओज पेंटोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा राइबोज एंड डिओक्सी राइबोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ग्लूकोज एंड ट्रैक्टोज हैप्टोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सिडो ओलिगोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड के अंदर हम लोग किस किस के बारे में देखते हैं डाइसेकेराइड ट्राईसेकेराइड टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डाई सेकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज एंड सुक्रोज ट्राईसेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है रेफिनोज टेट्रासेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है स्टेकायोज एंड पेंटा सेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है वर्बेकोज पोलीसेकेराइड को भी दो में यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है होमो पोलीसेकेराइड क्योंकि अगर हम लोग स्टार्च या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे सो होमो क्योंकि सिमिलर जो ग्लूकोज है, उनसे मिलके बनता है और हिटेरोकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एंड सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन के ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम्पल के लिए पहला आता है मोनोसेकेराइड दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एनी फर्दर जैसे कि ग्लूकोस है सो so, ग्लूकोज को हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बट वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं माल्टोज के बारे में सो so इसको फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं सो so, मोनोसेकेराइड क्या है मोनोसेकेराइड सिम्पलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एनी फर्दर और जेनरल फार्मूला क्या होता है दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज एंड ड्राइबोस नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस येल्ड टू टू स्मॉलर यूनिट और मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट जिनकी हम लोग हाइड्रोलिस करेंगे सो so हाइड्रोलिस करने के बाद में हम लोगों को मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर कुछ मोनोसेकेराइड के बारे में दिया गया है मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने क्या देखा इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है ब्रेक नहीं किया जाता जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में देखा फ्रक्टोज के बारे में देखा दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर बात की ओलिगोसेकेराइड के बारे में जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है एंड दे आर आ लार्ज कैटेगरी जिनको फर्दर सब कैटेगराइज भी किया जाता है सो so, इनके सब कैटेगरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर ये कुछ मोनोसेकेराइड दिए गए हैं जैसे ग्लूकोस और फ्रक्टोज ग्लूकोस क्या होता है ग्लूकोस अकर वॉलेंटरिली इन नेचर एज वेल एज इन द एसोशिएटेड वो इट इज़ द मोनोमर ऑफ न्यूमरस ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट सच एज सेल्यूलोज जो सेल्यूलोज है ये क्या है पोलीसेकेराइड है लेकिन किससे मिलके बनती है ग्लूकोज मोनोमर्स से मिलके बनती है ग्लूकोज क्या है एल्डोहेग्जोज है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है एल्डिहाइड इसलिए इसको बोला जाता है एल्डोहेग्जोज इट इज द मोस्ट प्लेंटियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द ग्लोब इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला वॉज फाउंड टू बी सी सिक्स एच टिक्स दूसरा आता है फ्रक्टोज ये भी क्या है मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज इज अ सिग्निफिकेंट कीटोहेक्जोज ग्लूकोज क्या है एल्डोहेक्स है और फ्रक्टोज क्या है कीटोहेक्जोज है हेक्सोज़ मीन्स छः कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कीटोन होगा एल्टोहेक्जोज का मतलब क्या है छह कार्बन कंटेनिंग शुगर है ग्लूकोज लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा एल्डेहाइड होगा फ्रक्टोज इज अ सिग्निफिकेंट कीटोहेक्जोज इट्स ओप्टेन अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिस ऑफ डाई सेकेराइड सुक्रोज ऑप्टेन कैसे किया जाता है फ्रक्टोज को जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन किया जाता है सो ये ग्लूकोज के साथ में वहां पर फॉर्म होता है सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं सो इट इज ऑप्टेन अलोंग विद ग्लूकोज कब ऑप्टेन होता है ड्यूरिंग द हाइड्रोलिस ऑफ सुक्रोज दैट इज अ डाई सेकेराइड फ्रक्टोज लाइक ग्लूकोज हैज अकुलर फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जैसा ग्लूकोज का फार्मूला होता है वैसा ही फ्रक्टोज का भी मोलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है किटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप पर काम करता है सो so, हम लोगों ने क्या देखा मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता जैसे कि ग्लूकोज राइबोज और फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज जो है ये एल्डोहेक्सोज है जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है जिसका मोलिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है और इसके पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरीके से ऑप्टेन होते हैं जब डाइसेराइड का ब्रेकडाउन होता है सो ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी वहां पर ऑप्टेन होता है क्लियर सो मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइट के अंदर थ्री कार्बन कंटेनिंग शुगर फोर कार्बन कंटेनिंग शुगर फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर और सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर इन सब के बारे में हम लोग डील करते हैं मोनोसेक्टेराइड को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता इसलिए इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर को क्या बोला जाएगा हेग्जोज शुगर जिसके अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है जिसमें कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज क्या है कीटो हेक्सोज है जिसमें कि की कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 क्लियर सो so, यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया है ए साइक्लिक और साइक्लिक फॉर्म में जिसमें यहाँ पर एल्डेहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है इसके अलावा छह कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है एल्फा डी ग्लूकोज का और एक स्ट्रक्चर दिया गया है बीटा डी ग्लूकोज का डी डिग्लूकोज और बीटा डिग्लूकोज किस तरीके से हम लोग रिकोगनाइज़ करते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर एच और OH का पोजीशन क्या है अगर OH एच बिलो प्रजेंट है तो ये क्या हो जाएगा एल्फ़ा ग्लूकोस हो जाएगा और अगर कार्बन के ऊपर OH एच प्रजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा ग्लूकोस बोलेंगे क्लियर दूसरा यहां पर स्ट्रक्चर दिया गया है फ्रक्टोज का फ्रक्टोज में क्या देखने को मिलता है यहां पर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है क्लियर नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डाई सेकेराइड ट्राइसेकेराइड टेट्रासेकेराइड में सो डाई सेकेराइड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेकेराइड दीज गिव टू यूनिट ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस जब डाई सेकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो यह क्या करता है ये दो मोनोसेकेराइड के यूनिट देता है फॉर एग्जाम्पल जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है उस टाइम पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है मोनोसेकेराइड है लेकिन जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन में सेम मोनोसेकेराइड यानी कि दो ग्लूकोज के यूनिट देखने को मिलते हैं सो यानी कि डाई सेकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डाई सेकेराइड पहला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड दूसरा हम लोगों ने देखा ओलिगोसेकेराइड जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाई सेकेराइड के बारे में ट्राई सेकेराइड के बारे में एंड टेट्रासेकेराइड के बारे में डाई सेकेराइड के अंदर डाई सेकेराइड का मतलब क्या होगा डाई मींस टू यानी कि टू मोनोसेकेराइड से मिलके बना हुआ होगा सो so, जब डाई सेकेराइड का हाइड्रोलिसिस होगा जब इसका ब्रेकडाउन होगा सो so, उस टाइम पर क्या देखने को मिलेगा उस टाइम पर दो मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलेगा और जब माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा सो दो ग्लूकोज के यूनिट देखने को मिलेंगे क्लियर तो यानी कि सुक्रोज और क्या है? डाई सेकराइड है नेक्स्ट आता है ट्राइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट ओन गिव थ्री मोलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड ट्राइसेकेराइड में क्या होगा जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो तीन मोनोसेकेराइड देखने को मिलेंगे और इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज सो ट्राई का एग्जाम्पल क्या होगा रेफिनोज क्लियर और टेट्रासेराइड में जब हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा सो so चार मोनोसेकेराइड मोलिक्यूल देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल है स्टेकायोज सो so डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज के बारे में देखते हैं ट्राइसेकेराइड में रेफिनोज के बारे में देखते हैं और टेटरा सेकेराइड में स्टेकायोज के बारे में सो so सुक्रोज क्या है सुक्रोज डाई है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाई वन ऑफ द फेमिलियर डाइसेक्राइड इज सुक्रोज जिसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं सो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज देखने को मिलता है सुक्रोज के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है कि कार्बन वन ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन टू ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज आर लिंक टूगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर दिया गया है सुक्रोज का सुक्रोज किससे मिलकर बन, बना हुआ है ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज सो so यहां पर ये यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किस किस के बीच में दी गई है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दी गई है एल्फा डी ग्लूकोज वन और टू के बीच में यहां पर लिंकेज देखने को मिल रही है सो दीज टू मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक टूगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक बोन बिटवीन कार्बन वन ओ फेल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन टू ओ बीटा डी फ्रक्टोज और सुक्रोज क्या है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि फ्री फोमेलडहाइडोर किटोन प्रजेंट नहीं है दूसरा डाई सेक्रेड का एग्जाम्पल आता है माल्टोज माल्टोज किससे मिलकर बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज मोइटिस यानी कि दो ग्लूकोस मोइटिस सो माल्टोस इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच कार्बन वन ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू कार्बन फोर ऑफ अनदर अदर यूनिट द इंडिपेंडेंट एल्डेहाइड ग्रुप कैन बी फॉर्म एट कार्बन वन और यहाँ पर इंडिपेंडेंट एल्डेहाइड ग्रुप फॉर्म हो सकता है इसलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर क्लियर जब फ्री फॉर्म में एल्डेहाइड और किटोन प्रजेंट है सो so उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर और जब फ्री फॉर्म में एंडहाइड और कीटोन ग्रुप एब्सेंट है सो दैट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या हो गया सुक्रोज नेक्स्ट आता है लैक्टोज लैक्टोज क्या है ये भी डाई है जो कहाँ पर देखने को मिलती है मिल्क में देखने को मिलती है और किस किस से मिलके बनती है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से किससे मिलके बनती है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बीटा डी गलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एंड द लिंकेज इज बिटवीन कार्बन वन ऑफ गलेक्टोज एंड कार्बन फोर ऑफ ग्लूकोज और इसमें भी एल्डेहाइड जो है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर सो so, सुक्रोज माल्टोज के अलावा लैक्टोज भी क्या है डाईसेकर है जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिल बनती है और टेट्रा सैक्राइड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है स्टेकायोज क्लियर सो यहां पर ये डाई सेकेराइड के स्ट्रक्चर दिए गए हैं डाई सेकेराइड के स्ट्रक्चर है यहां पर ये जिसमें कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से और माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से नेक्स्ट आता है पोलीसेकेराइड पोलीसेकेराइड क्या होता है द फाइनल कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट दीज गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड वैन दे अंडर वो हाइड्रोलिसिस जब पोलीसेकेराइड का हाइड्रोलिस देखने को मिलता है सो उस टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड ऑप्टेन होते हैं दीज कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्वीट इन टेस्ट इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है इसलिए इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके स्टार्च और ग्लाइकोजन सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कार्बोहाइड्रेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या देखे एग्जाम्पल हम लोगों ने सेल्यूलोज देखा स्टार्च म्यूसिलेज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इसमें हम लोगों ने इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पर कितने में डिवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड एंड पोलीसेकेराइड एंड पोलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस फर्दर देखने को नहीं मिलता इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर बोला जाता है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज इन सब के बारे में देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हैं ये हेक्सोज़ हैं क्योंकि इनमें छः कार्बन प्रेजेंट होता है राइबोज क्या है फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर है जो कि डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड हैं इसी को कंटेन करके रखते हैं ग्लूकोज जो है इसमें एलडे हाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में किटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है और दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड में हम लोगों ने डाई के बारे में देखा इसके अलावा ट्राई के बारे में देखा और टेट्रा के बारे में देखा जिसमें डाई सेक्राइड में हम लोगों ने लैक्टोज तो के बारे में पढ़ा कि लैक्टोज का अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं सो ग्लूकोज और गलेक्टोज देखने को मिलता है सुक्रोज का अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द सेम वे जब हम लोग माल्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं सो उस टाइम पर हम लोगों को दो ग्लूकोज के मोइटी देखने को मिलते हैं ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा रेफिनोज एंटेट्रासेराइड का एग्जाम्पल देखा स्टेका और पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन और इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है सो यहां पर ये स्टार्च ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये क्या है ये है पोलीसेकेराइड स्टार्च किससे मिलके बनता है अल्फा ग्लूकोज ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बॉन्ड कौन सा देखने को मिलता है स्टार्च में वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके केस में देखने को मिलता है अमाइलोज के केस में और वन फोर एंड वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा अमाइलो पैक्टिंग के केस में क्योंकि जो स्टार्च होती है वो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनती है अमाइलोज में वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है अमाइलोपैक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है इसलिए इसमें वन फोर और वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है अमाइलोज क्या है अनब्रांच्ड है और अमाइलोपैक्टिन क्या है ब्रांच्ड है स्टार्च क्या होती है स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होती है प्लांट के केस में नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन में वन फोर और वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बोन देखने को मिलता है सेल्यूलोज में वन और फोर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बोन देखने को मिलता है ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में देखने को मिलेगी और सेलिलोज जो है प्लांट का सेल वॉल होता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट होता है ये सो ग्लाइकोजन स्टार्च जो कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनते है क्या है पोलीसेकर है सो इट्स करेक्ट ग्लाइकोजन और स्टार्च का मोनोमर क्या होता है ग्लूकोज से मिलके बनते हैं ये ग्लाइकोजन क्या है ब्रांच है स्टार्च में अमाइलोज क्या है अनब्रांच्ड है अमाइलोपैक्टिन क्या है ब्रांच्ड है ग्लाइकोजन में वन फोर ग्लाइकोसिडिक बोंड देखने को मिलता है बिल्कुल देखने को मिलता है अमाइलोज में भी देखने को मिलता है और अमाइलोपैक्टिन में भी देखने को मिलता है ग्लाइकोजन में वन फोर ग्लाइकोसिडिक बोंड और वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बोंड होता है अमाइलोज में केवल वन फोर ग्लाइकोसिडिक बोन्ड होता है और अमाइलोपैक्टिन ब्रांच्ड होती है ये वन फोर और वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बोन कंटेन करके रखती है सो so यहाँ पर कुछ इंजाइम्स के बारे में यहाँ पर कैटेगराइजेशन दिया गया है पहला है ग्लूको अमाइलेज ग्लूको अमाइलेज क्या होता है ये एक्जो एक्टिंग होता है जब ये पोलीसेकेराइड का हाइड्रोलिस करता है सो एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म होता है बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है सो so अगर ये पूछा जाए कि पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद में बीटा ग्लूकोज कब फॉर्म होगा जब अमाइलेज इंजाम जो कि एक, एक, एक एक्जो एक्टिंग इंजाम है जब वो कैटालिसिस करेगी इसको सेक्रीफाइंग इंजाम भी बोला जाता है प्रोड्यूस्ड मेनली बाय एस्परेजिलिस नाइगर एंड एस्परेजिलस एवोरी नेक्स्ट आती है सेल्यूलिस सेल्यूलेज क्या है ये वो इंजाम है जो कि सेल्यूलोज के ऊपर काम करेगी जो कि क्या है पॉलीसेकेराइड है और क्या हाइड्रोलाइज करती है बीटा वन फोर लिंकेज को हाइड्रोलाइज करेगी एंड थ्री मेजर क्लास ऑफ सेल्यूलोज आर एंडो वन फोर बीटा डी ग्लूकोनेज एक्जो वन फोर बीटा डी ग्लूकोनेज एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज क्लियर एक एंजाइम है बीटा अमाइलेज बीटा अमाइलेज इज एन एक्जो अमाइलेज दैट हाइड्रोलाइज एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ पोली चेन एट द नॉन रिड्यूसिंग एंड टू प्रोड्यूस माल्टोज सो बीटा अमाइलेज क्या है एक्सो अमाइलेज है जो क्या हाइड्रोलाइज करती है एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करेगी ओ पोली चेन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीटा अमाइलेज इज ब्रेक ऑफ स्टार्च क्लियर सो स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है बीटा अमाइलेज इन केस ऑफ प्लांट अमाइलेज इंजाम क्या होती है ये भी स्टार्च डिग्रेडिंग इंजाइम होती है कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बोन्डो पोलिसकेराइड क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं कि पोलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में बीटा ग्लूकोस रिलीज होता है तो कौन सा इंजाम काम करता है सेल्युलेज इंजैम के थ्री मेजर क्लास कौन से हैं सेलुलेज इंजाम किसके ऊपर एक्ट करती है सो so, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सो हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था लेट मी शो यू कि कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं एक होता है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोजन स्टार्च सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज पैक्टिन न्यूसीज जाइलिन काइटिन और इंसुलिन ये सारे क्या हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिए गए हैं और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो ग्लाइक्रोजन म्यूसिलिज और स्टार्च ये तीनों ही कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं एक्सेन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिजर्व फूड मटीरियल ऑफ ग्रीन एल्गे इज सो ग्रीन एलगे है सो मेनली प्लांट्स केस में क्या देखने को मिलता है स्टार्च एज अ फूड मटीरियल देखने को मिलता है स्टोरेज फॉर्म है ये विच ऑफ द फॉलोविंग डायट्री फाइबर इज फ्रॉम ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स एलगे लिग्निन पैक्टिन म्यूसीस सो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन सा है लिग्न नेक्स्ट पूछा गया है टोटल कार्बोहाइड्रेट इन अ फिफ्टी ग्राम शुगर फ्री कैंडी बार इज ट्वेंटी नाइन ग्राम सो टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना दिया गया है टोटल कार्बोहाइड्रेट दिया गया है ट्वेंटी नाइन ग्राम क्लियर सो टोटल कार्बोहाइड्रेट जो गिवन है ये दिया गया है 29 ग्राम सो so, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डाले हैं सारे क्वेश्चंस एफ एस एस टेक्निकल और अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन सही हैं सो so, यहाँ पर टोटल कार्बोहाइड्रेट दिया गया है ट्वेंटी नाइन ग्राम इन विच शुगर एल्कोहल इज़ एटीन ग्राम शुगर एल्कोहल कितना दिया गया है एटीन ग्राम दिया गया है सो शुगर एल्कोहल का हम लोग हाफ लेते हैं सो कैलकुलेट द हाफ द ग्राम ऑफ शुगर एल्कोहल सो हाफ क्या होगा इसका शुगर एल्कोहल का 18 बाई टू इज इक्वल टू नाइन सो अब हम लोग क्या करेंगे 29 में से जब 9 को माइनस करते हैं सो so 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग को देखने को मिलता है सो सब्स्ट्रैक्ट हाफ ऑफ ग्राम ऑफ शुगर एलकोल फ्राम टोल कार्बोहाइड्रेट काउंट एंड दिस प्रोडक्ट इज ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो हाउ मैनी कैलोरीज विल यू गेट फ्राम कार्बोहाइड्रेट इफ यू कंज्यूम द फुल बार सो यहाँ पर पूछा गया कैलोरीज के बारे में कार्बोहाइड्रेट हम लोग ने निकाल लिया कितना है ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैलोरीज विल यू गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इफ यू कंज्यूम द फुल बार कुल cool बार में ट्वेंटी ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और हम लोग से पूछा गया कैलोरीज कितनी मिलेंगी इस ट्वेंटी ग्राम कार्बोहाइड्रेट से सो so, हम लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा कि वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है जिसके लिए हम लोग को कैलोरिफिक वैल्यू देखनी पड़ेगी सो प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है फोर किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होता है फोर किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का होता है नाइन किलो कैलोरी पर ग्राम यानी कि एक ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में फोर किलो कैलोरी देखने को मिलती है सो so, वन ग्राम में कितनी है फोर किलो कैलोरी। सो so, ट्वेंटी ग्राम में कितनी होंगी ट्वेंटी इंटू फोर इज इक्वल टू एटी किलो कैलोरी। सो so, इसका क्या हो जाएगा एटी किलो कैलोरी। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज इन द ऑर्डर ऑफ सो कैलोरफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है फैट की ज़्यादा होती है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड और अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाए तो so हम लोगों को कौन सा ऑप्ट करना चाहिए दिस वन अदरवाइज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कैलोरफिक वैल्यू सेम होता है बट वट इफ अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड वन नेक्स्ट एज पर एफ एस एस ए आई लेबलिंग रेगुलेशन द टर्म एडिड शुगर

एक ग्लूकोस और दूसरे ग्लूकोस में जो बोंड देखने को मिलता है वो वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा मेनली एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लियर नेक्स्ट वन द कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी बट स्ट्रक्चर विच आर मिरर इमेज ऑफ अदर सो मिरर इमेज ऑफ फीचर अदर दैट इज इनश्यो सो सोनेंशियोमर्स और स्टीरियो आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी एंड द स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर क्लियर सो दिस इज लेक्चर नंबर टू सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलनी हम लोग क्लासिफिकेशन मेटाबोलिज्म बायोसिंथेसिस और कैलोरिफिक वैल्यू इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन देख लिया है इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कैलोरफिक वैल्यू और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं सो so, आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म और कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस देखेंगे बायोसिंथेसिस में भी हम लोगों को ओवरव्यू देखना है क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस में मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक लेक्चर भी है सो आप लोग उसको भी देख सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद विदेज लेक्चर सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में हम लोग आज ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में देखेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल को टी सी ए साइकिल और क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्यों है ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सब को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज जितने भी सेल्स होते हैं सबको सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी मीन्स ए टी पी सो ए टी पी की रिक्वायरमेंट होती है हर सेल को सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल बोंड ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन और इन कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को हम लोग किस तरीके से इंटेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फूड जो कि हम लोग फूड इंटेक करते हैं उसी फूड में कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है दीज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन बाई एन्जायमेटिक रिएक्शन इन सेल टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी और उसके बाद में जो हमारा बॉडी होता है जिस फूड को हम लोग इनटेक करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन ये ऑर्गेनिक मोलिक्यूल प्रजेंट होते हैं उनको ब्रेक करता है एन्जायमेटिक रिएक्शंस के थ्रू स्मोलर यूनिट्स में किसके लिए ए टी पी को प्रोड्यूस करने के लिए The food we consume is mainly comprised of protein, carbohydrate and fat, and these are first broken down into smaller unit. jaise jo जैसे जो usko हो उसको mein break में jata किया जाता है पोलीसेकेराइड को शुगर में ब्रेक किया जाता है फैट को फैटी एसिड और ग्लेसरोल में ब्रेक किया जाता है और ये जो सारा प्रोसेस है ये आउटसाइड द सेल देखने को मिलता है और उसके बाद में जब प्रोटीन अमीनो एसिड में पोलीसेकेराइड शुगर में और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरोल में ब्रेक हो जाता है उसके बाद में ये सेल के अंदर एंटर होते हैं और ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सारे साइकिल को रेगुलेट करते हैं एनर्जी यानी एटीपी को जनरेट करने के लिए और जब एटीपी जनरेट हो जाती है तो सेल जो है अपना सेलुलर एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है क्लियर है सो so ये डायग्राम देखो इसमें यहाँ पर ये सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें यहाँ पर यह बताया गया है डेट ये क्या है ये है साइटोसोल ये वाला पोर्शन क्या है साइटोसोल है दिस मनी साइटोसोल इसके अलावा माइटोकोन्ड्रिया को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ये है माइटोकोड्रिया इसके बाद इनको इनलार्ज पिक्चर दिखाया गया ये सेल का इनलार्ज पिक्चर है जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये है साइटोसोल का और ये जो है ये है माइटोकोन्ड्रिया सो so, ध्यान से देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है और जो साइटोसोल वाला रीजन है यहाँ पर देखो ग्लाइकोलिसिस देखने को मिल रहा है और ग्लाइकोलिसिस में ये देखो ग्लूकोस किस में कन्वर्ट हो रहा है पायरेवेट में सो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ग्लाइकोलिसिस है इसका लोकेशन क्या है इसका लोकेशन है साइटोसोल लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिस साइटोसोल और जो क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इनका लोकेशन क्या है क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन क्या है माइटोकोंड्रिया और जो क्रैब साइकिल है ये स्पेसिफिकली कहाँ देखने को मिलता है स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ सो क्रैब साइकिल देखने को मिलता है माइटोकड्रिया के मैट्रिक्स में कहाँ पर देखने को मिलेगा माइटोकोंड्रियल मैट्रिक्स में और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये देखने को मिलेगा इंटर माम्ब्रेन स्पेस ऑफ इंटर माम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकोन्ड्रिया क्लियर है सो इनके लोकेशन ध्यान रखना कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसका लोकेशन क्या है ग्लाइकोलिस का लोकेशन है मेनली साइटोसोल क्रैब साइकिल का लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकोन्ड्रिया सो इस डायग्राम में देखो ये ओवरव्यू दिखा रखा है यहाँ पर कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरेवेट में और उसके बाद में यहाँ पर ये दिखा रखा है फेट ऑफ पायरेवेट दिस इज फेट ऑफ पायरेवेट कि अगर एनएरोबिक कंडीशन है सो so, उस टाइम पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और अगर एरोबिक कंडीशन है सो so क्रैब साइकिल रन होगी क्लियर है so, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरेवेट में और फेट ऑफ पायरेवेट क्या है पायरेट बनने के बाद में क्या होगा अगर अनएरोबिक कंडीशन होगी सो so लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और अगर एरोबिक कंडीशन होगी सो क्रैब साइकिल रन होगी देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होगी और फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन होगा राइट सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में सो so ग्लाइकोलाइसिस जैसा नाम है इसका ग्लाइकोलिस सो so इसमें दो वर्ड्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ग्लाइको लाइसिस ग्लाइको का मतलब क्या होगा ग्लाइको का मतलब होगा ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या होगा लाइसिस का मतलब होगा ब्रेकडाउन हम लोग मेनली क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म क्या देख रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म में मेनली हम लोग दो प्रोसेस के बारे में देखते हैं कैटाबोलिज्म के बारे में और एनाबोलिज्म के बारे में वन इज कैटाबोलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म में क्या होता है कैटाबोलिज्म में ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन और एनाबोलिज्म में क्या देखने को मिलता है फॉर्मेशन देखने को मिलता है सो so, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है और ये कहाँ देखने को मिलता है कैटाबोलिज्म में सो so, यहाँ से हम लोग एक बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक बात हमें यहाँ से पता चलती है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबोलिक प्रोसेस है कैटाबोलिक प्रोसेस है यानी यहाँ पर क्या होगा ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन किसका होगा ग्लूकोज का होगा यानी ग्लूकोज किस में ब्रेक हो रही है यहाँ पर ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज जो है ये यहाँ पर ब्रेक होगी किस में पायरेवेट में अच्छा ग्लूकोज कितने कार्बन कंटेनिंग होती है ये सिक्स कार्बन कंटेनिंग होती है और पायरेवेट थ्री कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल होता है सो हम लोग छः कार्बन लेके चल रहे हैं और लास्ट में थ्री कार्बन कंटेनिंग पायरेवेट मिलता है सो यानी कि हम लोगों को यहाँ पर टू मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे पायरेवेट के तभी हम लोग के छः कार्बन कंप्लीट होंगे सो एक ग्लूकोस मोलिक्यूल से टू मोलिक्यूल ऑफ पायरेवेट देखने को मिलेंगे और ग्लैकोलिसिस जैसा नाम है यानी ग्लूकोज ब्रेक होगी सो तो ग्लूकोज किस में ब्रेक होगी पायरवेट में ग्लूकोज को पायरेवेट में ब्रेक होने के लिए ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक होने के लिए कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज का पायरवेट में ब्रेक होना ये टेन स्टेप पातवे होता है इसमें दस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और इन दस स्टेप में से फाइव स्टेप कौन से होंगे प्रपरेटरी फेस होंगे फाइव स्टेप होंगे प्रपरेटरी इनिशियल के जो फाइव स्टेप होंगे उन उनको प्रपरेटरी फेज बोला जाता है और लास्ट के जो फाइव स्टेप होंगे उनको बोला जाता है पे ऑफ फेज पे ऑफ फेज क्यों पे ऑफ फेज बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है एनर्जी यानी एटीपी टी यहाँ पर बनेगी जनरेट होगी और इनिशियली जो फाइव स्टेप होते हैं इनको एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रपरेटरी फेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो यूज़ होती है यानी लॉस ऑफ ए देखने को मिलता है और पे ऑफ फेस में गेन ऑफ ए देखने को मिलेगा यानी जो स्टार्टिंग के फाइव स्टेप होंगे जो स्टार्टिंग के फाइव स्टेप होंगे यहाँ पर वन टू फाइव उन स्टेप को क्या बोला जाता है उन स्टेप को बोला जाएगा प्रिपरेटरी प्रपरेटरी फेस जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एटीपी का लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एटीपी लॉस देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट फाइव स्टेप होंगे उनको क्या बोला जाता है सिक्स टू टेन इन स्टेप को बोला जाएगा इनको बोला जाता है पे ऑफ फेस पे ऑफ फेस पे ऑफ फेस क्यों क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है जनरेट होती है एनर्जी जनरेट होती है इसलिए इसको एनर्जी जनरेशन फेस भी बोला जाता है एनर्जी जनरेशन फेस क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ए का गेन देखने को मिलेगा तो so, यहाँ से हम लोग को एक बात ये पता चली कि जो ग्लूकोस है ग्लूकोस से पायरेवेट बनने के लिए टेन स्टेप होते हैं और उन टेन स्टेप में फाइव स्टेप जो हैं वहाँ पर ए लॉस होगी इनिशियली फाइव स्टेप में और लास्ट के फाइव स्टेप में ए गेन होगी सो so, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से टेन स्टेप का जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस वो रन होता है सो so, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोस का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज किस में ब्रेक होगी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा ये देखो यहाँ पर ग्लूकोज किस में ब्रेक होगी ग्लूकोस से ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनेगा ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं हैंग्जोकाइनेस दिस इज हैग्जो और मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर्स में बताया भी है कि जो काइनेज इंजाम होती है इसका काम होता है फोस्फेट को ऐड करना फोस्फेट को ऐड करना सो so यहाँ पर काइनेज एंजाइम है तो ये क्या करेगी फोस्फेट ऐड करेगी और ग्लूकोज छः कार्बन कंटेनिंग शुगर है तो ग्लूकोज के जो सिक्स कार्बन है वहाँ पर फोस्फेट ऐड करेगी काइनेज एंजाइम। सो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनेगा और यहाँ पर ए यूज हो रहा है यानी लॉस ऑफ ए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा इनिशियली जो फाइव स्टेप होंगे दिस इज फर्स्ट स्टेप दिस इज सेकेंड स्टेप दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज़ फिफ्थ स्टेप ये फाइव स्टेप प्रोसेस है सो इनिशियली एटीपी जो है वो क्या होगी इनिशियल स्टेप में एटीपी का लॉस देखने को मिलेगा ये जो इतना इतना पोर्शन है यहाँ पर इस वाले को बोला जाता है यहाँ पर ये स्टेप है प्रपरेटरी फेस ये इनिशियली जो फाइव स्टेप है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम लोग को ए गेन नहीं होगा ए का लॉस देखने को मिलेगा और जो ये वाले स्टेप हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर ए गेन होगी इसलिए इनको बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्लियर है सो so यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है ग्लूकोज सिक्सफोस्फेट फ्रक्टोसिक्स फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है आइसोमराइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा इसलिए आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगी देन फ्रक्टो सिक्स फोस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फोसफेट यानी वन और सिक्स दोनों पोजिशन पे फोस्फेट एड होगा और यहाँ पर भी ए का लॉस देखने को मिल रहा है यानी प्रेपरेटरी फेस में अब तक हम लोग दो ही का लॉस देख चुके हैं और इसको भी कौन करवाता है काइनेज इंजाम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं फोस्फो फ्रक्टो काइनीज काइनीज यानी फोस्फेट ऐड करेगी सो फ्रक्टो सिक्स फोस्फेट था एक और काइनेज इंजाम आया और उसने फर्स्ट पोजीशन पे भी फोस्फेट को ऐड कर दिया और क्या बन गया फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फोस्फेट यानी वन और सिक्स दोनों पोजिशन पर फोस्फेट ऐड है देन फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फोस्फेट के बाद में एल्डोलेज आता है और एल्डोलेट से क्या होगा एल्डोलेट से यहाँ पर ग्लिस्ट्राइल डिहाइड थ्री फोस्फेट और फोस्फेट बनेगा फोस्फेट क्या होता है फोस्फेट ये छह कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और जो यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सेटोन और ग्लिस्ट्राइल थ्री फोस्फेट ये क्या है ये थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं सो यहाँ पर देन ये जो ग्लिस्राइडेड थ्री फोस्फेट और डायहाइडोक्सिस्टोन फोस्फेट है यहाँ पर आइसोमराइजेशन होगा और यहाँ पर टू मोलिक्यूल देखने को मिलेंगे ग्लिसराइड थ्री फोस्फेट के सो so यहां पर अब जो नेक्स्ट फाइव स्टेप है यहाँ पर टू मोलिक्यूल जो है ये यह यहाँ पर रेगुलेट होंगे क्योंकि ग्लिस्राइडेड थ्री फोर्फेट क्या है थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है सो ग्लिस्राडियड थ्री फोस्फेट से वन थ्री बीस फोर्सफो ग्लिस बनता है और यहाँ पर टू एन ए डी एच का फॉर्मेशन होगा टू एन ए डी एच मीन्स एक एन ए डी एच टू पॉइंट फाइव ए टी पी के बराबर होगा सो टू एन ए डी एच मीन्स फाइव ए टी पी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा सो so, ये क्योंकि ग्लिसराइड और थ्री फोस्ट से पाइवेट बनेगा ये वाले स्टेप क्या होते हैं ये होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज यहाँ पर क्या होता है ए गेन होता है ए बनता है सो इनिशियली यहाँ पर फाइव ए गेन हुआ देन वन थ्री बीस ग्लिसरेट से थ्री फोस्फो ग्लिसरेट बनता है और यहाँ पर टू ए टी पी जनरेट होंगे टू ए टी पी गेन होंगे और इस फेज को एक और नाम से जाना जाता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फो रिलेशन फेज देन थ्री फोर्सफो ग्लिसरेट से टू फोर्सफो ग्लिसरेट बनेगा म्यूटेज इंजाइम के हेल्प से देन टू फोर्सफो ग्लिसरेट से फोस्फो इनोल बनेगा इनोलेज इन्जाम के हेल्प से और देन फोस्फोइनोल इन पायरवेट से पायरवेट बनेगा किसके हेल्प से पायरवेट काइन एंजाइम के हेल्प से और यहाँ पर भी दो एटीपी प्रोड्यूस होंगे और इस स्टेप को भी सब लेवल फोस्फो रिलेशन फेज बोला जाता है सो so यहाँ पर जो पे ऑफ़ फेज था यानी एटीपी गेन यानी एन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है यहाँ पर फाइव ए देन टू ए देन टू ए यानी फाइव और टू सेवन और टू नाइन नाइन ए का प्रोडक्शन देखने को मिला और इनिशियली फाइव स्टेप में वन और टू वन एंड टू टू ए का लॉस देखने को मिला यहाँ पर टू ए का लॉस हुआ और पे ऑफ फेस में नाइन ए का प्रोडक्शन हुआ टोटल नाइन माइनस टू सेवन ए का प्रोडक्शन देखने को मिला ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर क्लियर है सो so ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ एंड में हम लोग को दो मोलिक्यूल पायरेवेट के मिल गए सो ग्लूकोज से क्या बना पायरवेट बना ग्लूकोज से पायरवेट बना पायरवेट और ये कितने स्टेप में हुआ टेन स्टेप्स में ग्लूकोज छह कार्बन का था पायरवेट थ्री कार्बन का था इसलिए जो पायरेवेट है इसके दो मोलिक्यूल रिलीज होंगे क्लियर देन पायरेवेट का फेट क्या होगा फेट ऑफ पायरवेट फेट ऑफ पायरुवेट अगर एरोबिक कंडीशन है अगर एरोबिक कंडीशन है सो so क्या होगा एरोबिक कंडीशन के टाइम पर यहाँ पर एसिटाइल कोइंजा में बनेगा और यहाँ पर क्रैब साइकिल रन होगा और अगर अनएरोबिक कंडीशन है सो अनएरबिक कंडीशन के टाइम पर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा क्लियर है सो so, यहाँ पर हम लोग बात करें कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक भी हो सकता है अन भी हो सकता है सो so, एरोबिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं सो so, यहाँ पर एसिटाइल कोइंजाम बनेगा पायरेविड से और ये एसिटाइल कोइंजेमे कहाँ पर इन्वॉल्व होगा ये इन्वॉल्व होगा टी सी ए साइकिल या क्रैब साइकिल में सो तो किस तरीके से चलता है ये जो एसिटाइल कोइंजाम ए है ये इन्वॉल्व होगा टी सी ए साइकिल में ये ऑक्जैलो एसीटेड के साथ मिलेगा जो कि फोर कार्बन कंटेनिंग है टू कार्बन तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा कार्बन जिससे बनेगा यहां पर सिट्रेट सिट्रेट के बाद यहां पर बनेगा आइसोसिट्रेट देन यहां बनेगा आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट के बाद यहां पर बनेगा एल्फा कीटोग्लूटरेट देन बनेगा सक्सिनिल कोइंजैम ए देन सक्सीनेट सक्सीनेट से यहाँ बनेगा फ्यूमरेट सक्सीनेट से बनेगा फ्यूमरेट फ्यूमरेट के बाद यहाँ बनेगा मैलेट और मैलेट के बाद फाइनली यहाँ पर बनेगा ओक्जैलो एसिडेट सो इस साइकिल को हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं टीसीए भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है और यहां पर जो सिट्रेट है ये छः कार्बन कंटेनिंग है एल्फा कीटोग्लुट्रेट जो है ये फाइव कार्बन कंटेनिंग है सक्सिनिल सक्सेनिल कोइंजामे फोर कार्बन कंटेनिंग है और मैलेट भी फोर कार्बन कंटेनिंग है सो यहाँ पर जब आइसोसिट्रेट से एल्फा किटोगलूट्रेट बनता है यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और टोटली यहाँ पर जब पायरवेट सेटाइल कोइंजामे बनता है सो यहाँ पर एक एन ए डी एच टू निकलता है इसके अलावा यहाँ पर एन का फॉर्मेशन होगा और इसके अलावा जब एल्फा किटोगुटरेट से सक्सेनिल कोइंजा में बनता है तब एन निकलेगा और सक्सेनिल कोइंजा में से सक्सेनेट बनता है तब यहाँ पर जी का फॉर्मेशन होगा और जब फ्यूमरेट रेट बनता है यहाँ पर एफ ए डी एच टू एफ ए डी एच टू रिलीज होगा क्लियर है सो so यहाँ पर यह है टी सी ए साइकिल जो कि कहाँ होती है इसका लोकेशन क्या होता है हम लोगों ने पहले ही देख लिया माइटोकोन्ड्रा के मैट्रिक्स में देखने को मिलती है सो so, एसटाइल कोइंजा में ओक्साइलोसिटेट के साथ मिलती है और छः कार्बन का सिट्रेट बनता है देन आइसोसिट्रेट बनता है छः कार्बन का देन एल्फा कीटोग्लूट्रेट फाइव कार्बन का होता है क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ हो जाती है एल्फा कीटोग्लुट्रेट से सक्सेनील कोइंजा में बनेगा ये भी फोर कार्बन का होता है क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो जाती है सक्सिनिल कोइंजा से सक्सिनेट बनेगा सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा और मैलेट से ओग्जैलो एसिडेट बनेगा सो so इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर चलती है सो so यहाँ पर टी सी साइकिल में टोटल अगर हम लोग देखते हैं सो so पायरवेट से जब एस्टाइल कोइंजामे बनता था एक एन ए डी एच यहाँ भी निकला था सो so टोटल क्या होता है एक पायरवेट मोलिक्यूल से एक पायरेवेट मोलिक्यूल से कितने एन ए डी एच निकले वन टू थ्री एंड एक यहाँ पर भी निकलता है जब यहाँ पर मैलेट से ओक्साइलोसिटेट बनता है सो फोर एन निकलते हैं यहाँ पर एक पायरेवेट से और हमें पता है कि पायरेवेट के दो मोलिक्यूल होते हैं इट मीन्स टू इन टू एट एन ए निकलेंगे इसके अलावा यहाँ पर फ्यूमरेट से यहाँ पर एफ टू निकल रहा है एक बार सो so यहाँ पर दो पायरेवेट हैं यानी कि टू एफ निकलेंगे और टू ए निकलेगा सो टोटल क्रैब साइकिल में एट एन ए डी एच प्लस टू एफ ए डी एच टू प्लस टू ए टी पी क्योंकि हमारा जो पायरेविट है ये तीन कार्बन का होता है तो दो पायरेविट निकलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से तो दो बार क्रैब साइकिल रन होगी और दो बार क्रैब साइकिल रन होगी तो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा क्लियर है देन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है देन आता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन क्या होता है इंटर मैम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकोन्ड्रिया इंटर मैम्बरेन स्पेस ऑफ माइटोकोन्ड्रिया सो यहां पर ये जो ये लोकेशन दिखा रखी ये है इनर मैम्बरेन और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या चलता है ये है माइटोकोन्ड्रिया का मैट्रिक्स और ये है इंटर मैम्बरे और ये है आउटर मैम्ब्रेन सो so, यहाँ पर माइटोकोन्ड्रे के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चल रहा है और एज ए रिजल्ट यहाँ पर एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू ये सब निकल रहे हैं सो so, यहाँ पर एन ए डी एच से एन ए डी प्लस और एच पॉजिटिव निकलता है और ये एच पॉजिटिव क्या करता है इंटर मैम्बरिन स्पेस में जाता है कहाँ पर गया इंटर मैम्बरिन स्पेस में और ये कहाँ से निकल रहे हैं क्रैब साइकिल का रिजल्ट है जिसकी वजह से एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू देखने को मिल रहे हैं देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू है और यहाँ पर मीडिएटर कौन है क्यू क्यू यानी यूबिक्विनोन यूबिक्विनोन मीडिएटर होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देन कॉम्प्लेक्स थ्री से भी यहाँ पर एच पॉजिटिव जा रहा है इंटरमैम्बरिन स्पेस में कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर के बीच में जो इंटरमीडिएट है जो कैरियर है वो है साइटोक्रोम सी देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोर से भी एच पॉजिटिव बाहर की तरफ जाते हैं इंटरमैम्बरिन स्पेस में और जब इंटरमैम्बरिन स्पेस में प्रोटोन का ग्रेडियंट अच्छा खासा स्टेबलिश हो जाता है देन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फाइव होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एफ नोट एफ वन ए टी पी सिंथेज पंप सिंथेज पंप और जब यहाँ पर इंटर मैम्रेन में एच पॉजिटिव का ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है ये जो एफ नोट एफ वन ग्रेडियंट पंप है ये रन होता है और एज अ रिजल्ट क्या करता है ए डी पी से ए टी पी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है क्लियर सो so, क्या देखने को मिला हम लोग को ये देखने को मिला दैट जो िसिस है ग्लाइकोलिसिस है ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोस बना पायर ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोस से पायरवेट बना ग्लूकोस से पायरवेट बना पायरवेट के दो मॉलिक्यूल बने पायरवेट के कितने मॉलिक्यूल बने दो मॉलिक्यूल बने टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरेवेट देन यहाँ पर क्या हुआ देन यहां पर पायरवेट से क्या बना एसिटाइल टाइल को इंजाइम है यहाँ पर जनरेट होगा और जो कि क्रैब साइकिल को रन करवाएगा क्रैब साइकिल और क्रैब साइकिल का रिजल्ट क्या होगा एन ए इन सब का फॉर्मेशन होगा और ये जो एन ए डी एच एफ ए डी एच एक इसमें ब्रेक होंगे एन ए डी और एच पॉजिटिव में और ये एच पॉजिटिव कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटरमेमर स्पेस में जो कि एफ नोट एफ वन को रन करवा के ए टी पी का प्रोडक्शन करवाएगा क्लियर है तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये लिंक्ड हैं सो so, ग्लाइकोलिसिस में क्या देखने को मिला ग्लूकोज से पायरवेट बना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरवेट में इसलिए इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है और ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को दैट जो इनिशियल फेज होता है वहाँ पर टू ए यूटिलाइज होते हैं और फाइनल में फोर ए बनते हैं और टू एन बनते हैं सो so, यहाँ पर दो ए यूटिलाइज हो रहे हैं फोर ए फॉर्म हो रहे हैं तो नेट क्या हो गया टू ए सो ये यहाँ पर ये यह है टू ए इसके अलावा टू एन निकलते हैं और एक एन को इन्होंने माना है यहाँ पर टू ए के बराबर तो टोटल फोर ए यानी कि सिक्स ए का जनरेशन यहाँ पर देखने को मिला क्लियर देन पायरेवेट से स्टाइल कोइंजैम ए जब बनता है सो so यहाँ पर टू मोलिक्यूल होते हैं पायरेवेट के सो so यहाँ पर टू एन निकलते हैं यानी कि सिक्स ए का जनरेशन यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि वन ए टी पी इज इक्वल टू थ्री एंड देन वन एन ए डी एच इज टू थ्री ए पी एंड टू लेके चल रहे हैं तो सिक्स ए टी पी देन यहाँ पर क्रैप साइकिल रन होगी जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्स एन ए डी टू एफ ए का फॉर्मेशन होगा और, और फाइनली नेट गेन जो है वो थर्टी सिक्स ए टीपी का होता है इन शॉर्ट देन आता है बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट बनता है सो कार्बोहाइड्रेट आर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस के थ्रू बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है इन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू क्लास ऑफ रिएक्शन ग्रीन प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या किया जाता है जो कार्बन होता है उसको फिक्स किया जाता है शुगर के फॉर्म में सो so फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी डिटेल लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं सो so, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ये दो रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है ये चलता है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन थाइला कोइंड मामब्रेन में लाइट एक्शन में हम लोग मेनली जेड स्कीम देखते हैं जिसमें हम लोग फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू के बारे में देखते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ़ दैट हम लोग को क्या देखने को मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ़ जेड स्कीम हम लोग को ए और एन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये ए और एन ए पर इन्वॉल्व होते हैं डार्क रिएक्शन में और इस डार्क रिएक्शन में सी थ्री साइकिल रन होता है जहाँ पर ट्रायोज फोस्फेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और जब ये टू टाइम रन होता है तो यहाँ पर छः कार्बन कंटेनिंग क्योंकि एक साइकिल में थ्री कार्बन सेकेंड टाइम रन होगा तो छः कार्बन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर सुक्रोज के फॉर्म में उस कार्बोहाइड्रेट को पूरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है एज अ फोटो एसाइमिलिट और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है सो इस तरीके से जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है सो so, प्लांट ने क्या किया प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो है वो कर लिया सो so, प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की सुक्रो स्टार्च इन सबका फॉर्मेशन हुआ देन हम लोग को पता है कि जो एनिमल्स होते अपना फूड खुद नहीं बनाते वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं सो एनिमल ने प्लांट से फूड लिया अब उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है सो so ये कार्बोहाइड्रेट एनिमल ने इनटेक की सो so उनकी बॉडी में एंट्री की देन इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर यूनिट में देन उसके बाद में यहाँ पर कैटाबोलिज्म का प्रोसेस चलता है जिसके अंदर हम लोगों ने अभी देखा ग्लाइकोलिसिस के बारे में ग्लाइकोलिसिस पायरेवेट बनेगा देन ये पायरेवेट रन होगा क्रैब साइकिल में देन क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फाइनली जो ए है उसका फॉर्मेशन होगा और इस ए को जो सेल है वो किस में यूटिलाइज़ करेंगे सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे क्लियर है सो so, इस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म और उसका बायोसिंथेसिस देखने को मिलता है लेक्चर नंबर थर्ड है सो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर सो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल इन दोनों के बारे में देख चुके हैं आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में देखेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में देखेंगे और पेंटोज फोस्फेट पाथवे के बारे में देखेंगे सो so, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने कल पूरा पाथवे डिस्कस कर लिया था यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनता है इस स्टेप को रेगुलेटरी स्टेप बोला जाता है और ये स्टेप क्या होता है ई रिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लाइकोलिस में टोटल थ्री स्टेप हैं जो ई रिवर्सेबल है स्टेप फर्स्ट थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप जो है ये भी ई रिवर्सेबल है जब फ्रक्टोिक्स फोस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बन रहा है और कौन सा इंजाम यहां पर काम करता है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज वन और जो लास्ट स्टेप है जो फोस्फो इनोल पाईरवेट से पायरवेट बनता है ये स्टेप भी ई रिवर्सिबल स्टेप है और यहाँ पर भी कौन इंजाम काम करता है पायरेवेट काइनेज इंजाम काम करता है सो so, ग्लाइकोलिस में फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप ये क्या है ये ई रिवर्सिबल है बाकी रिमेनिंग स्टेप रिवर्सिबल है ये तीन स्टेप इ रिवर्सिबल है सो so, ग्लैकोलिसिस का रेगुलेशन इन स्टेप्स के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होता है सो so, ग्लूकोज से ग्लूकोसिक्सफेट कौन बनाता है हेक्जोकाइनीज एंजाइम बनाता है और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ग्लूकोज से ग्लूकोसिक्स फोसफेट बना है सो ग्लूकोसिक्स फोसफेट क्या है प्रोडक्ट है ग्लूकोज सबस्ट्रेट है और काम कौन कर रहा हैगजोकाइनीज इंजैम काम करता है सो so, प्रोडक्ट जो है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो इंजाम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर सके सो so, हेजोकाइनिस का इनहिबिटर कौन हो सकता है एटीपी और ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट और एक्टिवेटर कौन होता है हैग्जोकाइनिज इंजाम का ए एम पी सेकेंड है स्टेप थर्ड जिसमें कि फ्रक्टोसिक्स फोस्फेट फ्रक्टोज वन सिक्स फोस्फेट में कन्वर्ट होता है फोस्फो फ्रक्टोकाइनिज इंजाम के हेल्प से सो so, फोस्फो फ्रक्टोकाइनीज इंजाम जो होती है इसका एक्टिवेटर ए और फ्रक्टोज टू सिक्स होते हैं और इसका जो इनिविटर है वो ए सिट्रेट और एच पॉजिटिव होता है लास्ट स्टेप में फोस्फो इनोल पायरवेट को पायरवेट में कन्वर्ट करने का काम करती है पायरवेट काइनेज एंजाइम और इसका एक्टिवेटर कौन होता है ए एम एडीपी एंड फ्रक्टोज वन सिक्स और इनिबिटर ए टी पी एसेटाइलकोइनजामे एंड एलेनिन ये इनिबिटर हो सकते हैं सो so, ग्लाइकोलिसिस में मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रेपरेटरी फेस में दो ए टी पी का लॉस होता है और पे ऑफ फेस में चार ए टी पी प्रोड्यूस होंगे और उसके साथ में टू एन ए डी एच प्रोड्यूस होंगे सो so, कई जगह ये लिखा होता है कि एक एन ए डी एच थ्री ए टी पी के बराबर होता है और कई जगह वन एन को टू पॉइंट फाइव ए के इक्वल कंसिडर किया जाता है सो so अगर हम लोग एक एन को थ्री ए के इक्वल कंसिडर करके रखते हैं सो so ग्लाइकोलिसिस में फोर ए प्लस थ्री इन टू 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 क्यों क्योंकि टू एन मिला है और एक एन कितने के बराबर है थ्री ए के बराबर सो टू एन कितने के बराबर होंगे टू इन टू थ्री इसके अलावा दो ए का लॉस हुआ है सो so, टोटल क्या होगा फोर प्लस सिक्स माइनस टू इज इक्ल टू एट ए और कई जगह टू पॉइंट फाइव ए टी कंसिडर किया जाता है और जब टू पॉइंट फाइव ए टी कंसिडर किया जाता है तो उस टाइम पर सेवन ए देखने को मिलते हैं सो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्री ए टी करके चला जाता है सो so, ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज से क्या बनता है पायरवेट बनता है पायर्वेट थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है इसलिए पायरेवेट के दो मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं और ये पायरेवेट क्या करता है क्रैब साइकिल को रन करवाएगा पायरेवेट से एसिटाइल कोइंजा में ही बनेगा और वो एस्टाइल कोइंजामे ऑग्जाला एसिडेट के साथ मिलेगा और सिट्रिक एसिड साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी सो so, जब एक पायरवेट मॉलिक्यूल से क्रैब साइकिल रन होती है तो उस टाइम पर टोटल चार एन देखने को मिलते हैं फर्स्ट सेकेंड दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन फोर एन एक एफ और एक ए लेकिन हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में दो पायर्वेट बनते हैं सो so, दो पायर्विट यानी दो बार ही हम लोग क्रेब साइकिल रन होगी इसमें सो so, जैसे ही दो बार क्रेब साइकिल रन होगी सो एक क्रेब साइकिल में फोर एन थे सो so, दो में एट एन ए डी एच टू एफ एंड टू ए टी और एक एफ ए डी एच वन एफ ए डी एच इज इक्वल टू टू ए टी पी एंड वन एन ए डी एच इज़ इक्वल टू थ्री ए टी पी सो टोटल कितने ए टी पी देखने को मिलेंगे एट इंटू थ्री प्लस टू इंटू टू प्लस टू ए टी पी सो टोटल देखने को मिलेंगे ट्वेंटी फोर प्लस फोर प्लस टू थर्टी ए टी पी सो क्रैब साइकिल में थर्टी एटीपी देखने को मिल रहे हैं और ग्लाइकोलिसिस में एट एटीपी सो टोटल कितने हो जाएंगे थर्टी एट ए सो मैक्सिमम एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पाइरेशन कितना देखने को मिल रहा है जब ग्लूकोज से पायरविट बनता है उस टाइम पर क्या देखने को मिलता है पायरविट कितने कार्बन कंटेनिंग होते हैं थ्री कार्बन कंटेनिंग होता है सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन यहाँ पर रन होगा जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है टू ए एंड एक बार और टू ए देखने को मिलेंगे टोटल सबस्ट्रेट लेवल फोर्शन से फोर ए देखने को मिलते हैं सो so इस वाले डायग्राम को एक बार स्किप कर दो अगले डायग्राम से देखते हैं सो so हम लोगों ने इन टोटल क्या देखा थर्टी एट मिल रहे हैं आठ ए टीपी से देखने को मिले और 30 थर्टी साइकिल रन हुई सो so टोटल 38 एट देखने को मिले जिसमें से कि जो दो ए होते हैं टू ए फॉर ट्रांसपोर्टिंग पायरविक एसिड इंटू माइटोकोन्ड्रिया फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस दो ए टी पी कब यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग पायरविक एसिड इंटू माइटोकोन्ड्रिया फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस जिसकी वजह से जो नेट ए टी पी हम लोग कंसिडर करके चलते हैं वो है थर्टी सिक्स क्योंकि दो ए टी पी क्या हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग पायरुविक एसिड टू माइटोकोन्ड्रिया सो टोटल थर्टी सिक्स ए जो है उनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है क्लियर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस बिगिंस विद माइटोकोन्ड्रियल ओग्लो एसिटेट बींग कन्वर्टेड टू फोस्फोनोल पायरविक ग्लूकोनियोजेनेसिस नियोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है माइटोकोन्ड्रियल ऑक्सैलो एसिडेट सो हम लोगों को पता है कि माइटोकोन्ड्रिया में ऑक्सैलो एसिडेट कब बन रहा है जब क्रेब साइकिल रन होती है क्योंकि क्रेब साइकिल कहाँ होती है माइटोकोन्ड्रिया में रन होती है माइटोकोन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और ग्लूकोनियोजेनेसिस नियोजेनिस कहाँ से स्टार्ट हो रही है माइटोकोड्रियल ऑक्सैलो एसिटेट से और ये ऑक्सैलो एसिडेट किस में कन्वर्ट हो रहा है फोस्फो इनोल पायरेविट में सो so, ये क्रैब साइकिल यहाँ पर रन होती है क्रैब साइकिल में ये है ओक्जैलो और ये माइटोकोन्ड्रिया का ओक्जैलो किस में कन्वर्ट होता है बिंग कन्वर्टेड टू फोस्फो इनोल किस में कन्वर्ट हुआ फोस्फोइनोल पायरेवेट में किसकी हेल्प से फोस्फो इनोल पायरेवेट कार्बोक्सिकाइनेस फोस्फोइनोल पायरवेट सी के मीन्स कार्बोक्सिकाइनेज सो ओक्सैलो से फोस्फो इनोल पायरवेट बना फॉस्फोइनोल इनोल कार्बोक्सिक कार्बोक्सिकाइनिज एंजाइम के हेल्प से क्लियर सेकेंड देर आर थ्री इ रिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस सो हम लोगों ने हम अभी देखा कि ग्लाइकोलिसिस में तीन स्टेप इ रिवर्सिबल होते हैं फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में हेक्जोकाइनेज एंजाइम काम करती है थर्ड स्टेप में फोस्फोफ्रक्टोकाइनिज वन एंजाइम काम करती है और लास्ट स्टेप में पायरविट काइनेज एंजाइम काम करती है तो ये जो तीन स्टेप होते हैं जो इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के ये तीनों स्टेप बाय पास बाय इंजाम स्पेसिफिक टू तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इन तीनों स्टेप में ग्लूकोनियोजेनेसिस में अलग अलग इंजाम यूज होते हैं फर्स्ट स्टेप जो जहाँ पर हैगजोकाइनिस एंजाइम यूज हो, हो रही थी वहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट यूज होगी फोस्फेटेज जहाँ फोस्फोफ्रक्टोकाइनिस वन यूज हो, हो रही थी वहीं पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फोस्टिज यूज होगी और जहां पायरवेट काइनेज यूज हो रही थी वहां पर फोस्पोइनोल पायरेट काइनेज यूज होगी बाकी पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के जैसा ही देखने को मिलेगा सो so यहां पर जहां फोस्पोइनोल पायर काइनेज इंजाम यूज हो रही है ये स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस में यहाँ पर क्या यूज हो रही है एक नया इंजाम यूज हो रहा है बाकी हर स्टेप में सेम इंजाम यूज होगा दूसरा चेंज कहाँ देखने को मिलेगा थर्ड स्टेप में जब फोस्फेट से फोस्फेट बनेगा उस टाइम पर यहां पर फ्रक्टोजेज इंजाम्यूज होगी फ्रक्टोज वन सिक्स फोस्फटेज, कब ग्लूकोनियोजेनेसिस के टाइम पर एंड इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी जब ग्लूकोस सिक्स फोस्फेट से ग्लूकोस बनेगा सो so ग्लूकोस सिक्स फोस्फर्ड टेज इंजाम यूज होगी क्लियर और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बनना ग्लूको यानी ग्लूकोज का सो रेफर्स टू सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्जर सो यहाँ पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे है जहाँ पर सारी चीजें सेम होंगी ग्लाइकोलिसिस जैसा एक्सेप्ट स्टेप थर्ड में यहाँ पर ओक्साइलोसिटेड से फोस्फोनोल पायरवेट बनेगा फोस्फोनोल पायरवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से इसके अलावा ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से जब ग्लूकोज बनेगा उस टाइम पर ग्लूकोसिक्स फोस्फट टेज यूज़ होगी जबकि ग्लाइकोलिसिस में हेक्जोकाइनज यूज़ हो रही थी यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जब फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फोस्फेट से फ्रक्टोसिक्स फोस्फेट बनेगा इस टाइम पर यहाँ फ्रक्टोज वन सिक्स फोस्फट टेज इंजाम यूज़ होगी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सो so, यहाँ पर ये ओवरव्यू दे रखा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो मेन पाथ पे हम लोग देखते हैं वो है ग्लाइकोलिसिस जो हम लोग ने देख लिया ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया सिट्रिक एसिड साइकिल ये भी हम लोग ने देख लिया लेक्टेड किस तरीके से बना अनैरो कंडीशन में ये भी हम लोगों ने देख लिया जो पाथवे हम लोग के रह जाते हैं वो हैं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन यानी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन यानी लाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस सिंथेसिस यानी जेनेसिस सो ग्लाइकोजेनेसिस इसके अलावा पेंटोसफोस्पिट पाथवे ये तीन स्टेप यहाँ पर तीन पाथवे यहां पर बाकी हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते हैं सो so ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगा ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन का जेनेसिस यानी बनना सो ग्लाइकोजन कैन बी डिग्रेडेड टू ग्लूकोज वन फोस्फेट दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोज मोलिक्यूल से ग्लाइकोजन का बनना इसको क्या बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्लियर ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस। पर ये दोनों स्टेप दिए गए हैं यहां पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें ग्लूकोस वन फोस्ट में सो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ग्लाइको जेनोलाइसिस और जब ग्लूकोस वन फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बन रहा है इसको क्या बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्लियर नेक्स्ट आता है यहां पर पेंटोज फोस्फेट पाथवे जिसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट बोला जाता है सो so, पेंटोज फोस्फेट पाथवे इज अनदर वे दैट द बॉडी इज एबल टू यूज ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट पेंटोसफोस्फेट पाथवे क्या होता है एक अनदर वे होता है जिसके थ्रू बॉडी क्या कर सकती है ग्लूकोज को यूज कर सकती है किस फॉर्म में यूज करती है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट के फॉर्म में द पाथवे इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज हाउ आर बॉडी क्रिएट मोलिक्यूल फॉर अदर प्रोसेस सच इज राइबोज फाइव फोस्फेट बींग अ प्रीकर्जल टू आर एन ए और डी एन ए सो पेंटोसफोसफेट पाथवे में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर राइबोस फाइव फोस्फेट इराथ्रोज फोर फोस्फेट इन सब का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये जो राइबोस फाइव फोस्फेट है हमें पता है ये आर और डीएनए में एज अ प्रीकरजर काम करता है क्योंकि वहां पर राइबो शुगर ही यूज होती है सो पेंटोसफोस्फेट पाथवे में मेनली हम लोग दो स्टेप्स देखते हैं एक होता है ऑक्सीडेटिव फेस ऑक्सीडेटिव फेस और एक होगा नॉन ऑक्सीडेटिव फेस नॉन ऑक्सीडेटिव फेस सो so, ग्लाइकोलिस में हमें पता है ग्लूकोस से ग्लूकोस सिक्स फोस्फेट बनता है और पेंटोस फोस्फेट पाथवे एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है एक दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू हमारा बॉडी इस ग्लूकोस सिक्स फोस्फेट को यूज कर सकता है सो पेंटोस पेंटोसफेट पाथवे में एक ऑक्सीडेटिव फेस होता है एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेस होता है ऑक्सीडेटिव फेस में क्या होता है ऑक्सीडेटिव फेस में ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फोसफेट बनेगा जो कि फाइनली ऑक्सीडाइज होगा राइबोज फाइव फोसफेट में सो so यहाँ पर क्या देखने को मिलता है ग्लूकोज से ग्लूकोस सिक्स फोस्फेट बनेगा जो फाइनली क्या बनाएगा राइबलोज फाइव फोस्फेट बनाएगा और इस पूरे प्रोसेस के टाइम पर टू एन ए डी एनएडी निकलेंगे वन एन ए डी पी एच यहाँ पर देखने को मिलता है दूसरा एन ए डी पी एच यहाँ पर देखने को मिलता है द enzyme इन दिस phase दैट कन्वर्ट NADP+ ए डी पी प्लस टू एन ए डी पी एच आर ग्लूकोज सिक्स एंड डिहाइड्रोजिनेज सो यहाँ पर जहाँ पर NADPH release रिलीज हो रहा है यहाँ पर जो enzyme काम कर रहा है वो कौन सा है Glucose-6-phosphate dehydrogenase और 6-phosphogluconate dehydrogenase. So सो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि pentose phosphate पाथवे जो होता है ये alternative पाथवे होता है जिसके थ्रू हमारा बॉडी क्या कर सकता है इस ग्लूकोसिक्सफेट को यूज कर सकता है और इसमें दो फेस होते हैं एक होता है ऑक्सीडेटिव एक फेस। होता है नॉन ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फेस में ऑक्सीडेटिवेटिव ग्लूकोट से राइबुलट बनता है और इस पूरे प्रोसेस के टाइम पर टू एन निकलता है एक यहां पर फॉर्म हो रहा है एक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और जो एंजाइम यहाँ पर काम करते हैं वह है ग्लूकोसिक्स फोस्फेट डिहाइड्रोजेस सिक्स फोस्फो ग्लुकोने डिहाइड्रोजेस क्लियर सो यानी कि ऑक्सीडेटिव फेस में टू एन ए डी पी एच रिलीज हो रहे हैं ये सारे रिएक्शन क्या है इ रिवर्सिबल है स्टेप फर्स्ट को क्या बोला जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप बोला जाता है एंड ऑक्सीडेटिव फेस इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ एन प्लस नेक्स्ट आता है नॉन ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव क्या होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं सो इन समिश्यू दैट नीड बोथ एन ई पी एच एंड पेंटोज पेंटोज यानी राइबोलोज फाइफोसफेट किसके लिए चाहिए होता है न्यूक्लोटाइड सिंथेसिस के लिए सो so वो कहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे को कंप्लीट करके वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं हावेवर देर आर टिश्यू देट ओनली नीड एन ई पी एच बट कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको केवल एन ई पी एच की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन ऑक्सीडेटिव को स्टार्ट कर देते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में क्या होता है ये जो राइबोलोस फाइव फोस्फिट बना है इसको आइसोमेरेज एंजाइम राइबोस फाइव फोस्फिट में कन्वर्ट करती है और एप्टी एंजाइम जाइलोस जयलोज फाइव में कन्वर्ट करती है ये भी फाइव कार्बन कंटेनिंग है ये भी फाइव कार्बन कंटेनिंग है देन यहाँ पर ट्रांसकिटोलेज एंजाइम काम करेगी एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर सीडो हैप्टोलोज और ग्लिस है बनेंगे और आगे ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहता है ये सारे रिएक्शन रिवर्सेबल होते हैं एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेस इज कंट्रोल्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ पेंटोस। सो जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में वो है ऑक्सीडेटिव फेस क्लियर टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन बायोसिंथेसिस एज वेल एज कैलोरोफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन

दे गिव स्ट्रक्चर टू द सेल एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोटीन सेलुलर स्ट्रक्चर देने के लिए एज वेल एज बायोकेमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन का सिंथेसिस जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन फॉलोइंग द रूल ऑफ सेंट्रल डोगमा डीएनए अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस आर एन एंड एम आर एन ए विद द हेल्प ऑफ डी आर एन एंड राइबोजोम प्रोड्यूस प्रोटीन सो सेंट्रल डोगमा क्या होता है जिसमें डी एन ए क्या करता है रेप्लीकेशन के थ्रू अपना कॉपी बना रहा है इस यहाँ पर और डी एन ए से आर एन ए का बनना किस प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखने को मिलता है और आर एन ए से प्रोटीन का बनना किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू सो so, इस तरीके से प्रोटीन फॉर्म होता है या प्रोटीन सिंथेसाइज़ होता है जब आर वापस से डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है रिवर्स प्रोसेस चल रही है इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हेल्प कौन करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो मेनली हमें जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है किस तरीके से डीएनए से आर बना ट्रांसक्रिप्शन से और आर से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन से क्लियर हम लोगों को यह पता है कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनता है अमीनो एसिड से अमीनो एसिड से और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किसके थ्रू लिंक होते हैं पेप्टाइड बोन्ड के थ्रू पेप्टाइड बोन्ड के थ्रू और इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्लियर सो so यहां पर ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन बनता है वो दिखा रखा है इस डायग्राम को देखने से पहले हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस या न्यूक्लियर माम्ब्रेन एब्सेंट होती है न्यूक्लियस क्या होता है एबसेंट होता है अब अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है So, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस में तो देखने को नहीं मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में क्लियर लेकिन इस डायग्राम में देखो यहां पर जो डीएनए है डीएनए से आरएनए जो है ये न्यूक्लियस में बन रहा है यानी प्रोकैरियोट्स का नहीं दिखा रखा ये किसके बारे में बताया गया है यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके बारे में है ये डायग्राम क्लियर सो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से उसके बाद इस आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है जो इंट्रोन्स होते हैं इंट्रोन्स यानी नॉन कोडिंग रीजन जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते इन नॉन कोडिंग रीजन को स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है और यहाँ पर जब एक्सोन रह जाते हैं यानी कोडिंग रीजन रह जाता है इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसिंग के बाद में इस आर को एक्सपोर्ट किया जाता है यानी बाहर की तरफ भेजा जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वो सारे इन्जाम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं सो so ये प्रोसेस्ड एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है क्लियर सो यानी कि यूकैरियोट्स के केस में रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन कहाँ देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में ये लोकेशन है राइट सो व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस की जाती है टू प्रोसेस आर परफॉर्म्ड टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डी एन ए टू प्रोटीन कौन कौन से दो प्रोसेस हैं एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन इन दो प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है प्रोटीन बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है जो क्या करता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइट्स को ऐड करता है यानी आरएनटीपीस को ऐड करता है और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है डीएनए से आर एन ए का फॉर्मेशन करवाता है क्लियर सो फर्स्ट इन अ प्रोसेस कॉल ट्रांसक्रिप्शन कोडिंग रीजन ऑफ जीन इज कॉपी टू अ आर एन ए वर्जन ऑफ डी एन ए और मेनली यहाँ पर काम कौन करता है आर एन ए इंजाम क्या करती है आर एन ए आरएनटीपीस आर एन टी को ऐड करती है आर एन ए को ऐड करती है और क्या बनाती है फर्दर ये बनाती है आर एन ए को और ये आर एन एम आर एन ए आर आर एन ए टी आर एन ए हमें पता है तीन तरीके का होता है और ये आर एन ए क्या होता है यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग के बाद में ये एम आर एन ए ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में ट्रांसलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है क्लियर जैसा यहाँ पर दिखा रखा है कि डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स में उसके बाद में न्यूक्लियस में ही एम की प्रोसेसिंग होगी उसके बाद साइटोसोल में उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पर राइबोसोम क्या करेगा उस एम से बाइंड करेगा टी आर वहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस तरीके से आर से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है सो so, जो समरी है वो इस डायग्राम में क्लियरली यहाँ पर बता रखी है कि यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है क्या क्या लोकेशन होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता इसलिए कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ देखने को मिलता है साइटो में बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सो रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं ये दोनों प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन कहाँ होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है साइटोसोल में किसके केस में यू के केस में वहीं पर जब हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं सो न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस एबसेंट होता है इसलिए जो सारा प्रोसेस है रेप्लीकेशन का ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन का कहाँ देखने को मिलता है साइटो सोल में आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सो प्रोटीन सिंथेसिस इज अ क्रिटिकल सेल्युलर प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी डाइसेक्टेड इनटू थ्री स्टेज अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है मेनली इस प्रोसेस पे फोकस करेंगे आर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है मेनली ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करेंगे सो प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी डाइसेक्टेड इनटू थ्री स्टेज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ये तीन स्टेज में डाइसेक्टेड होती है ये ईच स्टेज हैज डिफरेंट प्रोटीन एंड आर एन ए मोलिक्यूल दैट प्ले अ रोल इन इफिशियंट कैटालिसिस राइबोसोम ऑल्सो हैज थ्री मेन साइट एक्सेप्टर साइट पेप्टाइल ट्रांसफर साइट एंड एक्सट साइट यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में तीन स्टेज हैं इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन यानी कि ट्रांसलेशन में तीन स्टेज हैं क्लियर और राइबोसोम के बारे में यहाँ बता रखा है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है राइबोजोम में एक ई साइट होती है एक पी साइट होती है एक ए साइट होती है सो लेट मी शो यू मेनली अगर हम लोगों को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना होता है सो so, जो मेन रिक्वायरमेंट है मेन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोगों को चाहिए एम आर एन ए यू कैरियोर्ट्स के केस में एज वेल एज़ टी आर एन ए चाहिए होगा एज वेल एज़ अमीनो एसाइल टी आर एन एंथर टेज इंजाम चाहिए होगी सिंथर टेज इंजाम इसके अलावा अमीनो एसिड चाहिए होंगे इसके अलावा अमीनो एसिड चाहिए होंगे अमीनो एसिड और राइबोसोम ये सारे हम लोगों को चाहिए होंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनाने के लिए क्योंकि इतना हम लोगों ने देख लिया डीएनए से आरएनए बनता है आरएनए से प्रोटीन बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला जाता है और उस ट्रांसलेशन में तीन स्टेप होते हैं इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन इतना बेसिक हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि, कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है सो so, प्रोटीन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है एम आर एन ए टी आर एन ए अमीनो टी आर एन ए अमीनो एसिड और राइबोसोम। ये पांच चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सो so, अब हम लोग देख लेते हैं कि एम आर एन ए टी आर एन ए अमीनो टी आर एन ए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है सो so, ये जो फर्स्ट दिया गया है ये है टी आर एन ए टी आर एन ए में यहाँ पर ये जो है ये है एक्सेप्टर आर्म जहाँ पर अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा एक्सेप्टर यानी एक्सेप्ट करता है किसको अमीनो एसिड को ये यहाँ पर दिया गया है एंटी कोडोन आम या लूप जहाँ पर क्या होगा मान लो ये एम है और यहाँ पर कोई कोडोन है इसका एंटी कोडोन प्रजेंट होगा एम पे। और इस तरीके से ये काम करता है ये टी का स्ट्रक्चर है इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है सेकंड वाला ये है राइबोसोम का राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होती है एक स्मॉल सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स में जब हम बात करते हैं तो सेवेंटी एस होता है यूकैरियोट्स में एटी एस होता है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है इन्होंने एम और एम में स्मॉल सब यूनिट ने बाइंड कर रखा है पहले यानी एम को सबसे पहले जो बाइंड करती है वो है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट इसके अलावा यहां पर देखो ये लार्ज सब यूनिट दिखा रखी है ऊपर वाले जो यूनिट है ये है लार्ज सब यूनिट जिसमें कि तीन साइट बता रखे हैं ई साइट ए पी साइट एंड ए साइट क्लियर सो यह राइबोजोम का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस का अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिज इंजैम क्या करता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर एक अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं मिथियोनिन के बारे में मिथियोनिन के बारे में ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये है इन्जैम अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज इन्जैम ये क्या करती है इस टी आर एन ए को ये टी आर एन ए है इसको यहाँ पे पकड़ती है ये टी आर एन ए दिखा रखा है यहाँ पर टी आर एन ए किसके लिए ये स्टार्ट कोडोन मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए है और हमें पता है टी आर एन ए में एक्सेप्टर आर्म भी होती है सो इस टी आर एन ए से इस मिथियोनिन को बाइंड करवाती है ये इंजैम मिथियोनिन को और यहाँ पर ए टी पी की भी रिक्वायरमेंट होती है और जैसे ही मिथियोनिन इस टी आर एन ए से बाइंड होता है ये इंजाम अलग हो जाती है ये इंजाम सेपरेट हो गई और ये टी आर एन ए जो है ये किससे बाइंड हो गया इस अमीनो एसिड से बाइंड हो गया मिथियोनिन से और जैसे ये बाइंड हो जाता है इस टी आर एन ए को बोला जाता है चार्ज्ड टी आर एन ए यानी कि हम लोग को ये समझ आ गया कि ये जो टी आर एन ए है ये किस तरीके से अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा अमीनो एसाइल टी आर एन ए इंजाम की हेल्प से क्लियर सो यहाँ पर देखो ये एम आर एन ए है ये एम आर एन ए दिया गया है ये टी आर एन ए है ये यहाँ पर अमीनो एसाइल अमीनो एसाइल टी आर एन ए इंजाम की हेल्प से इस एक्सेप्टर आम पर अमीनो एसिड ऐड हो गया क्योंकि अमीनो एसिड टी आर का काम क्या होता है टी आर एन ए को किसे बाइंड करवाना अमीनो एसिड से यानी चार्ज्ड फॉर्म में लाना क्लियर सो यहाँ पर अमीनो एसिड की बाइंडिंग हो गई और हमें पता है जितने अमीनो एसिड होते हैं जितने ट्वेंटी डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं वो थ्री लेटर कोड को कोड करते हैं जैसे कि ए यू जी जी यू जी इस तरीके से जैसे ए यू जी किसके लिए है स्टार्ट कोडोन मिथियोनिन के लिए है सो so इस तरीके से थ्री लेटर कोड को कोड करते हैं सो so ये जो भी अमीनो एसिड को लेके आई है ये इंजाम ने जिस अमीनो एसिड से चार्ज करवाया है उसका यहाँ पर कोडोन है और एंटी कोडोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा एम आर एन ए में यानी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी बाइंड होगा सो so इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टी आर एन ए का क्या काम होता है अमीनो एस आई टी आर एन ए का क्या काम होता है एम आर एन ए का क्या काम होता है क्लियर अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से सारे रिक्वायरमेंट जो जो हम लोग को चाहिए थे किस तरीके से अपना काम करते हैं सो so, ट्रांसलेशन में भी तीन स्टेप्स होते हैं एक बिगिनिंग एक मिडल और एक एंड ये थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं इनिशिएशन पहला क्या होता है इनिशिएशन इनिशिएशन में क्या होता है इन दिस स्टेज राइबोसोम गेट टुगेदर विद द एमआरएनए एंड द फर्स्ट टीआरएनए सो ट्रांसलेशन कैन बिगिन इनिशिएशन में क्या किया जाता है इनिशिएशन में हमें पता है एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ये हमारे पास मान लो एम है और इनिशिएशन में पहले राइबोजोम का स्मॉल यूनिट बाइंड करता है एमआरएनए से इन दिस स्टेज राइबोसोम गेट टूगैदर विद द एम आर एन ए एंड फर्स्ट टी आर एन ए सो ट्रांसलेशन कैन बिगिन और हमें पता है यहाँ पर राइबोसोम के पास ई e साइट होती है पी साइट होती है और ए साइट होती है सो so यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर कुछ बाइंड रहते हैं यहाँ पर और जब यहाँ पर पी साइट पर पहला टी आर एन ए अमीनो एसिड के साथ में बाइंड होकर लग जाता है उसके बाद में इनिशियशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है क्लियर देन बोला गया है इलोंगेशन इलोंगेशन में क्या किया जाता है इन अमीनो एसिड को एक एक करके इन अमीनो एसिड को लगाया जाता है इलोंगेशन में यानी इलोंगेट किया जाता है इस चेन को और हमें पता है चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती चली गई यानी कि प्रोटीन बनता चला गया क्लियर टर्मिनेशन में क्या होता है टर्मिनेशन लास्ट स्टेज होती है जब प्रोटीन बन के रेडी हो जाता है So, यहाँ पर देखो इनिशिएशन में क्या होता है इनिशिएशन में ये एम आर एन ए है ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है दिस इज द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये जो है ये स्मॉल सब यूनिट है सो so, यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर तीन साइट होते हैं है, हमें पता है ई e साइट होता है पी साइट होता है और ए साइट होता है सो ई साइड पर इनिशिएशन फैक्टर वन बाइंड कर जाता है ए साइड पर इनिशिएशन फैक्टर थ्री बाइंड कर जाता है और पी साइड पर जब पहला स्टार्ट कोडन बाइंड करता है मिथियोन उसके बाद में जो लार्ज यूनिट है ये भी बाइंड कर जाती है और इस तरीके से इनिशिएशन यानी इनिशिएट हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस क्योंकि एक चार्ज टी आर एन ए आया है जिसने अमीनो एसिड यहाँ पर लगा दिया है और इस तरीके से फिर इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वन बाय वन अमीनो एसिड ऐड होते चले जाते हैं टी आर एन अमीनो एसिड को उठा के लेके आता है और यहाँ पर ऐड करता चला जाता है हम लोगों ने अब तक क्या देखा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है आरएनए से प्रोटीन बनता है आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कहा जाता है इस ट्रांसलेशन में तीन स्टेप्स होते हैं पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन दूसरा होता है इलोंगेशन तीसरा होता है टर्मिनेशन ये तीन स्टेप्स होते हैं सो सबसे पहले यहाँ पर यानी कि हमारे पास में आरएनए है आरएनए से प्रोटीन बनता है आरएनए भी बेसिकली कौन सा है एमआरएनए जो कि प्रोसेस्ड है सो ये है हमारे पास में एमआरएनए एमआरएनए और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड होंगे फॉर एग्जांपल मान लो यू ए सी ये कोई तीन न्यूक्लियोटाइड बाइंड है अब यहां पर क्या होता है यहां पर ये अपना मान लो टी आर एन ए है ये टी आर एन ए अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस एंजाइम के हेल्प से ये टी आर एन ए ये कौन सा इंजाइम है ये इंजाइम जो यहां पर दिया गया है ये इंजाइम है अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस अमीनो एसाइल टी आर एन ए इंजाम क्या करता है ये इंजाम इस टी आर एन ए को चार्ज फॉर्म में लेके आता है चार्ज फॉर्म यानी एक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा एक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा और यहाँ पर ए की रिक्वायरमेंट होगी और जैसे ही इस टी आर एन ए से अमीनो एसिड बाइंड करता है इस टी आर एन ए से जैसे ही अमीनो एसिड बाइंड करता है ये इंजाम जो है ये अलग हो जाती है क्लियर और ये टी आर एन ए पर जो अमीनो एसिड है उसका कोडोन यहाँ पर होता है जैसे मान लो मिथियोनिन है सो इसका कोडोन क्या होता है ए यू जी और ये जो चार्ज टी आर एन है ये अपने कोडोन को यहाँ पर ला के ऐड कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर हमें पता ये ट्रिपलेट कोड है यानी ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है फॉर एग्जाम्पल मिथियोनिन और इस तरीके से वन बाय वन क्या किया जाता है वन बाय वन यहाँ पर ट्रिपलेट कोडोन जो है ऐड किए जाते हैं यानी एक एक अमीनो एसिड ऐड किया जाता है और इस इलोंगेशन प्रोसेस को बोला जाता है सेकेंड स्टेप दैट इज इलोंगेशन और जब पॉलीपेप्टाइड का चेन बढ़ के बन के रेडी हो जाता है तब टर्मिनेशन का प्रोसेस किया जाता है यानी टर्मिनेट किया जाता है जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन रेडी हो जाता है आई होप आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे कि, कि किस तरीके से इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो है ये परफॉर्म किया जाता है सो so, यहां पर कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए सो so, हम लोग प्रोकैरियोट्स और यू में किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए मेरे यहां पर तीन फैक्टर्स होते हैं इनिशिएशन फैक्टर वन इनिशिएशन फैक्टर वन जो कि ए साइड से बाइंड करेगा राइबोसोम के इनिशिएशन फैक्टर टू एज वेल एज इनिशिएशन फैक्टर थ्री इनिशिएशन फैक्टर थ्री किससे बाइंड करेगा पी साइड पी साइड से इसके अलावा इलोंगेशन के लिए कौन कौन से होते हैं इलोंगेशन के लिए प्रोकैरियोट्स के केस में कुछ फैक्टर्स होते हैं सो so, इलोंगेशन इस पॉलीपेप्टाइड चेन चेन को इलोंगेट करने के लिए प्रोकैरियोट्स के, के केस में यू कैर मेनली इलागेशन फैक्टर टी यू इलोंगेशन फैक्टर टी एस एंड इलोंगेशन फैक्टर जी ये मेनली काम करते हैं क्लियर जी का काम होता है ट्रांसलोकेशन का देन टर्मिनेशन टर्मिनेशन में भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं मेनली रिलीजिंग फैक्टर काम करेंगे रिलीजिंग फैक्टर वन एंड रिलीजिंग फैक्टर टू और ये जब जी जी क्यू इस कोडोन को रिकॉग्नाइज को करते हैं इसको रिकॉग्नाइज करते टर्मिनेट कर देते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को एज वेल एज रिलीजिंग फैक्टर थ्री जिसकी एफिनिटी जी के लिए देखने को मिलती है आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसके बाद में यूकैरियोड्स के केस में भी कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं सो यूकैरियोड्स के केस में यू इनिशिएशन फैक्टर ए यू इनिशिएशन फैक्टर फाइव बी एंड यू इनिशिएशन फैक्टर थ्री इनकी रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग इलोंगेशन के बारे में बात करते हैं सो इलोंगेशन के लिए यू में किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इलोंगेशन के लिए यू एलोंगेशन फैक्टर वन एल्फा यूकैरियोटिक कैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर वन बीटा एंड यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर टू इनकी रिक्वायरमेंट होती है और टर्मिनेशन के लिए यूकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर वन और टू इन्हीं की रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है और ये भी जी जी क्यू के लिए एफिनिटी रखते हैं जहाँ पर भी जी जी क्यू को रिकोगनाइज कर लेते हैं वहाँ पर डिटैच हो जाते हैं आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सो so, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अदरवाइज़ ये बहुत लेंदी टॉपिक है सो so, यहाँ पर देखो डी से आर कैसे बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जहाँ पर आर एन एंजाइम ने काम किया उसके बाद में जब यहाँ पर आर एन ए बन के रेडी हो गया देन यहाँ पर राइबो आता है राइबो के भी दो सब यूनिट होते हैं लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एज वेल एज यहाँ पर टी आर एन ए जो है वो काम करता है और इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है सो so, पहला स्टेप क्या था इनिशिएशन इनिशिएशन में क्या हुआ इन ऑर्डर फॉर ट्रांसलेशन टू स्टार्ट वी नीड अ फ्यू की इंग्रेडिएंट दीज इंक्लूड राइबोजोम राइबोसोम में भी एक लार्ज सब यूनिट होता है mRNA, एक स्मॉल सब यूनिट होता है एन एम आर एन ए एक एम आर एन ए की हो रिक्वायरमेंट होती है और टी आर एन ए की रिक्वायरमेंट होती है ये हम लोगों ने देख लिया ड्यूरिंग इनिशिएशन दीज पीस मस्ट कम टूगेदर इन जस्ट द राइट वे और जब इनिशिएशन होता है तो राइबोसोम, एम आर एन ए टी आर एन ए टी आर एन ए ये सारे मिलके काम करते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं द मोलिकुलर सेटअप नीड टू स्टार्ट मेकिंग अ न्यू प्रोटीन और इन सबकी रिक्वायरमेंट किस लिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ट्रांसलेशन इनिशियशन गोज लाइक दिस फॉर्स द टी आर एन ए कैरिंग मिथियोनिन अटैच टू द स्मॉल राइबोजोम सब यूनिट सबसे पहले क्या होता है इनिशिएशन में टी आर एन ए जो है वो मिथियोनिन अमिनो एसिड से बाइंड करता है क्योंकि मिथियोनिन क्या है स्टार्ट कोडोन है टुगेदर दे बाइंड टू द फाइव प्राइम एंड ऑफ एम आर एन ए और जब टी आर एन ए अमीनो एसिड से बाइंड करता है उसके बाद में उसको एम आर एन ए का जो कोडोन होगा उसके साथ में अटैच करवाया जाता है और इस तरीके से प्रोसेस जो है आगे की तरफ प्रोसीड होती है देन आता है इलोंगेशन इलोंगेशन में क्या किया जाता है इलोंगेशन इज द मिडल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन इलोंगेशन का जैसा नाम है वैसा ही काम है इलोंगेशन मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन गेट लोंगर इलोंगेट होते चली जाती है चेन। सो आर फर्स्ट मिथियोनिन कैरिंग टी आर एन ए स्टार्ट आउट इन द मिडल स्लोट ऑफ द द दी साइट हमें पता है राइबोसोम में ई e साइट होती है जिसको एग्जिट साइट बोलते हैं एक पी साइट होती है एक ए साइट होती है सो so इस तरीके से मिथियोनिन जो है पी साइट पर आ जाता है और वन बाय वन अब अमीनो एसिड जो है एड होते चले जाते हैं और इनमें पैप्टाइड बोन जो है वो एड होता चला जाएगा नेक्स्ट इट टू द फ्रेश कोडोन इज एक्सपोज इन अनदर स्लोट और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड वो कहाँ पर एड होता है ए साइड पर एंड द ए साइड विल बी द लैंडिंग साइड फॉर द नेक्स्ट टी आर एन ए व मैचिंग टी आर एन ए लैंडेड इन द ए साइड इट्स टाइम फॉर द एक्शन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड क्योंकि फर्स्ट हमारा मिथ्योनिन एड हो गया था अब ए साइड पर एक नया अमिनो एसिड आके बाइंड किया है अब क्या किया जाएगा पैप्टाइड बॉन्ड को एड किया जाएगा इनके बीच में And this is step transfer the methionine from the first tRNA onto the amino acid of second tRNA. Once the peptide bond is formed, the mRNA is pulled onward through the ribosome by exactly one codon, and this shift allows the first empty tRNA to drift out by the exit site. अब हम लोगों ने अमीनो एसिड तो ले लिया है, tRNA जो है वो अकेला रह गया क्योंकि अमीनो एसिड हम लोगों ने ले लिया। अब इस tRNA को क्या किया जाता है? mt tRNA को drift out किया जाता है via the exit site. और इस तरीके से पूरा साइकिल जो है रिपीट किया जाता है देन आता है टर्मिनेशन टर्मिनेशन क्या होता है ट्रांसलेशन एंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनेशन टर्मिनेशन हैपेंस व्हेन अ स्टॉप कोडोन इन द एमआरएनए यूएए एन यूजीए यू ए ए यू ए जी यू जी एंटर द साइट टर्मिनेशन कब आ जाता है जब स्टॉप कोडोन जो है वो आ जाता है ए साइट पर प्रोटीन का सिंथेसिस किससे स्टार्ट हुआ था स्टार्ट कोडोन से मिथियोन से यू में मिथियोनिन प्रोकैरियोट्स में फोमाइल मिथियोनिन से सो so, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ था स्टार्ट कोडोन से और स्टॉप होगा स्टॉप कोडोन जैसे ही आ जाएगा स्टॉप कोडोन आर रिकोगनाइज बाई प्रोटीन कोल्ड रिलीज फैक्टर हम लोग ने देखा रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर वन टू एंड थ्री ये क्या करते हैं ये रिकोगनाइज करेंगे स्टॉप कोडोन को और जैसे ही रिकोगनाइज कर लेंगे फर्दर अमीनो एसिड को ऐड नहीं किया जाएगा और पोलिपेप्टाइड की चेन को वहीं पर रोक दिया जाएगा सो so, इस तरीके से जो है प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है यहाँ पर ये कैलोरीफिक वैल्यू बताए गए हैं किसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है सो फैट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो नाइन कैलोरीज पर ग्राम होती है एल्कोहल की सेवन कैलोरीज पर ग्राम होती है प्रोटीन की फ़ोर कैलोरीज़ पर ग्राम होती है कितनी होती है फ़ोर कैलोरीज पर ग्राम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फ़ोर कैलोरीज़ पर ग्राम एंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट फोर कैलोरीज पर ग्राम ये लेक्चर नंबर फिफ्थ है चार लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन का सिंथेसिस प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस क्लासिफिकेशन मेटाबोलिज्म सब डिस्कस कर लिया है सो so आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन का मेटाबोलिज्म सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टू डेज लेक्चर सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है प्रोटीन आर बायोलॉजिकल पोलिमर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अप पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बोंड के थ्रू सपोज ये एक अमीनो एसिड है ये दूसरा एक अमीनो एसिड है ये तीसरा एक अमीनो एसिड है ये किससे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं टूफोमा चेन इट इज असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल सेल सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए और बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए प्रोटीन जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इट इज फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी स्किन मसल हेयर ब्लड ऑर्गन आईज फिंगर नेल्स एंड बोन्स हर जगह पाया जाता है जैसे कैरेटिन प्रोटीन हो गया एल्बमिन हो गया दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और किसके पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड कंपोज टूगेदर टू तु फॉर्म अ प्रोटीन क्लियर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सो प्रोटीन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है सो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे हम लोग केवल मेन मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन में और फिब्रस प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है सो ग्लोबुलर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉम्पैक्टली फोल्डेड टू फॉर्म स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है कि वो ग्लोबुलर शेप में दिखती है जिसकी वजह से बोला जाता है उसको ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में मेनली चार टाइप के बोंड देखने को मिलते हैं देट इज़ हाइड्रोजन बोंड आयोनिक बोंड डाइसल्फाइड बोंड और हाइड्रोफोबिक बोंड डाइसल्फाइड बोन्ड क्या है एक तरीके का कोवेलेंट बोन्ड है विच मेंटेन अ टर्शरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है वाटर सोल्यूबल होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके एग एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन हीमोग्लोबिन एंड जितने इंजाइम्स होते हैं ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर देन आता है फाइब्रस प्रोटीन पोलीपेप्टाइड चेन आर एक्सटेंडेड along one axis and are spherically spherically wound to form fiber sphere form mein kya hoti hai wo fold hoti hai to form fiber hydrogen bond between amino acid residue so usually have high degree of secondary structure अगर आप लोगों ने protein का structure पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि protein का जो secondary structure होता है उसमें हम लोग alpha helix बीटा शीट के बारे में देखते हैं जिसमें जो मेन बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड सो फाइब्रस प्रोटीन में भी मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है सो यूजली दे परजेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं इन्सोलिबल होते हैं वॉटर में ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं एग्जाम्पल के लिए एल्फा कैरेटिन जो कि हेयर्स नेल्स में देखने को मिलता है इलास्टिन एंड कोलेजन क्लियर एंड कॉलेजिन का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो कॉलेजिन होता है यहाँ पर विटामिन सी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा सो so वो यहाँ पर फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट होता है और विटामिन सी का अगर डिफिशेंसी हो जाता है तो स्कर्वी देखने को मिलता है क्लियर और वन बाय थर्ड क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कोलेजन में ग्लाइसिन देखने को मिलता है क्लियर देन आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं और हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जिसमें मेन मेन फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन थे जो हम लोगों ने देख लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन में सिंपल और कॉन्जुकेटेड प्रोटीन देखेंगे हम लोग सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं सिंपल प्रोटीन गिव अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलस जब सिंपल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है सो वहाँ पर केवल क्या देखने को मिलते हैं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन एग ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्टोन कहाँ पर मेनली यूज होता है डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है हिस्टोन सो ये क्या करके रखता है हिस्टोन क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत nah, nah. Hmm. लॉन्ग होता है इसलिए उसको रैप कर करने का काम करता है ये क्लियर आप लोगों ने न्यूक्लियोजोम मॉडल पढ़ा होगा न्यूक्लियोजोम मॉडल जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि, कि किस तरीके से जो हिस्टोन होता है वो डीएनए को रैप करके रखता है जिसमें आप लोगों ने एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर और लिंकर डीएनए के बारे में पढ़ा होगा लिंकर डीएनए और देखा होगा कि किस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर बनता है क्लियर सो हिस्टोन क्या होता है सोल्यूबल होता है वाटर में डाइल्यूट अमीनो हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल होता है एग्जाम्पल हो गया इसका क्रोमेटिन ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन वाटर इनसोल्यूबल होता है इट इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज इन ब्लड सीरम एंड एज ब्लड फाइब्रोनोजन ग्लोबिलिन क्या होता है इट इज प्रजेंट इन एंटीबॉडीज इन ब्लड सीरम एंड एज आ ब्लड फिब्रोनोजन एज आ फिब्रोनोजन ये काम करता है एंड इट इज न्यूट्रल एल्ब्यूमिन क्या होता है एल्ब्यूमिन सोल्यूबल होता है वाटर में और ये एग वाइट में प्रजेंट होता है क्लियर नेक्स्ट आता है कॉन्जुकेटेड प्रोटीन कॉन्जुकेटेड प्रोटीन का जब हाइड्रोलिस होता है सो दे गिव्स अमीनो एसिड एंड नॉन अमीनो एसिड जबकि सिंपल प्रोटीन का जब हाइड्रोलिस हो रहा था सो केवल अमीनो एसिड मिल रहे थे लेकिन जब कॉन्जुकेटिड प्रोटीन का हाइड्रोलिस होता है सो दे गिव्स अमीनो एंड नॉन अमीनो एसिड इसमें दो टर्म्स आते हैं एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एक आता है कोफैक्टर सो so, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट दैट इज कोवलेंटली बाउंड टू अ प्रोटीन और को फैक्टर क्या होता है को फैक्टर नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं प्रोटीन से और ग्रुप क्या होते हैं प्रोस्टिक ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं क्लियर सो यहाँ पर ये कॉन्जुकेटेड प्रोटीन के क्लास दिए गए हैं जिसमें हम लोग लिपो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं ग्लाइको प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं हीमोप्रोटीन फ्लेवो प्रोटीन मिटेलो प्रोटीन ये सारे क्या हैं कॉन्जुकेटेड प्रोटीन हैं और एलबूमिन ग्लोबिलिन हिस्टोन क्या है सिंपल प्रोटीन है क्लियर ये यहाँ पर इनके प्रोस्टिक ग्रुप लिखे हुए हैं कि लिपोप्रोटीन का प्रोस्टिक ग्रुप क्या होगा लिपिड होगा लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन सो so प्रोस्टिक ग्रुप क्या है लिपिड है ग्लाइको प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दे आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रोस्टेटिक so, ग्रुप क्या है कार्बोहाइड्रेट है फोस्फो प्रोटीन ग्रुप फोस्फेट है हीम यानी आयरन रिंग, प्रोटीन यानी फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड एफ एम एन एफ मिटेलो प्रोटीन प्रोस्टिक ग्रुप क्या होंगे आयरन जिंक मोलिबिडनम कॉपर ये यहां पर इन सबके एग्जाम्पल लिखे गए हैं क्लियर नेक्स्ट यहाँ पर है क्लासेस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हम लोगों को पता है कि जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बनता है प्रोटीन जब अमीनो एसिड पैप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है तब जाके प्रोटीन बनते हैं अपने यानी कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन क्लियर सो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें सो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड में दो टर्म है अमीनो और एसिड क्लियर सो अमीनो और एसिड का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड में एक तो क्या प्रेजेंट होगा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा दूसरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा क्लियर है तभी तो इसका नाम क्या है तभी इसका नाम है अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप क्या होगा एनएच टू और एसिडिक ग्रुप क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर सो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा एक है अमीनो ग्रुप एक है एसिडिक ग्रुप और यहां पर ये आर जो है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड सो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अमीनो एसिड का सो so ये एक अमीनो एसिड लाइक मान लो ये एक अमीनो एसिड है एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड ये है दिस इज अनदर अमीनो एसिड सो so यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है यहां से यहां से एच टू निकलेगा और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से वॉटर इस तरीके से रिलीज होगा सो so जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का बनेगा यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है सो एक इस तरीके से दिखेगा इस तरीके से यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले हैं एक हाइड्रोजन रह गया इसके पास में से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है ये सेम है सो so ये जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों के बीच में दैट इज पैप्टाइड बॉन्ड ये है पैप्टाइड बॉन्ड इसको ओमेगा एंगल भी बोला जाता है और यहाँ पर जो सी और सी एल्फा के बीच में जो बॉन्ड होगा इसको बोला जाता है साई बॉन्ड और एन और सी एल्फा के बीच जो बॉन्ड होगा इसको बोला जाता है फाई बॉन्ड क्लियर सो टोर्सन एंगल दो कौन से होते हैं एक होता है साई एक होता है फाई साई si किस किस के बीच में होगा सी एल्फा के बीच में और एन एच और सी एल्फा के बीच में फाइव क्लियर है सो सो है है एंगल इस तरीके से जब एक चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, इसी तरीके से एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है ये पेप्टाइड बोन निकलता रहता है और इस तरीके से एक पोली चेन बन के रेडी होती है ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्लियर जिसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन होता है पेप्टाइड बोन के थ्रू और पेप्टैन बोंड किस तरीके से बनता है ये हम लोगों ने देख लिया जब यहाँ पर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तब जाके क्या बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वहाँ पर जो मेन बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि फाइब्रस प्रोटीन में भी देखने को मिलता है सो so, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बारे में देखते हैं बीटा शीट में मेनली हम लोग एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट के बारे में देखते हैं जिसमें जो मोस्ट स्टेबल होती है वो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है जब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी मोडिफिकेशन होता है तब बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर और जब टर्शरी स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन होता है देन बनता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्लियर है सो इस तरीके से क्लासेज हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर देखो ये एक अमीनो एसिड है ये दूसरे अमीनो एसिड से लिंक्ड है और इस तरीके से एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनी हुई है इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये लिस्ट है अमीनो एसिड की ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है ट्वेंटी अमीनो एसिड की यहाँ पर लिस्ट दी गई है सो so ये अमीनो एसिड जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बोन के थ्रू इस लीनियर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है और इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होने के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जब इसमें मॉडिफिकेशन होता है तो टास्टी स्ट्रक्चर बनता है और इसमें और मॉडिफिकेशन होता है तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नेक्स्ट आता है अपना अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया अमीनो एसिड सॉरी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया जिसमें हम लोगों ने फाइब्रस प्रोटीन के बारे में देखा ग्लोब्युलर प्रोटीन के बारे में देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल प्रोटीन के बारे में और कॉन्जुकेटेड प्रोटीन के बारे में देखा सिंपल प्रोटीन में हम लोगों ने एल्ब्यूमिन ग्लोब्युलिन और हिस्टोन के बारे में देखा और कॉन्जुकेटेड प्रोटीन में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर हाइड्रोलिस के बाद में अमीनो एसिड प्लस नॉन अमीनो एसिड दोनों का फॉर्मेशन होता है और सिंपल प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड ही फॉर्म होते हैं हाइड्रोलिस के बाद में प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी देन टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ये चार लेवल होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के नेक्स्ट आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसको ध्यान से देखना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। सो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है सो so क्या बनाता है ये बनाता है अमीनो एसिड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है किस तरीके से होता है अमीनो और एसिड यानी एक तो उसके पास में होगा अमीनो एसिड यानी एक अमीनो ग्रुप होगा एक एसिडिक ग्रुप होगा सो so ये रहा अमीनो ग्रुप और ये रहा एसिडिक ग्रुप इसके अलावा ये आर ग्रुप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो अमीनो एसिड बना और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा अगर हम लोगों को अमीनो एसिड का मेटाबोलिज्म करवाना है सो तो इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाल दो इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाल दो सो दैट इज अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म सो प्रोटीन ब्रेक हुआ क्या बना अमीनो एसिड बना अमीनो एसिड का मेटाबोलिज्म किया हम लोगों ने सो तो अमीनो ग्रुप को निकाल दिया और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर अमीनो ग्रुप के निकालने के बाद वो कुछ इस तरीके का बचेगा एच सी ओ ओ एंड आर इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कार्बन स्केलेटन जिसके पास में क्या होता है अल्फा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा अल्फा कीटो ग्रुप यानी कि सी डबल बोन्डो सो यहाँ पर क्या किया जाता है Osionfish. ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये प्रोटोन को लेता है और क्या बना लेता है अमोनिया बना लेता है क्या बना लेता है अमोनिया बना लेता है बॉडी में और ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या होता है टॉक्सिक होता है या तो हम लोग क्या करें इस अमोनिया को अमोनिया को बायोसिंथेसिस में यूज कर लें किसके बायोसिंथेसिस में अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में या अमाइंस के बायोसिंथेसिस में लेकिन अगर इस अमोनिया को बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए उस कंडीशन में क्या किया जाएगा उस कंडीशन में इस अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा और उस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा यूरिया साइकिल भी देखेंगे हम लोग किस तरीके से रन होती है और ये जो कार्बन स्केलेटन है इसका क्या यूज़ किया जाता है इस कार्बन स्केलेटन का ये जो एल्फा कीटो ग्रुप है ये कहाँ पर यूज होता है ये यूज होता है टी सी ए साइकिल में या फिर जिसको बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी टी सी ए साइकिल जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था एंड रिजल्ट क्या मिल रहा था एक बार जब ये रन होती है सो फोर एन ए डी एच वन एफ ए डी एच और वन ए जिसको कई जगह जी भी लिखा जाता है वो मिलती है और जब ये दो बार रन होती है सो दो बार रन होने के बाद में आठ एन ए डी एच टू एफ ए डी एच और टू जी टी पी या ए टी पी बनते हैं सो राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि क्रैब साइकिल में कितने जी टी पी निकलते हैं टू जी टी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्लियर कई जगह ये जी लिखा होता है कई जगह ये ए लिखा होता है सो so, इसमें कंफ्यूज नहीं होना so, जो एल्फा कीटो तो ग्रुप होता है ये कहां, रन, कहां पर यूज किया जाता है टीसीए साइकिल में यूज किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्साइलो बनता है और ये एसटाइल को इंजामिया से मिलके तब टीसी साइकिल बनाता है इसके अलावा ये ऑग्जाइलोसिटेट और कौन से साइकिल में यूज हो रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा था ये ऑग्जाइलोसिटेट जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा रहा था और ये ग्लूकोज कहाँ पर यूज की जाती है बॉडी में एज अ एनर्जी सोर्स यूज की जाती है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है ये एक ओवरव्यू है कि प्रोटीन ब्रेक होता है अमीनो एसिड में अमीनो एसिड जो है दो टर्म से मिलके बनता है अमीनो और एसिड यानी इसके पास एक अमीनो ग्रुप होगा एक एसिडिक ग्रुप होगा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मेनली क्या किया जाता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मेनली अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है मेनली किस को निकाला जाता है अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है और जैसे ही हम लोग अमीनो ग्रुप को निकालते हैं सो तो एक ये अमीनो ग्रुप एक प्रोटोन को लेता है और अमोनिया बना लेता है और ये इस अमोनिया का या तो बायोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाए या फिर इसको यूरिया साइकिल से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा क्योंकि ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए और ये जो बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है जिसमें अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसको बोला जाता है कार्बन स्केलेटन ये कार्बन स्केलेटन के पास में अल्फा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि टीसीए साइकिल में यूज किया जाएगा ऑक्साइलोसिटेट जो होता है टीसीए साइकिल का वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी परफॉर्म करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है ये ओवरव्यू है लेकिन इस अमोनिया को ऐसे ही नहीं निकाला जाता इसके पीछे पूरे प्रोसेस होता है ट्रांसअमिनेशन का डीअमिनेशन का सो उनको देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस अमोनिया को निकाला जाता है अमीनो एसिड में से सो जो पहला प्रोसेस होता है वो है ट्रांस अमीनेशन ट्रांसमाइनेशन में क्या किया जाता है ट्रांसअमाइनेशन में जैसा नाम है वैसा ही है इसका काम भी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप पर ट्रांसफर किसको किया जाता है अमीनो ग्रुप पर ट्रांसफर किया जाता है ग्लूटामेट को ग्लूटामेट को क्लियर आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी जिसमें क्या होता है जो पिलो होता है उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उसको पास किया जाता है इन द सेम वे यहाँ पर अमीनो ग्रुप का एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड को दिया जाएगा अमीनो ग्रुप इस तरीके से उसका ट्रांसफर देखने को मिलता है सपोज ये कोई अमीनो एसिड है ये कोई अमीनो एसिड है, ये है ये इसका अमोनिया अमीनो ग्रुप है एसिडिक ग्रुप है और हम लोग को पता है कि मेटाबोलिज्म जब होता है अमीनो एसिड का उसमें इस अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है इस अमीनो ग्रुप को रिसीव कौन करता है इस अमीनो ग्रुप को रिसीव करता है एल्फा कीटोग्लूटरेट एल्फा ग्लूटरेट क्यों रिसीव करता है क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को इस अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना है ग्लूटामेट को ग्लूटामेट और एल्फा ग्लूटरेट का स्ट्रक्चर सेम होता है कैसे एल्फा ग्लूटरेट में ग्रुप होगा और जब इस एल्फा किटोग्लूटरेट को अमोनिया मिल जाएगा ये ग्लूटामेट बन जाता है क्लियर है सो एल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है एल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा सीओ माइनस सी डबल मोनो क्योंकि एल्फा कीटोग्लूटरेट है सो so ग्रुप होगा सी एच टू सी एच टू इस तरीके से होता है सो so, यहां पर इस अमीनो एसिड के इस अमोनिया ग्रुप को एक्सेप्ट कौन करेगा इसको एक्सेप्ट कर लेता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसने इसको एक्सेप्ट किया ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है इसने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया अमीनो ग्रुप को सो so, ये क्या बन जाएगा सी ओ ओ माइनस यहाँ पर अमीनो ग्रुप लग जाएगा सी एन एच थ्री एच सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ माइनस और ये क्या बन गया ग्लूटामेट बन गया क्लियर है जब एल्फा कीटो ग्लूटरेट को अमीनो ग्रुप मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है ग्लूटामेट बन जाता है और बाकी ये जो स्ट्रक्चर बच गया ये वाला जो स्ट्रक्चर बच गया सी और ये सी डबल बॉन्डो यहां पर लग गया ये हो गया एल्फा कीटो एसिड क्लियर बट यहां पर आप लोग को यह दिख रहा है कि कहीं पर अमीनो ग्रुप का नेट लॉस हुआ हो नेट लॉस कहीं पर नहीं हुआ क्यों क्योंकि यहां से इस अमीनो ग्रुप को उठा के हम लोगों ने एल्फाइट अल, को दे दिया नेट लॉस कहीं पर नहीं हुआ यहां पर अमीनो ग्रुप का इसके लिए एक और स्टेप यूज होता है जिसको बोलते हैं डी अमीनेशन जिसमें हम लोग क्या करेंगे अमीनो ग्रुप का रिमूवल करेंगे सो ये स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट का जो कि ट्रांस अमिनेशन से बना सी एच टू सी एच टू सी ओ माइनस यही स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है यहाँ पर सो so यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजेस एंजाइम क्या करती है सबसे पहले इस अमोनिया अमीनो ग्रुप से एक प्रोटोन को ले लेती है एक प्रोटोन को यहाँ पर ले लिया जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट होता है सी ओ ओ माइनस क्योंकि इसका एक प्रोटोन ले लिया गया है सो तो ये स्ट्रक्चर रह जाएगा इसका हाइड्रोजन सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ माइनस देन क्या किया जाता है यहाँ पर वाटर का यूज़ किया जाएगा और इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाला जाएगा किस फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में इसको निकाला जाएगा ये क्या है अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया इस अमीनो ग्रुप को निकाल दिया इसी को तो बोलते हैं अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमें पता है कि ग्लूटामेट में से जब हम लोग अमीनो ग्रुप को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा एल्फा क्यूटोग्लूटरेट और जब इसको अमीनो ग्रुप दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा ग्लूटामेट यही तो है एल्फा क्यूटोगलूटरेट को जब अमीनो ग्रुप दे दिया सो ये क्या बनता है ये बनता है ग्लूटामेट और अगर इधर से अमीनो ग्रुप को निकाल लिया सो ये क्या बन जाता है अल्फा ग्लूटरेट सो ये स्ट्रक्चर था ग्लूटामेट का इसमें से हम लोगों ने अमोनिया को निकाल लिया अमीनो ग्रुप को निकाल लिया क्या बन गया अल्फा ग्लूटरेट अब ये अमोनिया कहाँ पर जाता है यूरिया साइकिल में और ये जो पूरा प्रोसेस है डियामिनेशन का ये कहाँ चलता है ये चलता है लीवर में लोकेशन क्या होती है लीवर होती है लीवर में भी मेनली माइटोकोन्ड्रिया में क्लियर सो so, अब हमारे पास में क्या हो गया ये अमीनो ग्रुप हम लोगों ने निकाल लिया लीवर में और रेस्पाइरेशन के थ्रू में पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी लीवर में सो so, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अमीनो ग्रुप दोनों मिलके क्या बनाते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं ये कार्बामाइल फॉस्फेट इस ओरनेथिन से मिलता है इस ओरनेथिन से मिलेगा और क्या बनाएगा सिट्रुलिन बनाएगा ये सिट्रुलिन आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेज एंजाइम के हेल्प से आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा ये आर्जिनोसक्सिनेट एल आर्जिनिन बनाएगा और ये एल आर्जिनिन वापस एलोनोथिन में कन्वर्ट होगा किस एंजाइम के हेल्प से आरजी नेज इंजाम के हेल्प से और यहाँ पर यूरिया जो है वो यहाँ से बनता है और इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से अब ये प्रोसेस लीवर में ही क्यों होता है क्योंकि ये आर्जीनेज इंजाइम लीवर में ही प्रेजेंट होती है इसीलिए ये पूरा यूरिया साइकिल जो है ये कहाँ पर रन होता है यूरिया में जिसको ओरनेथिन साइकिल भी बोला जाता है सो ये देखो यहाँ पर लीवर में हम लोगों ने अमीनो ग्रुप को निकाल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है दोनों मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ओरनेथिन से मिलके सिट्रुलिन बनाता है ये सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज इंजाम के हेल्प से आर्जिनोसक्सीनेट बनाता है देन आर्जिनिन बनता है और आर्जिनिन से फाइनली ओनथिन बनेगा और इसी स्टेप में यूरिया भी रिलीज होगा और इस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है कौन सा इंजाम हेल्प करता है आर्जिनेज और ये यूरिया साइकिल इसलिए चलती है लीवर में क्योंकि आर्जिनेज इंजाम कहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर में ही प्रेजेंट होता है इसलिए यूरिया साइकिल लीवर में ही रन होती है और आज हम लोग विटामिनस के बारे में देखेंगे जिसमें हम लोग विटामिन का टाइप और विटामस की डिफिशियंसी से होने वाले डिसीज के बारे में देखेंगे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है बायोसिंथेसिस कैसे होती है कैलोरफिक वैल्यू क्या होती है एज वेल एज़ प्रोटीन के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था प्रोटीन का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस सिंथिसिस मेटाबोलिज्म और कैलोरफिक वैल्यू इसमें लिपिड और न्यूक्लिक एसिड बाकी हैं ये भी हम लोग देखेंगे बट आज के लेक्चर में हम लोग विटामिन एंड देयर टाइप्स इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि चाहे वो एफ एस एस आई का एग्जाम हो चाहे स्टेट एफ एस ओ के एग्जाम हो, एटलीस्ट लीस्ट विटामिन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है सो पहले हम लोग विटामिन एंड देयर टाइप्स इसको कवर करेंगे सो आज हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में देखेंगे एंड दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन उसके बारे में देखेंगे और अलग अलग एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे राइट सो विटामिन होता क्या है विटामिन आर नेचुरल एंड असेंशियल न्यूट्रिएंट विटामिन क्या होते हैं असेंशियल न्यूट्रियट होते हैं असेंशियल न्यूट्रियट का मतलब क्या होता है विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी देअर फॉर वी नीड टू गेट दैम फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम और इन एक्सट्रीम केसेज सप्लीमेंट टू कीप आर सेल्फ हेल्दी विटामिन्स को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता विटामिन्स को हमें डाइट के थ्रू या फूड के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है इसलिए इनको बोला जाता है असेंशियल न्यूट्रीएंट जिनको हम लोगों को डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ेगा उन न्यूट्रिएंट को बोला जाता है असेंशियल न्यूट्रिएंट क्योंकि हमारा बॉडी उनको सिंथेसाइज़ नहीं कर सकता देन आता है विटामिन का फंक्शन क्या हो सकता है सो विटामिन प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपेयर एंड वूंड हीलिंग मेनली आप लोगों ने देखा होगा विटामिन के इसमें अपना रोल प्ले करता है मेंटेनिंग हेल्दी बोन एंड टिश्यू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन ये सारे किसके फंक्शन है विटामिन के देर आर थर्टीन डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबोलिक प्रोसेस मेटाबोलिक प्रोसेस मीन्स मेटाबोलिज्म जिसमें हम लोग कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के बारे में देखते हैं किसी चीज का ब्रेकडाउन होना या किसी का फॉर्मेशन होना सो so उसमें भी विटामिन जो हैं अपना रोल प्ले करते हैं डिस्कवरी ऑफ द विटाम वॉज बिगिन इन द ईयर नाइनटीन टवेल्व विटामिन का डिस्कवरी कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था किसने स्टार्ट किया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट केसी मीर फंक ने स्टार्ट किया था इसलिए इनको फादर ऑफ विटामिन भी कहा जाता है राइट सो विटामिन का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है कुछ ऐसे विटामिनस होते हैं जो वाटर सोलबल होते हैं कुछ ऐसे विटामिनस होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं जो वाटर सोलिबल विटामिन हैं उसमें हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी को देखते हैं विटामिन बी का भी खुद का एक ग्रुप होता है जिसमें कि विटामिन बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और फैट सोलबल विटामिन में विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के इनको कैटेगराइज किया गया है सो सोर्स ऑफ विटामिन कि जो हम लोगों ने फैट सोल्यूबल और वाटर सोलिबल विटाम देखे इनको ऑप्टेन कहाँ से किया जाता है सो so, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैट सोलियुबल विटामिन को कहाँ से ओब्टेन किया जा सकता है फैट सोलबल विटामिन जैसे विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के विटामिन ए जो है इसको मेनली पटेटोज कैरेट पमकिन स्पाइनेज बीफ और एग इन से ऑप्टेन किया जा सकता है और विटामिन ए की कमी अगर किसी इंडिविजुअल में हो जाती है सो so उसको विजन में प्रॉब्लम आ जाती है देखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नेक्स्ट आता है विटामिन डी इसको कहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है फाउंड इन फोर्टिफाइड मिल्क विटामिन ई को कहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है फोर्टिफाइड मिल्क से फोर्टिफाइड सीरियल से लिफी ग्रीन वेजिटेबल से सीड से और नट से विटामिन के का जो रिच सोर्स है वो है ग्रीन लिफी वेजिटेबल एंड टर्निप और बीट ग्रीन नेक्स्ट आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल विटामिन में देखा था कि बी विटामिन जो है इसका ग्रुप आएगा पूरा और विटामिन सी को कैटेगराइज किया जाता है इसके अंदर जिसमें हम लोग विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन और बी ट्वेल्व विटामिन बी वन को बोला जाता है थायमिन, विटामिन बी टू को बोला जाता है राइबोफ्लेविन बी थ्री को नियासिन बी फाइव को पेंथोथेनिक एसिड बी सिक्स को पायराडोक्सिन बी सेवन को बायोटिन बी नाइन को फोलिक एसिड बोला जाता है सो so ये सारा जो है ये विटामिन बी के ग्रुप के अंदर आता है नेक्स्ट आता है विटामिन सी सो so, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है वाटर सोलेबल विटामिन है. विटामिन बी वन जो है ये कहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है एनरिच्ड ग्रेन से और सीड से विटामिन बी टू फाउंड इन होल ग्रेन एनरिच्ड ग्रेन एंड डेयरी प्रोडक्ट विटामिन बी थ्री फाउंड इन मशरूम फिश पोल्ट्री एंड होल ग्रेन विटामिन बी फाइव फाउंड इन चिकन ब्रोकली लिग्यूम्स एंड होल ग्रेन ये सारे क्या हैं सोर्स हैं कि कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विटामिन को विटामिन बी सिक्स का जो रिच सोर्स है वो है फोर्टिफाइड सीरल एंड सोया प्रोडक्ट विटामिन बी सेवन फाउंड इन मैनी फ्रूट लाइक फ्रूट एंड मीट विटामिन बी नाइन फाउंड इन लिफी वेजिटेबल विटामिन बी ट्वेल्व फाउंड इन फिश पोल्ट्री मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट और विटामिन सी का जो रिच सोर्स है वो है सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया ग्रेप फ्रूट हो गया लेमन हो गया नेक्स्ट ये टेबल है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है विटामिन ओब्लिक मिनरल्स एक तरफ लिखा हुआ है इन विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाला डिसऑर्डर ओब्लिक डिसीज और एक तरफ लिखा हुआ है अवेलेबल फ्रॉम यानी कि सोर्स लिखा हुआ है कि कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल को सो so, इस टेबल को आप लोग बाय हार्ट याद कर लेना क्योंकि इस टेबल से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है एग्जाम में चाहे एफ एस एस आई एग्जाम हो चाहे स्टेट एफ एस ओ एग्ज़ाम हो जैसे कि जो विटामिन बी थ्री है इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन बी थ्री को नियासिन कहा जाता है अगर किसी इंडिविजुअल में विटामिन बी थ्री का डिफिशेंसी है तो वो इंडिविजअल डायरिया डरमेंटिया और इसमें भी कर लेना आप लोग इसे सफ़र कर सकता है विटामिन बी विटामिन सी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसके डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी हो सकता है स्वेलिंग ऑफ गम देखने को मिल सकता है या फिर इसको हम लोग ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है किसी इंडिविजुअल में अगर विटामिन सी का डिफिशियंसी है तो विटामिन डी जो है इसकी अगर डिफिशियंसी है तो रिकेटस हो सकता है इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ई e, सो so यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आप ऐड कर लेना जो विटामिन सी है ये विटामिन सी मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज कोलेजन। कोलेजन क्या होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन जब हम लोगों ने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखा था तब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन में मेनली कोलाजिन और इलास्टिन के बारे में देखते हैं हम लोग कोलेजन so, की सिंथेसिस के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है विटामिन सी दैट इज एस्कोर्बिक एसिड और अगर इसका डिफिशियंसी हो जाता है तो कोई इंडिविजुअल से सफर कर सकता है विटामिन ई e जो है अगर इसका डिफिशियंसी होता है सो लॉस ऑफ फर्टिलिटी देखने को मिलता है साथ साथ में विटामिन ई e जो है ये फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल एज वेल एज सेल मैम्ब्रेन के इंटेग्रिटी को स्टैब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के जो है ये एंटी हेमरेजिक है इसके अलावा हीलिंग में भी हेल्प करता है इसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ये मिनरल्स दिए गए हैं जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस सो यहाँ पर देखो कैल्शियम का सोर्स जो है मिल्क है और फॉस्फोरस का भी सोर्स मिल्क है सो so, तेलंगाना एफ में ये पूछा गया था कि कौन सा मिनरल है जो मिल्क से ओपटेन किया जा सकता है सो कैल्शियम एंड फोस्फोरस आयोडीन आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है गोइटर हो सकता है इलाज थाइरोड ग्लैंड देखने को मिल सकती है इसके अलावा एक और ऐड कर लेना अगर आयोडीन का कमी होता है सो so, क्रेशनिज्म भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट आता है आयरन आयरन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आयरन का डिफिशियंसी होता है सो आयरन डिफिशियंट एनीमिया और माइक्रोसिटिक एनीमिया ये देखने को मिलते हैं सो so अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया और आयरन डिफिशियंट एनीमिया से प्रिवेंशन चाहिए सो so उस इंडिविजुअल के डाइट में आयरन को इंक्लूड करना चाहिए राइट आयरन का अगर डिफिशियंसी होता है सो कोई इंडिविजुअल आयरन डिफिशियंट या माइक्रोसिटिक एनीमिया से सफर कर सकता है राइट सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं विटामिन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है विटामिन विच कैन कंबाइन विद फ्री रेडिकल एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ सेल मॉमरिन दैट इज विटामिन ई विच न्यूट्रिय हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसिटिक एनिमिया क्योंकि आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया और अगर इससे प्रिवेंशन चाहिए तो आयरन को इंक्लूड कर देना चाहिए डाइट में ऑफ विच विटामिन कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इट इज फोलिक एसिड विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजिन दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये क्या है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इसके लिए एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है अनदर टर्म फॉर प्रो विटामिन इज प्रो विटामिन को एक और नाम से जाना जाता है प्रीकर्जर के नाम से द विटामिन हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफिन टू नियासिन कौन सा है पायरेडोक्सिन इसको ऐड कर लेना उस टेबल में प्रोटीन आर असेंशियल फोर सो जब हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में देखा था वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए और फ्लूड रेगुलेशन में हेल्प करता है सो मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूड रेगुलेशन विटामिन विच आर लोस्ट मोस्ट रेडियली ड्यूरिंग कुकिंग सो विटामिन सी और थायमिन, ये क्या होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं सो हीट की वजह से कुकिंग के टाइम पर ये मोस्टली क्या हो जाते हैं लोस्ट हो जाते हैं सो इट्स थायमिन एंड विटामिन सी नंबर ऑफ जी टीपी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये क्वेश्चन जो है ये राजस्थान एफ में पूछा गया था कि जब ग्लूकोस है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज से पायरविड बनता है पायरविड से क्रैप साइकिल रन होती है सो इस पूरे प्रोसेस में कितने जी फॉर्म होते हैं सो मैंने आपको बताया था जब अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म करवाया था सो मैंने लिखवाया भी था यहाँ पर आपको कि टू जी टी टी और कई जगह इसको ए भी बोला जाता है सो टू जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है राइट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले यहाँ पर ताकि आप लोग को ये श्योर हो जाए जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमरेजिक इट इज विटामिन के कंजम्पन ऑफ रो एग वाइट कोज डिफिशंसी ये भी राजस्थान एफ में पूछा गया है इट इज बायोटिन सो so, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कैल्शियम सोडियम आयरन आयोडीन ये सारी लिस्ट दी गई है मे बी हम लोगों ने ये सारे नहीं पढ़े हों बट आयरन का हम लोगों ने देखा है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है एनीमिया आयोडीन जो है इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है गोइटर एज वेल एज इन्लार्जमेंट ऑफ थाइरोड ग्लैंड यानी समहााउ इट इज रिलेटेड विथ थाइर हॉर्मोन सो अगर हम लोग को सी का पता चल गया कि सी थर्ड से मैच कर रहा है सो so, ये केवल एक ऑप्शन में दिया गया है दैट इज थर्ड वन कैल्शियम जो है ब्लड क्लोटिंग में काम करता है जब हम लोग ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तब तो वहाँ पर आएगा ये और सोडियम जो है ये इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूड मेंटेनेंस में हेल्प करता है इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस में नेक्स्ट आता है एंटी न्यूट्रीन प्रेजेंट इन वेजिटेबल इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी विच कैन लीड टू सो ये क्वेश्चन जो है तेलंगाना एफ में पूछा गया है इट इज कर्वी विच ऑफ द फॉलोइंग डी विटामिन आर डी एस रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन प्रोटीन रिक्वायरमेंट इट इज पायरेडोक्सिन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इट इज ब्रैन ऑफ सीरल द सब्स्टांस इंटरफेयर विद आयोजिन अपटेक आर गोइटरोजिन नेक्स्ट आता है यहाँ पर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सो ये क्वेश्चन जो है तेलंगाना एफ एस ओ में पूछा गया है सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है कोलेजिन है और इस कोलेजिन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है सो so, कोलाजन और इलास्टिन ये मैंने आपको प्रोटीन क्लासिफिकेशन के टाइम पर बता दिया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो कोलाजिन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और इस कोलेजिन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है डर्मेटाइटिस डर्मेंटिया एंड डायरिया आर द टिपिकल डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ सो इट इज नियासिन ये भी तेलंगाना एफ में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी विद सिम्टम सो यहाँ पर विटामिन सी का हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन सी जो है इसकी डिफिशियंसी की वजह से ब्लीडिंग गम या स्वेलिंग ऑफ गम देखने को मिलता है जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है केवल और आयोडीन का मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की डिफिशेंसी की वजह से क्रेशनिज्म गोइटर और इन्लार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलता है सो सेकेंड मैचड विद फर्स्ट सो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एज वेल एज बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ये लेक्चर नंबर सेवेंथ है सिक्स लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सो so अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों वो लेक्चर यू कैन एक्सेस दो लेक्चर फ्रॉम द प्ले लिस्ट एंड दीज लेक्चर आर मेनली बेनिफिशियल फॉर द स्पाइरिन हु आर प्रपेयरिंग फॉर राजस्थान एंड हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का क्लासीफिकेशन स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस मेटाबोलिज्म और कैलोरिफिक वैल्यू ये देख लिया था और विटामिन एंड देयर टाइप्स और विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से होने वाले डिसीज के बारे में भी देख लिया था और इनके ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है न्यूक्लिक एसिड आर डिफाइंड एज लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल दैट स्टोर इनकोड एंड ट्रांसमिट जेनेटिक डाटा फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं इनकोड करते हैं एज वेल एज एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में उस जेनेटिक डाटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन आर सेल इन द फॉर्म ऑफ आर एंड डी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होती है सेल्स में होती है कैसे जैसे ये सेल है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए इसको क्या बोला जाता है न्यूक्लिक सो आर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंकोडेड इन आर सेल इन द फॉर्म ऑफ आर एन एंड डी एन ए दीज आर मेड ऑफ पोलेमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट विद एसिडिक प्रॉपर्टीज ये डी एन ए और आर एन ए किससे मिल के बने होते हैं किसके पोलेमर होते हैं ये ये पोलेमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के किससे मिल के बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज यूज

डीज वाइटल माइक्रो मोलिक्यूल्स आर टिपिकली मेड ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फोरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कार्बन हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसको इनकोड करके रखेंगे न्यूक्लिक एसिड कुछ रिपीटिंग यूनिट या पोलेमर होते हैं किसके पोलेमर होते हैं पोलेमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइप्स और ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनते हैं दीज वाइटल आर टिपिकली मेड ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन फोस्फोरस एंड कार्बन दे आर लॉन्ग चेन पोलेमर दैट कंसिस्ट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कोल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ईच न्यूक्लियोटाइड कंप्राइज अ फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है मेनली तीन चीजें कंसिस्ट करके रखता है वन इज फोस्फेट ग्रुप सेकेंड वन इज राइबोज और वी कैन से डी ऑक्सी राइबोज शुगर डिपेंड करता है वो डीएनए है या आरएनए है चाहे राइबोज हो चाहे डी राइबोज हो दोनों ही क्या है पेंटोज शुगर हैं यानी फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर है एज वेल एज नाइट्रोजिनस बेस होगा नाइट्रोजनस बेस जैसे ए टी जी सी सो न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है फोस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस एंडीओक्सी राइबोज और राइबोज शुगर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पेंटोज शुगर क्लियर सो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड दैट इज न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का तो हम लोगों ने देख लिया दैट जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस से बना न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इन तीन से मिलके बनता है लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फोस्फेट ग्रुप एबसेंट होता है यानी किससे मिलके बनता है राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस माइनस फोस्फेट ग्रुप यानी फोस्फेट ग्रुप क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है क्लियर सो so ये दो टर्म्स है एक न्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीज से मिलके बनता है और न्यूक्लियोसाइड राइबोस और बेस से मिलके बनता है क्लियर सो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं इन अ न्यूक्लियोटाइड इफ द शुगर अ राइबोज अगर इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो शुगर है पेंटो शुगर अगर ये राइबोज है सो उस केस में ये क्या होगा ये आर एन ए होगा और अगर डी ऑक्सी राइबोज है देन क्या होगा डी एन ए होगा राइट right? So in a nucleotide, if the sugar happens to be ribose, then the polymer is called RNA. If the sugar is deoxyribose, then it is called deoxyribonucleic acid, that is DNA. These are the most vital of all biomolecules present in living organism. Found abundantly in all living organism, they help encode. क्रिएट एंड ट्रांसमिट द कोडेक्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी सेल इन एवरी ऑर्गेनिज्म फर्दर मोर दिस इनकोडेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द न्यूक्क एसिड स्ट्रक्चर ऑफ डी एन एंड आर एन ए क्या करके रखते हैं डी एन ए आर एन ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करते हैं देन जैसे डी एन ए है जब ये डी एन ए का ट्रांसक्रिप्शन होता है देन आर एन ए बनता है और आर एन ए से प्रोटीन बनता है सो so, इस तरीके से इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है इनकोड किया जाता है और वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन इसको ट्रांसमिट किया जाता है अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म द हेलिकल बैकबोन ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड टिपिकली डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू सच बैकबोन वाइल आरएनए कंसिस्ट ऑफ वन जो डीएनए है ये दो बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है जबकि आर एन ए एक ही बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है सिंगल स्टैंडर्ड दीज फर्दर मोर असेंबल इन टू चेन ऑफ बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियो बेस न्यूक्लियो बेस या न्यूक्लियोटाइड बेस कौन कौन से हो सकते हैं डी एन ए केस में थाइमिन साइटोसिन एडेनिन एंड ग्वानिन और आर एन ए केस में थाइमिन की जगह यूरासिल साइटोसिन एडेनिन एंड ग्वैनिन यूरोसिल इज फाउंड ओनली इन आर एन ए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डी एन ए क्लियर सो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन ये डी एन ए आर एन ए दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन यूरेसिल केवल आर एन ए में होता है और थाइमिन केवल डी एन ए में होता है राइट right? जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है एक ही बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है न्यूक्लियोटाइड्स की किस तरीके से जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और ये जो है दिस इज आर एन सो क्या किया जाता है डी डबल स्टैंडर्ड होता है आर एन क्या करती है इस डी के एक स्ट्रैंड को जैसे ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है एक ये स्ट्रैंड है और एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी आरएनए पॉलीमरेज इसको एज अ टेंपलेट इनकोड करेगी एक स्ट्रैंड को और इसको रीड करके क्या करेगी आरएनटी पीस बनाएगी ये यह यहां पर आरएनटी पीस बनते जा रहे हैं लेकिन डीएनए के डबल स्टैंडर्ड में से केवल एक ही स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज किया है सो यहाँ परीस बने और इस तरीके से आर एन ए जो है ये क्या है आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड है जबकि डी एन ए जो है ये डबल स्टैंडर्ड है और आर एन ए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज शुगर ग्रुप प्रेजेंट इन डी एन ए सो so, ये आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड टाइप्स एज वी मेंशन अर्लियर देर आर टू मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होंगे एक होता है डीएनए एक होता है आरएनए। डीएनए इज प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कंसिस्ट करके रखता है डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करके रखता है और ये जो डीएनए और आरएनए एन पर होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोकैरियोट्स डू नॉट है इनक्लोज इन अ मैम्रेनस कोट क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है अब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है सो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन भी एबसेंट होगी और न्यूक्लियर माम्रेन एब्सेंट है इसका मतलब डीएनए इट डज नॉट इंक्लोज इन अ मैम्ब्रेनस कोट ऑफ न्यूक्लियर मामब्रेन यानी कि जो डीएनए है ये मैम्ब्रेन कोटेड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर माम्रेन भी एप्सेंट होती है जबकि यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सो इसीलिए यूकैरियोट्स में जो डीएनए और आरएनए एन ए जो न्यूक्लिक एसिड है वो मैमब्रेन इनक्लोज होते हैं देन आता है डीएनए के बारे में इन विद हिस्टोन प्रोटीन डीएनए फॉर्म अ केमिकल कॉम्प्लेक्स कोल्ड क्रोमेटिन। हमें पता है कि डीएनए क्या होता है क्योंकि डीएनए हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोटाइड जो है ये फॉस्फेट ग्रुप राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है ये जो फॉस्फेट है ये नेगेटिवली चार्ज होता है जिसकी वजह से डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है सो so, इसलिए जो हिस्टोन होता है ये डीएनए को रैप करके रखेगा और न्यूक्लियोजोम मॉडल बनेगा इस तरीके से दिस हावेवर डज नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स ईच क्रोमोजोम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ रिपोजिटरी ऑफ थाउजेंड ऑफ हंड्रेड ऑफ जीन डिक्टेटिंग द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी बिहेवियर हैबिट एंड अदर फंक्शंस मोस्ट जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट कैन कोड फॉर द प्रोटीन प्रोडक्ट इन द बॉडी सम ऑफ दिज कैन ऑल्सो कोड फॉर आर एन ए प्रोडक्ट सो जो डी एन ए है ये क्या इनकोड करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड करके रखता है ये जो जीन्स हैं ये क्या इनकोड करके रखेंगे ये किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी बिहेवियर हैबिट और अदर फंक्शंस को डिक्टेट करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है डबल हेलिक्स बैकबोन होती है दिस डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्टैंडर्ड होता है देयर एग्जिस्ट हाइड्रोजन बोन बिटवीन द हेलिक्स कौन सा बोन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बोन प्रेजेंट होता है कौन सा बोन प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बोन प्रेजेंट होगा हेलिक्स के बीच में डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से फोस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से डीएनए क्या कंसिस्ट करके रखता है न्यूक्लियोटाइड्स जो कि फोस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर दैट इज डिओक्सी राइबो शुगर को कंसिस्ट करके रखेगा साइक्लिक नाइट्रोजन बेस फाउंड इन डीएनए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन होते हैं जबकि आर में थाइमिन की जगह क्या होता है यूरोसिल होता है और डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है जेनेटिक डाटा को इनकोड करना स्टोर करना और फ्रॉम वन जेनरेशन और पेरेंटल जेनरेशन टू नेक्स्ट प्रोजेनए क्या करना ट्रांसमिट करना सो so यहाँ पर ये यह डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है कि डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है ए टी जी सी ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस ये शुगर बैकबोन है ये यह यहाँ पर बेस प्रेजेंट है जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा देन आता है आरएनए का स्ट्रक्चर आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल मोस्टली पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड आरएनए क्या करता है जो डीएनए का इंफॉर्मेशन होता है उसको इनकोड करता है किस फॉर्म में आरएनए के फॉर्म में और ये आरएनए फर्दर मोर प्रोटीन बनता है सो so, इस तरीके से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन डीएनए मॉलिक्यूल यूज एन इंटरमीडिएट मैसेंजर आर एन कॉल्ड एमआरएनए। कोल्ड एम आर एन ए भी कई तरीके का होता है जैसे एम आर एन ए टी आर एन ए आर आर एन एम आर एन ए लाइक मैसेंजर आर एन ए टी आर एन ए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है राइबोजोमल आर एन ए दैट इज़ आर आर एन ए सिमिलर टू डी एन ए आर एन ए मोलिक्यूल ऑल्सो कंटेन फॉस्फरिक एसिड नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जैसे डी एन ए में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं वैसे ही आर एन ए में भी होती हैं लेकिन ये पेंटोज शुगर कौन सी होती है राइबोज होती है अच्छा यहाँ पर दो टर्म्स हैं एक है डी ऑक्सी राइबोज जो कि डी एन ए में है और एक है राइबोज इनका मतलब क्या है डीऑक्सी राइबोस का मतलब ये है कि डीएनए में टू प्राइम पे ऑक्सीजन जो है ये एब्सेंट होती है जबकि आरएनए में ये प्रेजेंट होती है राइट right? सो so ये डिफरेंस होता है इनमें द हेटरोसाइक्लिक बेस फाउंड इन आरएनए क्या-क्या पाया जाता है गुआनिन एडेनिन साइटोसिन और थायमिन के प्लेस पे यूरसिल देखने को मिलता है अनलाइक डीएनए द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आरएनए इज क्या पाई जाती है बीटा डी राइबोस अटैच टू द फोस्फेट ग्रुप सो हम लोगों ने क्या देखा न्यूक्लिक एसिड जो है दैट एन एन डी एन आरएनए डी एन यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए मैमब्रेन इनक्लोज होते हैं जबकि प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होता है इसलिए मैम्ब्रेन इनक्लोज्ड नहीं होते डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा और यहां पर ये फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है ये थ्री प्राइम एंड दिस फाइव प्राइम और डीएनए किससे मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड जैसे फोस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस और डी ऑक्सी शुगर किसके केस में डीएनए के केस में और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं यहाँ पर वो हैं ए टी जी सी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आती है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएनए बनाएगी और आरएनए की सिंथेसिस भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही देखने को मिलती है जो शुगर यहाँ प्रेजेंट होती है वो होती है राइबो शुगर यानी इसके टू प्राइम पे ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट होता है और डीएनए में एबसेंट होता है ये आरएनए जो है ये प्रोटीन बनता है इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के फॉर्म से प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है इस तरीके से किसी इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल किस तरीके से दिखेगा कैसे हैबिट होंगे वो डिक्टेट होते हैं सो so, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन सो so, दो टर्म्स होते हैं एक होता है प्यूरिन एक होता है पिरामिडिन जब इनका हम लोग मेटाबॉलिज्म देखेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से साल्वेज और डिनोवो पाथवे जो, जो हैं वो यहाँ पर रन होते हैं सो so, एक होता है प्यूरिन एक होता है पिरामिडिन सो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनस बेस में से एडेनिन एंड पेराइमिन और थायमिन और साइटोसिन और आरएनए केस में थायमिन की जगह यूरस है किस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग जैसे कि यहां पर प्यूरिन कौन कौन से हैं एडेनिन और ग्वेनिन सो प्योर एज गोल्ड सो यहां पर प्योर में प्यूरिन ए यानी एडेनिन एंड जी मीन्स ग्वेनिन राइट सो इस तरीके से याद रख सकते हो सो बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएन एंड आर एन ए डीएनए इज अ पोलिमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन बाय फोस्फोडाइस्टर लिंकेज एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को किस बोन से ज्वाइन करके रखता है नाइट्रो फोस्फोडाएस्टर लिंकेज से जैसे कि ये यहाँ पर वो शुगर है पेंटो शुगर है ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है ये यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है सो ये क्या है ये न्यूक्लियोटाइड है ये है न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को किस बॉन्ड से ज्वाइन करके रखता है उस बॉन्ड को बोला जाता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड फोस्फोडाइस्टर बोन दिस इज न्यूक्लोटाइड वन देन न्यूक्लोटाइड टू और इस तरीके से न्यूक्लोटाइड जो हैं, ये ज्वाइन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनता है सो डीएनए इज अ पोलिमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए किसका पोलिमर है न्यूक्लियोटाइड्स का पोलिमर है न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन होते हैं ज्वाइन बाय फोसफोडाइस्टर लिंकेज डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टू स्टैंड ऑफ डीएनए आर ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस जैसे ये डीएनए है टू स्टैंडर्ड डीएनए है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है कौन सा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि यहाँ पर ये जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का ये किससे मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का सो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है राइट? डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। डीएनए का सिंथेसिस कहा होता है न्यूक्लियस में होता है और डीएनए जैसे ये डीएनए डीएनए है, है। डबल यहां पर फाइव प्राइम थ्री प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम यहां पर रेप्लीकेशन देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोर्स में जिसमें कि हेलिकेज इंजाम लाइगेज इंजाम और मेनली सिंथेसिस के लिए डीएनए एन ए पोलमरेज वो भी डीएनए एन पोलमरेज थर्ड मेनली पार्टिसिपेट करता है टिलोमरेज इंजाम, प्राइमेज इंजाम ये सारे इंजाम पार्टिसिपेट करते हैं और एज अ रिजल्ट यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो फॉर्म होता है एक स्टैंड होता है डीएनए का फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सो so, इसके कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लीकेशन से एक और स्ट्रैंड बनता है और जो दूसरा स्ट्रैंड है इससे भी एक और डीएनए की सिंथेसिस होती है सो so, इस तरीके से हाफ हाफ जो जेनेटिक है इससे एक नया डीएनए सिंथेसाइज होता है यानी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन देखने को मिलता है सो डीएनए एन रेप्लीकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस डीएनए एन जो है यहाँ पर मेन इन्जाम होती है जैसे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए एन होती है वैसे ही डी से आर डीएनए का रेप्लीकेशन होता है तो डी एन ए पोलमरेज में आर एन ए फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए गेट ट्रांसक्राइब इन टू डीएनए से बनता है आर आरएनए सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए आरएनए आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियो टाइट्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर एंड फोस्फिट सो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड डी और आर बनते हैं डी बनता है रेप्लीकेशन से आर बनता है ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया बेसिकली आर एन ए पोलमरेज इंजाम पार्टिसिपेट करती है और डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करती है और उससे एक स्ट्रैंड जो है एक बैकबोन जो है वो आरएनए की बनती है और डीएनए किस तरीके से बनता है डीएनए एन ए पोलमरेज हेलीकेज टिलोमरीज ये सारे इंजाम यूज़ होते हैं और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से एक डीएनए से दो डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं और इस तरीके से रेप्लीकेशन चलता है और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ये सब देख लिया था इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस मेटाबोलिज्म ये सब देख लिया था और विटामिस का पोर्शन भी डिस्कस कर लिया था तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था दैट जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है यानी जो डीएनए और आरएनए हैं, वो कैसे मिल बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिल बनते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फोस्फोडाइस्टर बोन से जुड़ा हुआ होता है ये हम लोगों ने देखा था और जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे मिल बनता है एक फोस्फेट ग्रुप होता है एक फाइव कार्बन शुगर होती है और नाइट्रोजेनस बेस होता है जिसमें हम लोगों ने ये देखा था जो नाइट्रोजेनस बेस होते हैं वो एडेनिन ग्वैनिन थाइमिन और साइटोसिन होते हैं डीएनए के, के केस में और आरएनए के केस में एडेनिन ग्वैनिन यूरासिल और साइटोसिन होते हैं आर के केस में इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा था यहाँ पर जो राइबोज शुगर है अगर डीएनए है सो टू प्राइम पे ये क्या है सेकेंड प्राइम ये है सो टू प्राइम पे ऑक्सीजन एबसेंट होगी क्लियर है सो ऑक्सीजन एबसेंट है तो वो डी है लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है अगर यहाँ पर ओ OH है ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन ये क्या है राइबोज शुगर है क्लियर सो so, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है सो so, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म देखने को मिलता है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है पेंटो शुगर प्रेजेंट होगी बेस प्रेजेंट होगा और फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा ये स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिलके बनते हैं सो so, हम लोग न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म के बारे में देखेंगे न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है बट हम लोग इसका केवल ओवरव्यू देखेंगे सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म और हमें ये पता है कि जो मेटाबोलिज्म है ये मेनली कैटाबोलिज्म यानी ब्रेकडाउन और एनाबोलिज्म यानी सिंथेसिस इन दो प्रोसेस को इंक्लूड करता है सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म में हम लोग मेनली एनाबोलिज्म के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड की जिसमें बेसिकली हम लोग प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस देखेंगे सो so, प्योरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए मेनली दो पाथवे होते हैं एक होता है डिनोवो पाथवे एक होता है सालवेज पाथवे अनदर इज सालवेज पाथवे और ये दोनों ही पाथवेज जो होते हैं ये क्या करते हैं ये दोनों ही पाथवेज प्यूरिन और पिरामिडिन इनकी सिंथेसिस करते हैं चाहे डिनोवो पाथवे हो चाहे साल्वेज पाथवे हो दोनों ही सिंथेसिस करते हैं बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है डिनोवो पाथवे जो होता है ये स्क्रैच से यानी इनिशियल टाइम से क्या करता है सिंथेसिस करता है जबकि जो सालवेज पाथवे होता है एक तरीके से ही रिसाइकल पाथवे होता है राइट सो सालवेज पाथवे और डिनोवो पाथवे दोनों ही प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं प्यूरिन की जब हम बात करते हैं सो प्यूरिन में हम लोग क्या देखते हैं इसमें सबसे पहले आईएमपी बनता है यानी बीच में इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बट जो मेन फॉर्मेशन होता है वो आई का होता है दैट इज इनोसिन मोनोफोस्फेट आई एम पी फर्दर क्या बनाता है आई एम पी फर्दर बनाता है ए एम पी एंड जी एम पी एम पी का क्या एब्रीविएशन होता है एडिनोसिन मोनोफोस्फेट और जी एम पी ग्वेनोसिन मोनोफोस्फेट देन एम पी फर्दर क्या बनाता है ए एम पी ए टी पी और जी टी पी का फॉर्मेशन करता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफोसफिट एंड जीटीपी यानी ग्वेनोसिन ट्राईफोसफिट सो so इस तरीके से डिनोवो पाथवे से प्यूरिन की सिंथेसिस हुई प्यूरिन यानी के एडेनिन एंड ग्वेनिन जब हम बात करते हैं पिरामिडिन के बारे में सो so डिनोवो पाथवे से पिरामिडिन की सिंथेसिस कैसे होगी और हमें पता है कि जो पिरामिडिन है इसमें मेनली क्या इंक्लूड होता है पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन इंक्लूड होते हैं और आर के, के केस में थाइमिन की जगह पे यूरोल का फॉर्मेशन होता है सो जनरली पिरामिडिन सिंथेसिस में क्या देखने को मिलता है पिरामिडिन सिंथिस में सबसे पहले यूएमपी यानी यूरेडिन मोनोफोस्फेट का फॉर्मेशन होता है देन ये यूरेडिन मोनोफोस्फेट क्या बनाता है ये यूरेडिन मोनोफोस्फेट साइटोसिन ट्राईफोस्फिट बनाता है जबकि जब हम लोग डीएनए के बारे में बात करते हैं उस टाइम पर ये यूएमपी क्या बनाता है ये डी राइबो यूरेडिन मोनोफोस्फेट बनाता है एंड देन ये डी क्या बनाता है डी टी, टी टी पी जिसका एब्रीवेशन क्या होता है डी ऑक्सी थाइमिन ट्राइफोसफेट सो so इस तरीके से पिरामिडिन थाइमिन यूरेसिल और साइटोसिन की फॉर्मेशन होती है पिरामिडिन डिनोवो पाथवे से अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म मेनली हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म में मेटाबोलिज्म हमें पता है कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो पाथवेज होते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पर एनाबोलिज्म पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है जिसमें सिंथेसिस के लिए डिनोवो पाथवे और सालवेज पाथवे रन होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस होती है और पिरामिडिन के अंदर थायमिन साइटोसिन यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस होती है प्यूरिन में क्या होता है आई फर्दर ए और जी बनाता है ए से ए और जी से जी यानी एडोनस एडिनोसिन और ग्वेनोसिन ट्राइफोस्ट का फॉर्मेशन होता है इन द सेम वे जो साल्वेज पाथवे होता है साल्वेज पाथवे में भी इसी तरीके से प्यूरिन की सिंथेसिस होती है, राइट? Right? यानी जो दोनों ही पाथवेज होते हैं कहां पर काम आते हैं ये दोनों ही पाथवेज प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए या न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं सो so, डिनोव एंड साल्वेज पाथवे क्या करते हैं मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस क्योंकि हम लोग एनाबोलिज्म देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस राइट सो डिनोवेन साल्वेज पाथवे आर मेनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दीज न्यूक्लियोटाइड कम्बाइंड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड दैट इज डी एन एंड आर एन ए आई होप ये क्लियर हो गया होगा सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि सालवेज पाथवे में क्या होता है सालवेज पाथवे सालवेज पाथवे हम लोग को पता है कि ये एक तरीके से रिसाइक्लिंग फॉर्म में होता है इसमें क्या होता है इसमें जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ये किससे अटैच होते हैं ये अटैच होते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पी आर पी 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 आर पी पी क्या होता है पी आर पी पी होता है फाइव फोसफो राइबोसिल वन फोस्फेट सो so, यहां से साल्वेज पाथवे की स्टार्टिंग होती है और इस तरीके से एंड प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पिरामिडिन और प्यूरिन होते हैं राइट right? यानी एंड प्रोडक्ट क्या होंगे इसके न्यूक्लियोटाइड जो है ये एंड प्रोडक्ट होंगे वहीं पर जब हम बात करते हैं डिनोवो पाथवे के बारे में डिनोवो पाथवे क्या होता है डिनोवो पाथवे इसमें ये क्या करता है बेस इट्स सेल्फ सिंथेसाइज फ्रोम किससे सिंथेसाइज होते हैं कुछ रो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो रो मटेरियल क्या क्या होते हैं वो रो मटेरियल होते हैं डिनोवो पाथ्वे में इनिशियली अमीनो एसिड प्लस एक्टिवेटेड पी आर पी पी यानी फोसफोर आइबोसिल वन फोसफेट एज वेल एज ए टी पी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ फोलेट डेरिवेटिव होते हैं और इनसे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है राइट right? साल्विज पाथवे में पी जो एक्टिवेटेड पी है उससे बेस अटैच्ड होते हैं जबकि डिनोवो पाथवे में बेस पहले सिंथेसाइज होते हैं कुछ रो मटेरियल से और उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है और दोनों ही पाथवे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करते हैं दोनों ही पाथवे से प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस देखने को मिलती है सो so ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया अदरवाइज ये डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हैं ये दोनों के दोनों तो so, ये देखो डिनोवो पाथवे में क्या हुआ हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोसिक्स फोस्फेट बनता है देन यहाँ पर पेंटोज फोसफेट पाथवे जिसको एच एम पी शंट पाथवे बोलते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में उसे क्या बनता है राइबोस फाइव फोस्फेट बनता है और राइबोस फाइव फोस्फेट से फाइव फोसफो वन फोस्फेट बनता है दैट इज पी आर पी पी और इस तरीके से पाथवे चलता है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है आई का फॉर्मेशन होता है और ये आई फर्दर क्या बनाता है ये आई फर्दर जी और ए एम पी ये आई एम पी क्या बनाता है जीएमपी पी बना रहा है इधर के साइड और इधर के साइड ए एम पी बनाता है यानी इस आई एम पी से किसका फॉर्मेशन हुआ प्यूरिन का फॉर्मेशन हुआ एडेनिन और ग्वेनिन ये मोनोफोस्फेट फिर क्या बनाते हैं ट्राई का फॉर्मेशन करते हैं ये देखो यहाँ पर ए एम पी से एडीपी और एडीपी से ए टी पी सेम जीएमपी से जी डी पी और जी डी, डी पी से जी टी पी और साल्वेज पाथवे में क्या होता है साल्वेज पाथवे में जो यूएमपी पी होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है उसे फॉर्मेशन देखने को मिलता है सी टी पी और टी टी पी का सो इस तरीके से रन होते हैं साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे राइट देन आता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज ए स्टेटेड न्यूक्लिक एसिड इज अ स्पेसिफिक लार्ज मोलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ पोलमर और स्ट्रिंग दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ यूज न्यूक्लिक एसिड एज अ सोर्स और लोकेशन फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स कोड और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जेनेटिक कोड या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए न्यूक्लिक एसिड्स को ही यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड ही वो लोकेशन है जहाँ पर हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है न्यूक्लिक एसिड आर लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव विच स्टोर ऑल द असेंशियल सोर्स कोड और ब्लू फॉर मेकिंग एंड रिपेयरिंग न्यू सेल्स द मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम डी एन ए रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ स्पीसीज डी एन ए क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक रिजर्वयर होता है और यही क्या करता है किसी इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लीकेशन जिसको हम लोग सेल्फ डुप्लीकेशन बोलते हैं क्योंकि रैप्लीकेशन में क्या होता है डीएनए खुद का कॉपी बनाता है डुप्लीकेट करता है सेल्फ रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज एन एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस मेनली डीएनए पोलमरेज यूज होती है जिसमें वेयर द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड एंड ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ पैटर्न फॉर द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस जिसमें एक डी का स्ट्रैंड क्या होता है अनवाइंड होता है और सेमी कंजर्वेटिव मोड से दो नए स्ट्रैंड बनते हैं and this new strand is identical to the original one this process help in transferring the characteristics from one cell to another jisko hum log kya bolte hain heredity bolte hain another major function of nucleic acid is protein synthesis dusra function kya hota hai nucleic acid ka protein synthesis जिसमें क्या देखने को मिलता है डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग इज अनदर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड का डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट फिंगर प्रिंट एंड दिस फंक्शन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वन पर्सन फ्रॉम अनदर जीन थेरेपी इज अ टेक्निक वेयर डिफेक्टिव सेल आर रिप्लेस बाय नॉर्मल जीन टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर सो डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग जो है ये अनदर फंक्शन फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का हर इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट क्या होता है अलग अलग होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल वन पर्सन फ्रॉम अनादर पर्सन उनको डिस्टिनिग्यूज कर सकते हैं सेल्युलर मेटाबोलिज्म इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डी एन ए वेर इट इंटीग्रेट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बायोकेमिकल पाथवे डिवोट टू द मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शन सेलुलर फंक्शन में भी डी एन ए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो so, ये सारे क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन होते हैं सो so, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग दैट न्यूक्लिक एसिड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक डाटा न्यूक्लिक एसिड आर कैटेगराइज इन टू डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से डी एन ए और आर एन ए में क्लासिफिकेशन होता है इसका एंड दीज टू फंक्शन एज द स्टोरिंग ऑफ जेनेटिक कोड इनकोडिंग डिकोडिंग एंड ट्रांसफरिंग दिस जेनेटिक कोड और ये न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करना उसको इनकोड करना उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड सो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस मेटाबोलिज्म और कैलोरफिक वैल्यू ये डिस्कस कर लिया था एज वेल एज हम लोगों ने विटामिन एंडर टाइप्स और प्रीवियसर क्वेश्चन भी हम लोग ने देख लिए हैं आज हम लोग लिपिड को टारगेट करेंगे सो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज कवर कर लेंगे इस लेक्चर में सो आज हम लोग लिपिड का क्लासिफिकेशन बायोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म ये देखेंगे सो लिपिड क्या होता है लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरोल इनका कॉम्बिनेशन होता है सो फैटी एसिड और ग्लिस दोनों से क्या बनता है लिपिड बनता है और फैटी एसिड क्या होता है फैटी एसिड जो है इसके स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है एज वेल एज एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन चेन कैसे जैसे सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन इसके अलावा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा यानी सी ओ ओ एच सो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं फैटी एसिड बनाते हैं और फैटी एसिड जो हैं ये दो तरीके के होते हैं एक होते हैं सैचूरेट फैटी एसिड एक होते हैं अन फैटी एसिड सैचूरेटेड फैटी एसिड जैसे सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच यह हो गया हाइड्रोकार्बन चेन और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप सो यह क्या हो गया अपना फैटी एसिड और यहां पर सिंगल बोन्ड है इसका मतलब यह क्या है यह है सेचुरेटेड फैटी एसिड क्लियर और अगर यहां पर डबल बोंड होता सो so, यह क्या हो जाता अनसेचूरेटेड फैटी एसिड हो जाता क्लियर सो so, यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेचूरेटेड फैटी एसिड के और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के सेचूरेटिड फैटी एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं लोरिक एसिड मायरेस्टिक एसिड पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड लोरिक एसिड जो है ये ट्वेल्व कार्बन कंटेनिंग होता है मायरेस्टिक एसिड फोर्टीन कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है पालमेटिक सिक्सटीन कार्बन कंटेनिंग और स्टेरिक एटी कार्बन कंटेनिंग और सैचूरेट फैटी एसिड क्या होते हैं यहाँ पर दो टर्म्स हैं एक है सेचूरेटिड एक है फैटी एसिड फैटी एसिड यानी हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जब उनमें सिंगल बोन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा सेचूरेटेड फैटी एसिड और अगर डबल बोन प्रेजेंट है सो अनसैचुरेटिड फैटी एसिड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है ओलिक एसिड पाल्मेटोलिक एसिड लिनोलिक एसिड लिनोलेनिक एसिड एरेकेडनोइ एसिड ओलिक एसिड 18 कार्बन कंटेनिंग होता है और एक डबल बोंड प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर नाइन पे पाल्मेटोलिक 16 कार्बन कंटेनिंग होता है एक डबल बोंड होगा कार्बन नंबर नाइन पे लाइनोलिक 18 कार्बन कंटेनिंग दो डबल बोंड होंगे नाइन्थ और ट्वेल्थ कार्बन पे लेनोलिनिक एटीन कार्बन कंटेनिंग होगा तीन डबल बोंड प्रेजेंट होंगे और एरेक्केडनिक एसिड जो है ट्वेंटी कार्बन कंटेनिंग विद फोर डबल बोंड जो हैं ये प्रेजेंट होंगे सो so, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें कार्बन नंबर नाइन्थ के बाद में भी डबल बोंड प्रेजेंट है जैसे लिनोलिक में कार्बन नंबर नाइन्थ और कार्बन नंबर ट्वेल्व यहाँ पर डबल बोंड है लेनोलिनिक में भी नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन कार्बन पर डबल बोंड है और एरेकेडोनिक में भी फाइव एट इलेवन और फोर्टीन पे है यानी यहाँ पर लिनोलिक और लिनोलिनिक ऐसे हैं जिनमें कार्बन नंबर नाइन के बाद भी डबल बोन प्रेजेंट है सो ऐसे जो फैटी एसिड हैं वो असेंशियल फैटी एसिड हैं हमारा बॉडी उन्हें सिंथेसाइज़ नहीं कर सकता सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि असेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं हमें पता है कि असेंशियल यानी कि हम लोगों को डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट है हमारा बॉडी बाय ओन उन उनको प्रिपेयर नहीं कर सकता सो so, ट्रिक क्या है याद रखने की कि नाइन्थ कार्बन के बाद भी अगर डबल डबल बोन प्रेजेंट है ऐसे फैटी एसिड जो हैं वो असेंशियल फैटी एसिड हैं दैट इज लिनोलिक एंड लेनोलिनिक राइट सो हम लोगों ने देख लिया कि फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं एक होता है सैचूरेटेड फैटी एसिड एक होता है अनसेचूरेटेड फैटी एसिड और फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिल बनता है इसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए कि सैच्यटेड का क्या एग्जाम्पल होगा अनसेच्यूरेटेड फैटी एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा अनसेच्यूरेटिड फैटी एसिड को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है सिस और ट्रांसफॉर्म में सिस फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री सेम साइड है हाइड्रोजन बॉन्ड भी सेम साइड है सो so, ऐसे जो फैटी एसिड हैं वो होंगे सिस अनसेचुरेट फैटी एसिड बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है जैसे सी एच थ्री जो है इसके साथ में क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है ऐसे को बोलते हैं अनसेचुरेटिड फैटी एसिड फैटी एसिड हम लोगों को डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड हैं असेंशियल फैटी एसिड को डाइट में लेने की नीड है असेंशियल है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता एग्जाम्पल के लिए लिनोलिक एंड लिनोलेनिक। नॉन असेंशियल जैसा नाम है इसका नॉन असेंशियल यानी कि ये असेंशियल नहीं है डाइट के थ्रू लेने के लिए क्योंकि हमारा बॉडी इनको बाय ओन प्रिपेयर कर सकता है सो so, हम लोगों ने ये देखा था कि लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरोल से मिल बनते हैं फैटी एसिड का हम लोगों ने देख लिया कि फैटी एसिड जो है इनका स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलके बनता है और फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं सैचूरेटेड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया सिस और ट्रांस का देन आता है ग्लिस्रोल सो यहाँ पर लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरोल या एल्कोहल से मिलकर बनता है सो so यहाँ पर ग्लिसरोल और स्पिंगोसिन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ ट्राई असाइल ये क्या कंटेन करके रखेगा ये कंटेन करके रखेगा ग्लिस्रोल सो यहाँ पर ये देखो सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड ओ एच यानी एल्कोहल प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरोल का और यहाँ पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या है ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R1 R2 R3 ये क्या है हाइड्रोकार्बन चेन का रिप्रेजेंटेशन है और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन दोनों मिलके क्या बनाते हैं फैटी एसिड बनाते हैं सो जब यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा कैसे COOH का OH और ग्लिसरॉल में OH का H जब ये वाटर यहां से रिलीज होगा तो यहां पर ग्लिसरोल और फैटी एसिड इनके बीच का जो बॉन्ड होगा इसको बोल देते हैं हम लोग एस्टर बॉन्ड क्लियर सो अगर हम लोग लिपिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं एक होते हैं सिंपल लिपिड एक होते हैं कंपाउंड लिपिड एक होते हैं डेराइव्ड लिपिड सिंपल लिपिड क्या होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड इसको एस्टर ऑफ फैटी एसिड क्यों बोला गया हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट है जब यहाँ पर वाटर का रिमूवल हुआ सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बना इसलिए हम लोग लिपिड को क्या बोल सकते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड क्लियर सिंपल लिपिड के अंदर हम लोग ट्रू फैट और वैक्स के बारे में देखते हैं वैक्स क्या होता है एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा लेकिन इसके अलावा कुछ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड स्विंगोलिपिड लिपोप्रोटीन अगर आप लोगों को डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है सो ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड है यहां पर प्लाज्मा मैम्ब्रेन के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे प्लाज्मा मैम्ब्रेन सो उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड इनके बारे में सो कंपाउंड लिपिड जो है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है फोसफोलिपिड ग्लाइकोलिपिड स्विंगोलिपिड और लिपोप्रोटीन में फोस्फोलिपिड फोस्फोलिपिड यानी फोस्फेट और लिपिड यानी फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फोस्फेटिक एसिड लेसिथिन सिफाइलिन प्लाज्मो, जीन और स्पिंगोमाइलिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट मोइटी प्लस लिपिड जैसे यहाँ पर देखो फोस्फो प्लस लिपिड और हमें पता है कि लिपिड कैसे मिलके बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है इसके साथ में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तब बोला जाता है फोस्फोलिपिड इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मोइटी ऐड है तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड इसके साथ में अगर स्फिंगोसिन ऐड है तो इसको बोला जाएगा स्फिंगोलिपिड, राइट right? एक होते हैं डिराइव्ड लिपिड डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन रिंग प्लस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सो फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है पहले लोकेशन देख लेते हैं एनिमल्स में साइटोसोल में देखने को मिलती है फैटी एसिड की सिंथेसिस और प्लांट में कहाँ पर देखने को मिलती है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रोमा में देखने को मिलती है फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग मोलिक्यूल क्या होता है एसिटाइल कोइंजा में और एसेटाइल कोइंजा में कहाँ फॉर्म होता है अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्लास देखा होगा सो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है पायरेवेट में और पायरेवेट के बाद में फर्दर एसिटाइल कोइंजा में बनता है और ये एसिटाइल कोइंजा में क्या करता है टी सी ए साइकिल में किससे मिलता है ओक्जाइलो एसिटेट से मिलता है क्योंकि ऑक्जाइलो एसिटेट फॉर कार्बन कंटेनिंग है और एसीटाइल कोइंजा में जो है ये टू कार्बन कंटेनिंग है सो so, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं ये दोनों मिलके सिट्रेट बनाते हैं सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट एल्फाकिटोगलूट्रेट सक्सिनेट इस तरीके से ये टी सी साइकिल चलता है सो so, से एसेटाइल कोइंजा में बनता है और ये एसिटाइल कोइंजा में जो है ये स्टार्टिंग मोलिकूल है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए किस तरीके से सिंथेसिस होती है एसिटाइल कोइंजामे कहाँ प्रेजेंट है माइटोकोन्ड्रिया में और हमें पता है कि माइटोकोड्रिया क्या होता है डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मामब्रेन और इनर मामब्रेन प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पर इनर मैम्बरिन है माइटोकोन्ड्रिया की और ये है साइटोसोल हम लोगों ने क्या देखा कि फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है साइटोसोल में होता है एनिमल्स में और फैटी एसिड की सिंथेसिस एसिटाइल कोइंजामे से स्टार्ट होती है और एसिटाइल कोइंजामे का लोकेशन क्या होता है माइटोकोन्ड्रिया होता है यानी कि अगर हम लोगों को फैटी एसिड का सिंथेसिस करना है एसेटाइल को लोकेशन हम लोगों ने यहाँ से देखा कि एसिटाइल कोइंजामे जो है ये माइटोकोन्ड्रिया में प्रेजेंट है और हम लोगों को फैटी एसिड बनाने के लिए एसिटाइल कोइंजामे की जरूरत पड़ेगी लेकिन फैटी एसिड बनता कहाँ है साइटोसोल में साइटोसोल में इसका मतलब हम लोगों को एसेटाइल कोइंजा को, को कहाँ भेजना पड़ेगा साइटोसोल में भेजना पड़ेगा और जब ये साइटोसोल में चला जाएगा तब वहाँ पर फैटी एसिड का सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा आई होप ये क्लियर हो गया हो होगा सो किस तरीके से इस एसेटाइल कोइंजा को, को माइटोकोन्ड्रिया से साइटोसोल में भेजा जाता है ये देखो हमें पता है कि माइटोकोन्ड्रिया के अंदर साइकिल चलता है जिसमें मैलेट से ऑक्जैलो बनता है और ऑग्जाइलो एसिडेट फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और जब ये फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोइंजामे से मिलता है सिट्रेट बनता है ये अगर आप लोगों ने मेरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्लास देखा होगा ये आपको पता होगा सो एसिटाइल कोइंजामे जो होता है ये टू कार्बन कंटेनिंग है ये डायरेक्टली माइटोकोन्ड्रे के मैम्बरिन को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए ओग्जाइलो के साथ मिलकर सिट्रेट बनता है और ये सिट्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाता है और साइटोसोल में इस सिट्रेट को ब्रेक किया जाता है सिट्रेट लाइएज इंजाम के हेल्प से और वहाँ से एसिटाइल कोइंजामे को निकाल दिया जाता है और जो ऑक्जाइलो है ये वापस से मैलेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में वापस आ जाता है और ये जो एसिटाइल कोइंजामे है जो साइटोसोल में पहुँच गया है ये क्या स्टार्ट कर देता है फैटी एसिड के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है अब फैटी एसिड हमें पता है सेचूरेटेड फैटी एसिड भी होता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है सो so, इस तरीके से ये जो शटल सिस्टम ही चलता रहता है सो so, इसको एक नाम से जाना जाता है एसिड टाइल को शटल सिस्टम क्लियर सो ये यहाँ पर फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है ये यहाँ पर बताया गया है हमें पता है कि पायरेवेट से क्या बनता है एसिटाइल कोइंजा में बनता है और ये एसिटाइल कोइंजा में एसिटाइल कोइंजा में कहाँ पर पहुँचता है साइटोसोल में एसिटाइल कोइंजा में शटल सिस्टम के हेल्प से देन यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट होता है जहाँ पर एसिटाइल कोइंजा में कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है मैलोनिल कोइंजा में बनाता है बस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एसिटाइल कोइंजायमे जो है ये टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है देन यहां पर बाई कार्बोनेट जो है यहां से कार्बन को लिया जाता है कौन सा एंजाइम हेल्प करता है एसिटाइल में कार्बोक्सिलेज अभी टू कार्बन कंटेनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्री कार्बन कंटेनिंग में यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेलोनिल कोइंजाम ए में देन ये जो मेलोनिल कोइा ए है मेलोनिल कोइंजाइम ए है जो कि थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये एसाइल कैरियर प्रोटीन से मिलता है और क्या बना लेता है मेलोनिल ए सी पी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन बन जाता है और यहाँ से फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट होता है क्लियर सो so आप लोग को इतना ही ध्यान रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देन आता है फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म सो फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है एल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है ओमेगा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है जो मेन आता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन इसका लोकेशन क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलता है एल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलता है मैमेलियन ब्रेन में और लिवर में ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलता है लिवर में देन यहाँ पर इंजाम कहाँ प्रेजेंट होंगे बीटा ऑक्सीडेशन में जो रिक्वायर्ड इंजाम होंगे वो माइटोकोन्डल मामब्रेन साइटोसोल और माइटोकोन्डल मैट्रिक्स में होंगे और जब बीटा ऑक्सीडेशन रन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा एसिटाइल को में और एसाइल को में बस आप लोग इस चार्ट को ध्यान रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चार्ट है ये कि बीटा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है अल्फा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है ओमेगा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है अच्छा लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहां पर देखने को मिलती है क्लियर देन यहाँ पर ये ओवरव्यू है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और एंड प्रोडक्ट किस तरीके से मिलके बनता है हम लोगों ने डाइट से क्या कंज्यूम किया फैटी एसिड लिया ये फैटी एसिड अगर ट्राई ग्लिसरोल में कन्वर्ट होता है सो so, कौन सा रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन का क्योंकि एस्टर एस्टरबोन का फॉर्मेशन होता है जब फैटी एसिड ग्लिसरोल के साथ मिलता है तो सो so, इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन लेकिन जब ये ट्राई एसाइल जो है ये ब्रेक होता है फैटी एसिड में इसको बोला जाता है लिपोलिसिस और हमें पता है कि एसिटाइल कोइंजामे जो है ये कहाँ से आती है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से आती है जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है तो इसको बोला जाता है लिपोजेनेसिस और जब फैटी एसिड ब्रेक होता है फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसेटाइल कोइंजामे में इसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन क्योंकि फैटी एसिड मेटाबोलिज्म जो है हम लोगों ने अभी देखा कि फैटी एसिड मेटाबोलिज्म के लिए बीटा ऑक्सीडेशन जो है और इसका लोकेशन भी हम लोगों ने देखा कहाँ है और एंड प्रोडक्ट क्या है एसिटाइल कोइनजाम ए यानी जब फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म होगा बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म हुआ बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा एसिटाइल कोइनजाम ए और ये कहाँ पर भी काम करता है टी सी साइकिल में भी और जब फैटी एसिड से मान लो कीटोन बॉडीज बनते हैं तो उसको बोला जाता है कीटोजेनेसिस So, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये फैटी एसिड मेटाबोलिज्म में रेगुलेट होते हैं सो so, देखो ये आरपीएससी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सो so, अभी हम लोगों ने देखा बीटा ऑक्सीडेशन अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन सो so, ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है फैट कंटेंट ऑफ व्पिंग क्रीम रेंज फ्रॉम कि फैट कंटेंट जो है व्पिंग क्रीम का कितना होता है सो so यहाँ पर देखो ये यहाँ पर फैट कंटेंट लिखा हुआ है होल मिल्क का होता है फोर परसेंट रिड्यूस्ड फैट मिल्क का टू परसेंट नॉन फैट मिल्क का फाइव परसेंट हाफ एंड हाफ का ट्वेल्व परसेंट लाइट क्रीम का ट्वेंटी परसेंट और क्रीम का होता है थर्टी फाइव परसेंट सो यहां पर विप्ड क्रीम का कितना लिखा हुआ है अप्रोक्स थर्टी परसेंट के नियर बाय होगा क्लियर है सो so यहां पर ये यह चार्ट है इसको देख लेना आप लोग और कैलोरफिक वैल्यू के बारे में बात करें सो so प्रोटीन की होती है फोर किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट की फोर किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है नाइन किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट जो होता है ये भी रिच सोर्स होता है किसका एनर्जी का जैसे कार्बोहाइड्रेट भी रिच सोर्स है एनर्जी का वैसे ही फैट भी रिचेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का ये लेक्चर नंबर टेंथ है आज के लेक्चर में हम लोग इंजाम्स के बारे में देखेंगे सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं इंजाम का कि इंजाम क्या होते हैं इंजाम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम राइबोन्यूक्लियस पी दीज आर आर इन नेचर यानी जितने इन्जैम्स होते हैं सारे प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में एक्सेप्ट राइबोजाइन और राइबोन्यूक्लियस पी ये क्या होते हैं ये आर होते हैं नेचर में इंजैम को डिस्कवर किसने किया था इन्जैम की डिस्कवरी की थी एडवर्ड बुशनर ने और जो नोमन क्लेचर जो इंजाम का दिया था जो मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया था वो जो आई ने नोमन क्लेचर किया था दैट वॉज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड आई का एब्रीविएशन क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो इन्होंने इसी नंबर दिया था इसी नंबर क्या होता है इसी नंबर होता है इन्जाम कमीशन नंबर ये इसी नंबर फोर डिजिट का बना हुआ होता है सपोज ये फर्स्ट डिजिट है ये सेकंड ये थर्ड और ये लास्ट यानी कि फोर्थ डिजिट है जिसमें से कि जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या डिनोट करती है ये इंज़ाम का क्लास जो है उसको डिनोट करते हैं टोटल इंजाम का क्लासिफिकेशन सिक्स क्लासेस में किया जाता है क्लियर यानी कि जो इंज़ाम कमीशन नंबर का पहला डिजिट होता है वो इंजाम के क्लास को डिनोट करता है और इंजाम के टोटल कितने क्लासेस होते हैं इंजाम का क्लासिफिकेशन जो है ये सिक्स क्लासेस में किया जाता है दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्लियर सेकेंड जो डिजिट है वो डिनोट करती है सब क्लास ऑफ इंजाम थर्ड जो डिजिट है वो सब डिवीज़न को डिनोट करती है और लास्ट प्री कैटेलाइज सो टोटल छह कैटेगरी होते हैं इंजाम के इस चार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे सो so, जो पहला क्लास होता है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज में दो टर्म है एक है ऑक्सीडो एक है रिडक्टेज यानी कि वो इंजाम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं वो सारे इंजाम इस क्लास के अंदर आएंगे इसमें क्या देखने को मिलता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलेगा फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर मोलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है जिसमें ए के पास टू पॉजिटिव है बी के ऊपर थ्री पॉजिटिव है और यहाँ पर जब इंजाम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है सो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिला क्लियर अब ए थ्री पॉजिटिव हो गया और बी टू पॉजिटिव हो गया इस क्लास के अंदर यानी ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास के अंदर आते हैं कैटलेज पर ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेज जो क्लास टू इंजाम्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफिरेज ये क्लास टू है इंजाम्स का ट्रांसफिरेज जिसमें क्या देखने को मिलता है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप देखने को मिलता है जैसे कि ए के पास में कोई एक्स नाम का ग्रुप है लेकिन जब रिएक्शन कैटेलाइज हुई तो ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया बी के पास में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ट्रांस एल्डोलेज काइनेज ट्रांसकिटोलेज क्लास थर्ड जो है इंजाम की वो है हाइड्रोक्सीलेज हाइड्रोक्सीलेज का मतलब क्या होता है सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होना वाटर के प्रेजेंस में फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज का ब्रेकडाउन होना वाटर के प्रेजेंस में इंजाम कौन सी आएगी सुक्रेज और क्या करेगी सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक कर देगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जितने डाइजेस्टिव इंजाम्स हैं सारे इसी क्लास से बिलोंग करते हैं यानी हाइड्रोक्सिलेज क्लास से बिलोंग करते हैं क्लास फोर जो है इंजाम की वो है लाइएज। लाइएज में क्या होता है ब्रेकडाउन होता है बट वाटर के एब्सेंस में होता है हाइड्रोक्सिलेज में वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और लाईएज में वाटर के एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है लाईएज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एल्डोलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्लास फाइव आती है आइसो जहाँ पर आइसोमेराइजेशन देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के लिए फोस्फो हैग्जो आइसो लास्ट क्लास आती है लाइगेज जो कहाँ पर काम करती है लाइगेशन में जब डीएनए एन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें डीएनए लाइगेज क्या करती है बोन्स को जोड़ने का काम करती है सो so, टोटल छः क्लास होते हैं पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज देन ट्रांसफिरेज देन हाइड्रोक्सिलेज देन लाइज आइसोमेरेज एंड लाइगेज कैसे याद रख सकते हो ओ टी एच एल आई एल ये टोटल छः क्लास होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल आ जाते हैं कैटलेज डिहाइड्रोजेनेज ट्रांसफिरेज में फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होगा फोस्फोरलेज काइनेज हाइड्रोक्सिलेज में ब्रेकडाउन ऑफ बोंड होगा यूजिंग वोटर एग्जाम्पल के लिए प्रोटीएज एंड फोस्फर्टेज लाइएज में बोंड्स का ब्रेकडाउन होगा इन द एबसेंस ऑफ वाटर एग्जाम्पल के लिए डिकार्बोक्सीज आइसोमरेज में आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के लिए न्यूटेज और लाइगेज जो है ये बोंड फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम्पल के लिए डी एन ए लाइगेज राइट अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये किसी इंज़ाम का इंजाम कमीशन नंबर है हमें पता है कि इंजाम कमीशन नंबर में चार डिज़िट होते हैं ये यह यहाँ पर चार डिज़िट हैं और इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कोई इंजाम का इंजाम कमीशन हमें दे दिया नंबर इंजाम का क्लास बताओ सो आप कैसे बताओगे हमें पता है कि जो पहला डिजिट है वो क्लास को डिनोट करता है और हम लोगों ने टोटल छः क्लास पढ़े ओ टी एच एल आई एल यानी कि कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्लास से और फोर्थ क्लास क्या है लाइएज है यानी इस इंजाम का जो क्लास है वो लाइएज है राइट नेक्स्ट आता है इंजाम्स के टाइप तो एंजाइम को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल इंजाम और कॉन्जुकेट इंजाम के फॉर्म में सिंपल इंजाम क्या होते हैं जिनके पास केवल प्रोटीन पार्ट होता है एग्जाम्पल के लिए ट्रपसिन और कॉन्जुगेटेड इंजाम क्या होते हैं जिनके पास में प्रोटीनेशियस पार्ट तो होगा लेकिन उसके साथ में नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होगा और ये ऐसे इंजाम होते हैं लेट सपोज ये प्रोटीनेशियस पार्ट है इसके अलावा ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है जब तक ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जुड़ा नहीं होगा इस प्रोटीनेशियस पार्ट से तब तक ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगी यानी मान लो इस टाइम पे तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है सो so, इंजाम क्या होगी ये इंजाम एक्टिव फॉर्म में होगी बट लेट सपोज कि प्रोटीन पार्ट के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये नहीं जुड़ा हुआ सो so, इस टाइम पर ये इंजाम इनएक्टिव होगी यानी फंक्शनली एक्टिव कौन करता है नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट फंक्शनली एक्टिव करेगा इसे सो प्रोटीनिशियस पार्ट को बोला जाता है एपोजाइम या एपो और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर को फैक्टर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है कोइनजाम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं कोइंजैम क्या होते हैं कोइंजैम वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो एपोजाइम से लूजली बाउंड होते हैं और प्रोस्टिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं co है, niacin, है, heme, को कोइन्जाम का एग्जांपल है नियासिन राइबोफ्लेविन और प्रोसेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हीम कैटलीजेंजाम और परोक्सडिज इनजाम के केस में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है मेटल और नॉन मेटल आयन में इनऑर्गेनिक फैक्टर का एग्जाम्पल हो जाता है जिंक फॉर कार्ब एनहाइड्रेज इंजाम क्लियर इस फॉर फोर ये एक ही चार्ट में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है सो so, एक इंजाम किस तरीके से एक्टिविटी करती है हाउ इंजाम वर्क सो यहां पर देखो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाया गया है जनरली क्या होता है ये रिएक्टेंट है यहाँ पर और रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है सो so इसको हाई एनर्जी स्टेट को अचीव करना पड़ेगा विदाउट एनर्जी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं सो so ये ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हाई एनर्जी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है ट्रांजिशन यानी टेम्परेरी होती है सो so जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे चला जाता है उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है सो so इस टाइम पर यहाँ पर कैटेलिस्ट यानी के इंजाम को यूज़ नहीं किया गया जब यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिखाया गया है दिस वन ये जो ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर कैटलिस्ट यानी कि इंजाम का एबसेंस है इंजाम एबसेंट है लेकिन जब हम लोगों ने इंजाम को इंट्रोड्यूस कर दिया जब हम लोगों ने इंजाम को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर इंजाम को इंट्रोड्यूस किया सो अब क्या हुआ अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रिड्यूस हो गई क्या हो गई रिड्यूस हो गई जबकि पहले के केस में जब यहाँ पर इंजाम जो है एब्सेंट थी उस टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही थी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इंजाम को इंट्रोड्यूस कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई कम हो गई सो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है इस एरो से जब यहां पर कैटेलिस्ट जो है एब्सेंस है और जब कैटलिस्ट का प्रेजेंस यहां पर हो जाता है यानी इंज़ाम जब प्रेजेंट है तब कितना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है वो दिखा रखा है सो so, यहां पर एक यह क्वेश्चन है कि इंज़ाम डैश एक्टिवेशन एनर्जी और इसके ऑप्शन आ जाते हैं इंक्रीज सेकेंड ऑप्शन आता है डिक्रीज सो so, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि इंजैम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं सो so, इंजाम किस तरीके से काम करती है यहां पर ये इंजाम दिखाई गई है और यहां पर ये यह इंजाम का एक्टिवेशन साइट है और ये सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट क्या लिया है इन लोगों ने सबस्ट्रेट लिया है सुक्रोज सबस्ट्रेट है सुक्रोज तो यहाँ पर जब सबस्ट्रेट इंजैम के एक्टिवेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है यहां पर इस सबस्ट्रेट ने क्या किया एंजाइम के एक्टिव साइड से बाइंड कर लिया सो so, यहाँ पर एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी है सो so, इसको क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर ये एंजाइम क्या करेगी इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी यानी यहाँ पर सबस्ट्रेट था सुक्रोज और इस इंजैम ने क्या किया वाटर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने और जब ये प्रोडक्ट बन गया ये इंजैम यहाँ से क्या हो गई रिलीज हो गई यानी कि ये इंज़ाम जैसी यहाँ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में चली थी वैसे ही लास्ट में यहाँ पर उसी फॉर्म में यहाँ पर हम लोग को दिख रही है यानी इंजाम जो है वो क्या करती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है इक्वेली को डिस्टर्ब नहीं करती सो so, इंजैम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन होने की स्पीड को बढ़ाती है जो पहली रिएक्शन टेन मिनट में हो रही थी वही इंजाइम के प्रेजेंस में टू मिनट्स में देखने को मिलेगी यानी कि इंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्वेलिबेरियम राइट और इंजाइम एक बायो कैटलिस्ट के, के जैसा काम करती है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगी कैटेलाइज करने का, का काम करेगी सो so, यहाँ पर मॉडल ऑफ सबस्ट्रेट एक्टिव साइट बाइंडिंग कि किस तरीके से इंजैम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है पहला आता है लोकेंड की एंड की हाइपोथिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो इंजाम से परफेक्टली बाइंड कर गया है एक्टिव साइट से इंड्यूस्ड फिट में क्या देखने को मिलता है कि जो सबस्ट्रेट है उसका शेप अलग है ये मान लो सबस्ट्रेट है इसका शेप अलग है इंजाम के एक्टिव साइड से बाइंड नहीं हो पा रहा सो so, यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पर एक्टिव साइड कन्फॉर्म टू इट्स सबस्ट से यहां पर इसके शेप में कुछ चेंज होगा कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और इंजाम उसके एक्टिव साइड से बाइंड कर जाएगा सो so, यहाँ पर इंडक्शन देना पड़ रहा है इंड्यूस करना पड़ रहा है इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल यहां हाँ पर माइकलीज मेंशन कांस्टेंट या माइकलीज मेंशन इक्वेशन दिखाई गई है माइकलिस यहां पर क्या दिखाया गया ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहां पर वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है सो so, यहाँ पर जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट को बढ़ाया जा रहा है क्या देखने को मिलता है वैसे वैसे यहाँ पर वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज होती दिखेगी और लेकिन जब यहाँ पर वी मैक्स जो है मैक्सिमम जो वेलोसिटी जब वो अचीव कर ली जाएगी उसके बाद सबस्ट्रेट कितना भी हम लोग ऐड करें यहाँ पर इक्वेलिबीरियम जो है वो देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि एंजाइम जो है एंजाइम का ये मान लो एक्टिव साइट है इसकी जितनी कैपेबिलिटी है सबस्ट्रेट से बाइंड करने की जब ये फुलफिल हो जाएगी उसके बाद में ये और सबस्ट्रेट से तब तक बाइंड नहीं करेगा जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा यानी वी मैक्स के बाद में कोई भी एंजाइम चाहे सबस्ट्रेट का हम लोग कितना भी कंसंट्रेशन इनक्रीस कर दें वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगी और केएम क्या होता है केएम एम पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वी मैक्स को अचीव कर लिया जाता है राइट right? देन कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो इफेक्ट करते हैं इंजाइम के एक्टिविटी को टेम्परेचर पीएच इंजाइम कंसंट्रेशन सबस्टेट कंसंट्रेशन ये इफेक्ट करते हैं इंजाइम के एक्टिविटी को यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है पीएच बहुत कम है या बहुत ज्यादा है इंजाइम काम नहीं करेगी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या ऑप्टिमम पीएच पे काम करती है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज इज़ इक्वल टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन देन आता है इंजैम्स और फूड इंजाम्स में क्या डिफरेंस होता है इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इनहांस दैट इज कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉर्मली यूज्ड टू स्पीड अप एंड ओ टारगेट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन यानी इंजैम्स क्या होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में और ये एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करते हैं इन्जैम्स आर ऑबटेन फ्रॉम अ वाइड वराइटी ऑफ सोर्स बट प्रिंसिपली बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड जी एम ओ फूड इंजाम्स आर इन्जैम्स दैट आर सेफ फॉर कंजम्पन एंड आर यूज बाय द फूड इंडस्ट्री ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन टू हेल्प इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड द इफिशंसी ऑफ द प्रोसेस यानी जो नॉर्मल इन्जैम्स होते हैं वो प्रोटीनिश होते हैं नेचर में जो क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं इनको हम लोग प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं जबकि जो फूड इन्जाम्स होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड सो इन्ज़ाम्स यूज इन फूड इंडस्ट्री सो डेयरी प्रोडक्शन के लिए रीनेट लैक्टेज प्रोटीज कैटलेज ये सारे इंजाम्स यूज होते हैं ब्रिविंग इंडस्ट्री में बीटा ग्लूकोनेज अल्फ़ामाइलेज प्रोटीज इन सबको यूज़ किया जाता है बेकिंग में माल्टोजेनिक माइलेज ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेंटोसेनेज इनको यूज़ किया जाता है पैक्टिनेज और बीटा ग्लूकेनेज जो हैं ये वाइन और फ्रूट जूस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और मीट प्रोडक्शन के लिए प्रोटीज और पेपिन को यूज़ किया जाता है सो इन्जाम्स यूज इन फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर एक और लेक्चर डिटेल में अपलोडेड है अगर आप लोग को इसको डिटेल में पढ़ना हो सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो सो so, ये सारे इंजाम्स हैं जो यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में सो so, ये राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द पी और इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द पी सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना क्योंकि हम लोग ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स आज हम लोग मिनरल्स का जो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दिस इज लेक्चर नंबर इलेवन बायोमोलिक्यूल्स का ऑलमोस्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड इनका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस मेटाबोलिज्म और कैलोराफिक वैल्यू ये देख लिया है एज़ वेल एज़ हम लोगों ने इंज़ाम का क्लासिफिकेशन काइनेटिक्स फैक्टर कंट्रोलिंग इंजाम एक्टिविटी इंजाम यूज ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड मोडिफिकेशन ऑफ फूड बाई इन्जाम्स ये भी हम लोगों ने देख लिया विटामिनस एंड देयर टाइप्स ये भी हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं सो so, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो सो यू कैन चेकआउट दोज लेक्चर ऑल्सो आज हम लोग मिनरल्स के बारे में देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनका क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में वो देखेंगे इसके बाद हमारे पास में प्लांट एल्केलोइड्स, एनिमल और प्लांट टॉक्सिन और टॉक्सिक एंड देयर मेटाबॉलिज्म ये तीन टॉपिक रह जाएंगे सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस लेक्चर सो आज हम लोग मिनरल्स क्या होंगे उनके टाइप्स क्या होंगे और फंक्शन क्या होंगे ये देखेंगे सो मिनरल्स आर असेंशियल न्यूट्रियट फाउंड इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड यानी मिनरल्स क्या होते हैं असेंशियल न्यूट्रियट है असेंशियल न्यूट्रियट का मतलब क्या होगा जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है हमें डाइट के थ्रू इनको लेना पड़ेगा फाउंड इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड सो so, इनका सोर्स क्या हो सकता है प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड जो है वो इनका सोर्स हो सकता है जहाँ से हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं क्या रोल होता है इन मिनरल्स का मिनरल्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी फंक्शन मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शंस में हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके एज वेल एज बोन एंड टीथ हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं कीप योर मसल स्ट्रोंग हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर वर्किंग के लिए हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी मिनरल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मिनरल्स दो तरीके के होते हैं मिनरल्स जो हैं ये दो तरीके के होंगे एक होंगे मैक्रो मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स एक होंगे माइक्रो मिनरल्स इनका जैसा नाम है उसी तरीके से इनको डाइट में कंज्यूम किया जाता है मैक्रो मीन्स ग्रेटर अमाउंट में जिनको कंज्यूम करना पड़ेगा जिनका ग्रेटर अमाउंट हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है ऐसे मिनरल्स को मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है माइक्रो मिनरल्स जो हम लोगों को ट्रेस अमाउंट में कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट है माइक्रो मींस ट्रेस अमाउंट माइक्रो और वी कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट सो मैक्रो मिनरल्स आर दोज यू रिक्वायर इन ग्रेटर अमाउंट इंक्लूडिंग कैल्शियम पोटेशियम सोडियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फर ट्रेस मिनरल्स जिनको हम लोग माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं यू नीड इन स्मॉलर अमाउंट जिनके हम लोगों को स्मॉलर अमाउंट में ही नीड है एग्जाम्पल के लिए आयरन जिंक सेलेनियम मैगनीज कॉपर आयोडीन कोबाल्ट एंड फ्लोराइड देन यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स जो 100 एम जी पर डे ग्रेटर अमाउंट में रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन 100 एम जी पर डे इसलिए इनको बोला जाता है मैक्रो मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स लेस देन हंड्रेड एम जी पर डे जिनकी रिक्वायरमेंट है सो मैक्रो मिनरल्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम, सल्फर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब आते हैं माइक्रो मिनरल्स के अंदर आयरन जिंक कॉपर आयोडीन, फ्लोराइड मैगनीज सेलेनियम क्रोमियम और मोलीबिडनम ये इसके अंदर आ जाते हैं सो so, यहाँ पे लिस्ट दी गई है मिनरल्स की एक तरफ मिनरल्स के बारे में देन इनका सोर्स ऑफ डाइट है देन यहाँ पर फंक्शनिंग लिखी हुई है सो so, सबसे पहले यहाँ पर है कैल्शियम के बारे में कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में टू मेंटेन बोन एंड टीथ हेल्थ नर्व एंड मसल फंक्शन एंड ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग में इसे क्वेश्चन पूछा गया है सो so, कैल्शियम यहाँ पर जब ब्लड क्लोटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन वो काम करते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम भी जो होता है ये अपना रोल प्ले करता है देन आता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस कहाँ काम करेगा बोन एंड टीथ हेल्थ में एज वेल एज ए प्रोडक्शन में देन आता है पोटेशियम पोटेशियम अगर आप लोगों ने सोडियम पोटेशियम पम्प के बारे में देखा होगा पढ़ा होगा सो so, ये क्या काम करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम एंड पोटेशियम आयोडीन इन सर्टेन हार्मोन और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो थायरॉइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा इसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आयोडीन कौन से हार्मोन प्रोडक्शन में काम करेगा आयोडीन की डिफिशेंसी से क्या देखने को मिलता है देन आता है आयरन आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन देन आता है जिंक इन सर्टन डाइजेस्टिव इंजाम देन आता है सल्फर प्रोटीन एंड कार्टेलेज प्रोडक्शन सो यहाँ पर कैल्शियम का हम लोगों ने देख लिया क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करेगा क्रोमियम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में कॉपर इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसा काम करेगा फ्लोराइन बोन एंड टीथ हेल्थ में आयरन इट इज अ पार्ट ऑफ हिमोग्लोबिन आ रेड प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड मैग्नीशियम मसल एक्टिविटी फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैगनीज ब्रेन फंक्शन एनर्जी मेटाबॉलिज्म बिल्डिंग प्रोटीन एंड बोन स्ट्रक्चर मोलिबिनम प्यूरिन डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा फॉस्फोरस बोन एंड टीथ हेल्थ में हेल्प करेगा पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेगा सोडियम और पोटेशियम दोनों सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के जैसा जिंक टेस्ट परसेप्शन में सो so, यहाँ पर मेन रोल ऑफ मिनरल्स इन योर बॉडी ये दिखाया गया है आयोडीन ये इम्पोर्टेंट है सो so, आयोडीन क्या करता है प्रोड्यूस थाइरोड हॉर्मोन सो इसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है इसके अलावा पोटेशियम कहाँ काम करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में so, इसके अलावा कैल्शियम बोन में एज वेल एज ब्लड क्लोटिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है इसके अलावा आयरन ऑक्सीजनेशन एज वेल एज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉस्फोरस बोन एंड टीथ हेल्थ में इसके अलावा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सेलेनियम ऑक्सीडे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोटेक्शन में मैगनीज एंटी डिफेंस के जैसा सल्फर डिटॉक्सिफिकेशन में मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम स्ट्रेस रेगुलेशन में सो मेन रोल होते हैं मिनरल्स के इन आर बॉडी देन साइड में यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं मिनरल्स के कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ मैग्नीशियम ऐसा को फैक्टर काम करता है फॉर मेटाबोलिक इन्जाम इन्जाम्स में हम लोगों ने को फैक्टर्स क्या होते हैं वो देख लिया था कि जो कॉन्जुगेटिव इन्जाम्स होते हैं वो किससे के बनते हैं प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट से जिसको एपोजाइम बोला जाता है एज वेल एज कोफैक्टर से मिल के बनते हैं कोफैक्टर क्या करते हैं फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं आयरन क्या काम करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पोटेशियम कहाँ काम करेगा टू रेगुलेट हार्ट बीट एंड मामब्रेन पोटेंशियल जिंक बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा क्लोराइड एच प्रोडक्शन में काम करेगा आयोडीन प्रोड्यूस हार्मोन, हॉर्मोन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड बोन्स सोडियम रेगुलेट बॉडी फ्लूड मेंटेन पीएच बैलेंस एंड कॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड एंजाइम एंड सेलेनियम फंक्शनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सो ये सारे फंक्शन होते हैं मिनरल्स के और आज हम लोग एल्कलॉइड्स के बारे में देखेंगे ये लेक्चर नंबर ट्वेल्व है आज हम लोग प्लांट एल्कलॉइड्स एंड देयर यूज इसके बारे में देखेंगे सो so, एल्कलॉइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एल्कलॉइड्स क्या होते हैं एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एल्कलॉइड्स का सिंथेसिस कैसे होता है और एल्कलॉइड्स का यूज़ क्या होता है आज ये देखेंगे हम लोग सो so, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं एल्कलॉइड इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इज मेड फ्रॉम द प्लांट एल्केलॉयड्स किस से मिल के बनते हैं कहाँ से हम लोग इनको ऑप्टेन करते हैं प्लांट से इट कंटेन नाइट्रोजन यानि एल्केलॉयड क्या होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उनको बोला जाता है एल्केलॉइड्स मैनी एल्केलॉयड्स ऑल्सो हैव फार्मोजिक एग्जाम्पल ऑफ एल्कोलॉइड एट्रोपिन मिथाम एफिड्रीन एंड ट्रिप्टामाइन ये सारे क्या हैं ये एल्कोलॉइड्स हैं और एल्कोलॉयड क्या होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं नेक्स्ट वन एल्कलोइड्स इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं सो so यहाँ देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ यानी के एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं उसमें ग्रोथ हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सारे हॉर्मोन्स आते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है प्लांट को डिफेंसिव प्रॉपर्टी या डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाना किससे डिफेंस प्रोवाइड करवाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल से हर्बीवोर से पैथोजन से इनसे प्रोटेक्शन दिलवाने का काम होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का और क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इट का डिफेंस फंक्शन होता है प्लांट में यानी कि एल्कलोइड्स प्लांट को हर्बीवोर और पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं राइट सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बट आर रेदर प्रोड्यूस्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवोर एंड पैथोजन एल्कोलोइ क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफेंस मेकेनिज्म प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को हर्बिवोर और पैथोजन के अगेंस्ट इन द सेम वे एल्कोलॉइड्स अगर सेकेंडरी मेटोबोलाइट हैं सो ये भी क्या प्रोवाइड करवाएंगे ये भी डिफेंसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट्स को सेल्युलर पीएच पे ये प्रोटोनेटेड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं एल्केलोइड्स आर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मैन्यू विच आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट ए सेकेंडरी मेटोबोलाइट ये हम लोगों ने देख लिया विच हैव प्रनाउंसड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन यानी एल्कोलॉइड्स का ह्यूमन के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्या इफेक्ट होता है हम लोग आगे देखेंगे मैनी प्लांट एल्कोलॉइड्स आर यूज एज मेडिशनल एंड रिक्रिएशनल कंपाउंड यानी कुछ जो प्लांट एल्कोलॉइड्स होते हैं वो मेडिशनल पर्पज में या फिर हम लोग ये कह है सकते हैं फार्माकोलॉजी में भी यूज़ किए जाते हैं सो मैनी प्लांट एल्कोलॉयड्स आर यूज एज मेडिशनल परपज एंड रिक्रिएशनल कंपाउंड ऑल दो मोस्ट ऑफ दैम आर डेंजरस इन लार्ज अमाउंट और अगर ह्यूमन इन एल्कोलॉयड्स को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर लेता है सो डेंजरस भी हो सकते हैं सो यहाँ पर कुछ एल्कोलॉय्स को हाईलाइट किया गया है जैसे निकोटीन, ये आप लोगों ने सुना होगा मोरफिन इसके इसका नाम भी सुना होगा सो ये निकोटिन और मोरफिन क्या होते हैं ये प्लांट एल्कोलॉयड्स होते हैं निकोटिन इज एन एल्केलोइड प्रोड्यूस्ड बाय दी नाइट शेड फैमिली ऑफ प्लांट सोलनेशिया निकोटिन क्या है एल्कलोइड है कहाँ से प्रोड्यूस होता है सोलनेशिया फैमिली से प्रोड्यूस होता है इसका नेम क्या होता है नेम फ्रॉम द टोबैको प्लांट निकोटेनिया टोबैकम यानी कि जो टोबैको प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है निकोटेनिया टोबैकम होता है सो so, उसके नाम से इसको डिराइव किया गया है निकोटिन

और निकोटिन क्या करेगा इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा यानी निकोटिन इस जगह लिगेंड के जैसा काम करता है और ये निकोटिन इस न्यूरो ट्रांसमीटर से बाइंड करता है और अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और अगर कोई ह्यूमन इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे तो उसको एडिक्शन लग जाता है इसका अमाउंट ऑफ निकोटिन इन टबैको प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल हावेवर निकोटिन इज स्टिल अ पॉइजनस एल्कोलॉइड एंड कैन बी फैटल इन हाई अमाउंट टबैको में कम अमाउंट में निकोटिन होता है बट निकोटिन इज अ पॉइजनस एल्कोलॉइड एंड कैन बी फैटल अगर इसको हाई अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो मोरफिन क्या है ये भी एक प्लांट एल्कोलॉइड है मोरफिन इज बिलीव्ड टू वन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मेटोबोलाइट एवर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट यानी कि पहला सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसको आइसोलेट किया गया प्लांट से एंड द प्राइमरी प्लांट सोर्स ऑफ मोरफिन इज ओपियम पोपी दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम फैमिली उससे ये बिलोंग करता है मोरफिन इज अ हाईली एडक्टिव एनालजेसिक मोरफिन क्या है एक पेन किलर है हाईली एडक्टिव एनालजेसिक एंड इज द स्टार्टिंग मोलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी अदर ओपीएट यानी हीरोइन ऑक्सीकोडिन कोडिन इन सब का प्रोडक्शन कहाँ से होता है मॉर्फिन से मॉर्फिन से इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है सो so, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं प्लांट में डिफेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे निकोटिन मॉर्फिन कैफिन क्विनिन ये सारे क्या हैं ये एल्केलॉयड्स हैं जो कि प्लांट को पैथोजन या हार्बिवोर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑफ एल्केल्कोलॉड का सिंथेसिस कैसे होता है आर एल्केलोड फ्रॉम कॉमन अमाइनो एसिड एल्कोलॉइड का सिंथेसिस मेनली लाइसिन टाइरोसिन और ट्रिप्टोफिन इन तीन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से होता है इसके अलावा एक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी इंक्लूड होता है जिसको कहा जाता है ओरनेथिन ये भी एल्कोलोइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमें पता है कि टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन क्या होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं और लाइसिन क्या है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड सो यहाँ पर इस टेबल में मैंने बायोसिंथेसिस कहां कहाँ से होते हैं एल्कोलोइड्स के कितने क्लास होते हैं एल्कोलॉयड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और एल्कोलोइड्स में ह्यूमन में क्या यूज़ होता है एल्कोलोइड्स का सो so, ये पूरी समरी है एल्कोलॉइड की अगर आप इसको भी कवर अप कर लोगे सो ऑलमोस्ट एल्कोलॉइड का पोर्शन आपका डील हो जाएगा सो so, हमें पता है कि बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर क्या क्या होते हैं सो so, मैंने अभी बताया कि लाइसिन टाइरोसिन ट्रिप्टोफिन और ऑर्नेथिन ये चार अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो so, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर क्या हो गया ऑर्नेथिन लाइसिन टाइरोसिन एंड अनदर वन इज ट्रिप्टोफिन ये क्या है ये है ऑर्निथिन लाइसिन टाइरोसिन और ये फोर्थ आएगा यहाँ पर ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन क्लास ऑफ एल्कलोइड्स सो टोटल सेवन क्लास होते हैं एल्कलोइड्स के वन इज पाइरोलिडिन, सेकेंड वन इज ट्रोपिन थर्ड वन इज पाइरोलिजिडिन, फोर्थ वन इज पिपरडिन क्वीनोलिजिडिन आइसोक्विनोलिन एंड इंडोल ये सेवन क्लास होते हैं एल्कोलोइड्स के सो so, जो पायरोडिन ट्रोपेन और पायरोजिडिन है ये कहाँ से डिराइव होते हैं ओरथिन से पायरो क्लास का एग्जाम्पल क्या है निकोटिन और निकोटिन का ह्यूमन में क्या यूज है ये स्ट्यूमिलेंट के जैसा काम करता है डिप्रेसेंट के जैसा और ट्रांसक्विलेजर के जैसा ट्रांसक्विलेजर यानी कि शांति प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्लास ऑफ एल्के ट्रोपिन भी किससे ड्राइव होता है ओनेथिन से इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एट्रोपिन और कोकिन एट्रोपिन का ह्यूमन में क्या यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ इंटेस्टाइनल पाज्म यानी इंटेस्टाइन्स में जब खिंचाव महसूस होता है उसे प्रिवेंशन में हेल्प करता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल फॉर एग्जामिनेशन सो मेडिसिनल पर्पज में भी इसका यूज होता है कोकििन का कहाँ यूज होता है स्टूमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वल्स नर्वस सिस्टम और ये लोकल एनेस्थेटिक के जैसा भी काम करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये स्टिमुलेंट के जैसा काम करता है और रेट्रोसिन का फंक्शन अब तक ह्यूमन में अन्योन है कि ह्यूमन में इसका क्या यूज़ होता है नेक्स्ट क्लास जो है एल्कोलॉइड का पाइपरेडीन और क्विनोलोजिडिन ये कहाँ से डिराइव होते हैं लाइसिन से पिपरेडीन का एग्जाम्पल है कोनिन जो कि ह्यूमन में पॉइजन के जैसा काम करता है मोटर न्यूरॉन को पैरालाइज कर सकता है क्विनोलिजिडिन क्लास का एग्जाम्पल है ल्युपेनिन ये क्या करता है ये हार्ट रिदम को रिस्टोर करता है यानी हार्ट रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होते हैं सो ल्युपिन का वहां पर बहुत यूज किया जाता है सो मेडिसिनल पर्पज में इसका बहुत यूज किया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सो रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम आइसोक्विनोलिन ये जो क्लास एल्कोलॉइड का ये कहाँ से डिराइव है टाइरोसिन से इसका एग्जाम्पल है कोडिन और मोरफिन कोडिन ह्यूमन में अनाज और कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा यानी कि कोडिन जो है ये पेन किलर के जैसा और कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मॉर्फिन भी पेन किलर के जैसा काम करता है हाईली एडक्टिव होता है ये अप्रिकर्जर फॉर सिंथेसिस ऑफ हीरोइन इनके सिंथेसिस में भी इनके प्रोडक्शन में भी मोरफिन जो है ये काम करता है इंडोल किसे डेराइव होती है ट्रिप्टोफेन से इसके एग्जाम्पल क्या है स्ट्राइचिन रेसरपिन एंड सिलोसाइबिन स्ट्राइचिन का क्या यूज होता है ह्यूमन में ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में स्ट्राइचिन काम करता है रेसरपिन कहाँ काम करता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है और सिलोसाइबिन कहाँ काम करता है एज हेल्यूसिनोजन हेलिनोजन यानी एक तरीके से भ्रम पैदा करने का काम करता है ये सो यहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से एल्कोलॉइड जो है वो सिंथेसाइज़ होता है ये देख लिया कि एल्कोलॉयड जो है मेनली चार अमीनो एसिड से सिंथेसाइज़ होता है ओनथिन लाइसिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन एल्कोलॉयड के कितने क्लास होते हैं सेवन क्लास होते हैं पायरोन ट्रोपेन आइसोक्विनोल एंड इंडोल एग्जाम्पल देख लिए और उनका ह्यूमन में क्या यूज होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया सो so इसको नोट डाउन कर लेना इस टेबल को नोटबुक में क्योंकि इसी टेबल से आपका पूरा एल्केलोइड का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन आज हम लोग एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स के बारे में देखेंगे

वो टॉक्सिन सब्सटेंस क्यों रिलीज करते हैं वो इसलिए रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्ट से प्रीडेटर से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एलकेलोइड के बारे में पढ़ा था सो भी क्या होते हैं एक तरीके से, से सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो किसी रिलीज किए जाते हैं वो इसलिए रिलीज किए जाते हैं ताकि वो प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा सके या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रेडेटर क्लियर सो so, प्लांट टॉक्सिन का मेन पर्पस क्या होता है प्लांट इसलिए टॉक्सिन सब को रिलीज करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके प्लांट पार्ट विच मे कॉज टॉक्सिक अफेक्ट इंक्लूड रूट टूबर स्टेम फ्रूट बड और नेचुरल टॉक्सिन आर प्रेजेंट इन न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट एंड आर इंजेस्टेड एज फूड एंड वेन कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी एंड नॉट कुक प्रॉपरली लीड्स टू फूड पॉइजनिंग यानी कि जो नेचुरल टॉक्सिन है या प्लांट टॉक्सिन है वो प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और अगर हम लोग या फिर कोई एनिमल उसको एज अ फूड इंजेस्ट करे लार्ज क्वांटिटी में और वो प्रॉपरली कुक ना हो सो वो क्या कोज कर सकता है फूड पॉइजनिंग कोज कर सकता है सम प्लांट प्रोड्यूस फाइटोटॉक्सिन दैट आर सिवियरली हार्म और डिस्ट्रॉय एनी हर्बी कुछ प्लांट फाइटोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं और वो क्या कर सकते हैं वो हर्बी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रोल इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन पोटेंशियल बायोथ्रेट एजेंट एंड दीज टॉक्सिक सबस्टांस वेन टेकिन इन कंसिडरेबल अमाउंट कैन बी हार्मुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड कोज डिस्कम्फर्ट यानी कि अगर हम लोग इन टॉक्सिक प्रोटीन सबस्टांस को अगर इनटेक करते हैं ज्यादा अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में इंटेक कर लिया जाता है सो ये हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए क्लियर सो प्लांट टॉक्सिन क्या होते हैं प्लांट टॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जैसा काम करते हैं जो प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्लांट के कई सारे पार्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं जैसे रूट ट्यूबर स्टेम फ्रूट बट और अगर इनको लार्ज क्वांटिटी में इंटेक कर लिया जाए ह्यूमन के थ्रू तो वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं राइट सो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टॉक्सिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केलॉइड के बारे में एल्केलॉइड क्या है प्लांट टॉक्सिन है इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एल्केलॉइड होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं सो दीज आर सम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन हिटेरोसाइक्लिक रिंग बेसिक इन नेचर एंड डराइव फ्रॉम अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एग्जाम्पल के लिए इंडोल एल्केलोइड्स ये क्या करता है ये मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंडोल एल्केलोइड्स इसके अलावा बीटा कार्बोलाइन लाइक हारमीन ये क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है ग्लाइको एल्केलॉइड द ग्रेटेस्ट वरी फॉर ग्लाइको एल्केलॉइड टॉक्सोसिटी इज इट्स टॉक्सोसिटी देयर है्यूमन पॉइजनिंग ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ ग्रीन डामेज और स्प्राउटेड पोटेटोज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ग्लाइको एल्केलॉयड दैट इज सोलिन यानी कि जो ग्लाइको एल्केलोइड है अगर इसको ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो ये पॉइजनिंग हो सकता है समटाइम फैटल हो सकता है एंड द कंसिक्वेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ग्लाइकोलोइड मेनली सोल इन के बारे में यहां पर बात की गई है नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड्स यानी कि जो ये हम लोग प्लांट टॉक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं ये प्लांट टॉक्सिन प्लांट्स के लिए तो यूजफुल है क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन अगर इनको हर्बीवोर कंज्यूम कर लेता है प्रीडेटर कंज्यूम कर लेता है उनके लिए हार्मफुल है ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है प्रोपरली कुक किए बिना सो उनको भी हार्म कर देते हैं ये टॉक्सिन नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कार्बोहाइड्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट दोनों मोइटी जो है इनके स्ट्रक्चर में ज्वाइन होती है एग्जाम्पल के लिए यहां पर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड आता है ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है ये क्या करता है मेनली अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है ह्यूमन के थ्रू सो ये रेस्पिरेशन, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर रैपिड पल्सिस डिजीनेस हेड स्टमक पेन वोमिटिंग डायरिया मेंटल कंफ्यूजन ये कॉज कर सकता है इसके अलावा कार्डिक ग्लाइकोसाइड भी इसके अंदर आता है एग्जाम्पल आता है जिसका डिजिटॉक्सिन और ये क्या करता है मेनली जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको इनहिबिट कर देता है नेक्स्ट बात करते हैं टेनिन के बारे में दी द कैपेबिलिटी टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड द स्किन बाय डिसेप्शन ऑफ द प्रोटीन इन द स्किन क्लियर नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्जेलेट ये क्या होते हैं दी सब्सटेंस प्रेजेंट इन ट्राइकोम और रेफाइड जो कि एक नेडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या कर सकते हैं मैकेनिकल इरिटेशन कोज कर सकते हैं और अगर इनको कंज्यूम कर लिया जाता है सो ये बाइंड करते हैं कैल्शियम से और इंसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सालेट फॉर्म करते हैं एंड सीवियर हाइपो विद विदेन कैन अकर क्लियर यानी कि कैल्शियम का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा सीवियर हाइपो मीन्स कम और यानी नेक्स्ट आता है एंटीविटामिन वर्क अगेंस्ट द विटामिन फॉर एग्जांपल थानेस ये क्या करते हैं मेनली कुछ सब्सटांस जो है एंटीविटामिन यानी कि विटामिन के अगेंस्ट काम करेंगे नेक्स्ट आता है फ्यूरोन प्यूरोइमरिन मेनली प्लांट के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पार्सनिप पे प्रेजेंट होते हैं क्लोजली रिलेटेड टू कैरेट एंड पार्सले सिट्रस प्लांट लैमन लाइम ग्रे फ्रूट इनमें प्रेजेंट होंगे और ये क्या होते हैं ये स्ट्रेस टॉक्सिन होते हैं जो कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज करता है प्लांट स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है प्लांट को पहला स्ट्रेस है बायोलॉजिकल स्ट्रेस बायोलॉजिकल स्ट्रेस और दूसरा हो सकता है या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बायोटिक स्ट्रेस और दूसरा हो सकता है एबायोटिक स्ट्रेस यह प्लांट में दो तरीके का स्ट्रेस हो सकता है एबायोटिक यानी कि पीएच कम हो या फिर ज्यादा मिल रही हो प्लांट को टेम्परेचर कम या ज्यादा हो लाइट कम या ज्यादा हो सो इससे प्लांट को स्ट्रेस हो सकता है बायोटिक स्ट्रेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक आ सकता है So, इस तरीके से जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है उस टाइम पर यह क्या करता है फ्यूरो नाम के टॉक्सिन को रिलीज करता है इस कंडीशन में प्लांट क्या करेगा फ्यूरोकाउमेरिन नाम के टॉक्सिन को रिलीज करेगा एंड सम ऑफ दिस टॉक्सिन कैन कोज जी आई ट्रैक प्रॉब्लम इनससेप्टेबल पीपल और अगर इनको ह्यूमन के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए इन पार्ट्स को सो ये जी आई ट्रैक प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट टॉक्सिन किस तरीके से काम करते हैं ये द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट टॉक्सिन इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन फूड यूज इन मेडिसिन इन कॉस्मेटिक एंड हैव ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिनल एप्लीकेशन सो पहला आता है न्यूरो टॉक्सिन न्यूरो एक्टिव एल्केलोइ कैन फंक्शन इधर एज एग्नोस्ड एगोनिस्ट विच एक्साइट आ न्यूरोप्टर न्यूरो टॉक्सिन यानी वो टॉक्सिन वो प्लांट टॉक्सिन जो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं पीपल्स में या ह्यूमन में न्यूरो रिसेप्टर पे और एज एन एंटागोनिस्ट विच वुड ब्लॉक अ अटन न्यूरोप्टर रिसेप्टर ऑन न्यूरोन सेल आर अनदर मेजर टारगेट फॉर मैनी ऑफ एल्केज ग्लूटामेट एसेटाइल कोहेलिन डोपिन नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनलिन ये क्या है न्यूरो है सम एल्केलोइड्स इनहिबिट द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन न्यूरो कुछ एल्केलोइड्स देखो एल्केलोइड क्या है एल्केलोइड प्लांट टॉक्सिन है प्लांट टॉक्सिन है और अगर ये ह्यूमन के अंदर बाय फूड अगर चला जाता है तो ये क्या कर सकता है ये एल्केलोइड इस ह्यूमन में इसके न्यूरो के ऊपर इफेक्ट कर सकता है न्यूरोन सेल के ऊपर इफेक्ट कर सकता है और वी कैन से न्यूरोप्टर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है क्या कर सकता है ये न्यूरोप्टर को ब्लॉक कर सकता है सम इंजाम द्रेक डाउन न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज कोहलिन एस्टेज मोनो एमाइन ऑक्सीडेज न्यूरो के अलावा क्या कर सकते हैं ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्लांट टॉक्सिन का ह्यूमन ह्यूमन के केस में नेक्स्ट आता है साइटोटॉक्सिन मैनी ऑब्स्ट्रक्ट इम्पोर्टेंट सेलुलर फंक्शन साइटो यानी सेलुलर टॉक्सिन जो सेल के ऊपर मेनली इफेक्ट करेंगे न्यूरोटॉक्सिन ने क्या किया नर्वस सिस्टम या न्यूरो रिसेप्टर के ऊपर टॉक्सिन किया इफेक्ट किया और साइटोटॉक्सिन में भी दो वर्ड हैं एक है साइटो एक है टॉक्सिन इट मींस वो प्लांट टॉक्सिन जो ह्यूमन में मेनली सेल्युलर फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट करेंगे उनको बोला जाता है साइटोटॉक्सिन क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनिमल टॉक्सिन के बारे में सो so, मेनली दो तरीके के एनिमल्स होते हैं एक होते हैं विनमस एक होते हैं पॉइजनस सो so, विनम क्या होता है वीनम में प्रोड्यूस्ड होता है सेक्रेटरी ग्लैंड में और कब रिलीज होता है ये जब बाइट करता है वो इंसेक्ट उसके थ्रू ये क्या किया जाता है ये ह्यूमन में रिलीज किया जाता है एग्जाम्पल के लिए स्नेक स्नेक जब बाइट करेगा ह्यूमन को सो उसके थ्रू क्या होगा अपना विनम वो ट्रांसफर कर देगा एग्जाम्पल के लिए स्कॉर्पियन पॉइजन क्या होता है पॉइजन टिश्यू में प्रोड्यूस होगा और वो क्या कर देगा उस टिश्यू को एंटायरली या पार्शियली पॉइजनस कर देगा एग्जाम्पल के लिए स्वरा ये जिस टॉक्सिन को रिलीज करेगी वो मेनली क्या करता है वो लीवर के ऊपर इफेक्ट करेगा क्लियर सो so, ये डिफरेंस होता है विनम और पॉइजन में सो एनिमल टॉक्सिन मेनली क्या काम करते हैं एनिमल्स में एनिमल जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो भी मेनली दो वजह से प्रोड्यूस करते हैं पहला अपने आप को बचाने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए जैसे प्लांट भी टॉक्सिन इसीलिए रिलीज कर रहे थे ताकि वो अपने आप को हर्बीवोड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रेडेटर से बचा सके इन द सेम वे एनिमल भी इसलिए टॉक्सिन रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके पैथोजन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑफेंस यानी टू पैरालाइज प्रे सो ये मेन रोल होता है एनिमल टॉक्सिन का इन एनिमल्स ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं लाइक कॉमन कोबरा क्रेट रसल वाइपर सो कॉल्ड वाइपर ये चार फैमिली होती है स्नेक की और हमें पता है कि स्नेक क्या रिलीज करता है venom सो so, इस venom के अगेंस्ट क्या यूज किया जाता है एंटी स्नेक venom यूज किया जाता है इन चारों स्नेक के, के venom के अगेंस्ट स्नेक venom इज एक्चुअली द सलाइवा ऑफ स्नेक दैट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस स्नेक venom क्या होता है सलाइवा होता है स्नेक का जो न्यूरोटॉक्सिन मायोटॉक्सिन कार्डियोटॉक्सिन और वास्कुलर टॉक्सिन को कंसिस्ट करके रखता है और विनम की स्टडी को क्या कहा जाता है विनोमिक क्लियर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 14। सो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस यानी के जो हार्मफुल होंगे टॉक्सिक से हमें पता चल रहा है ये क्या होंगे हजार्डस होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए और वी कैन से हार्मफुल होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिक so, सब्सटेंस क्या होते हैं वो सब्सटेंस जो पॉइजनस हो सकते हैं या फिर ह्यूमन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए गैसोलीन, एल्कोहल पेस्टिसाइड फ्यूल ऑयल ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं सो so, केमिकल भी टॉक्सिक हो सकते हैं वो भी हार्मफुल हो सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन क्लियर सो वन लाइन में अगर एक्सप्लेन किया जाए टॉक्सिक so, सब्सटेंस वो हजार सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट आता है यहां पर हेल्थ इफेक्ट क्या कॉज कर सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। सो जैसे कि हम लोग बात करते हैं गैसोलिन की सो so, गैसोलिन क्या कर सकता है वोमिटिंग डायरिया और अगर लार्ज अमाउंट में इसको ले लिया जाए या फिर इन कॉन्टेक्ट आ जाए ये बॉडी के सो इवन डेथ भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक एजेंट इन एनिमल कि किस तरीके से टॉक्सिक एजेंट जो है वो एब्सर्व होते हैं एनिमल में तो टॉक्सिक एजेंट किस तरीके से एब्जर्व होते हैं एनिमल के बॉडी में सो एब्जॉर्प्शन में आकर थ्रू जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू स्किन के थ्रू लंग्स के थ्रू आईज के थ्रू ममरी ग्लैंड यूटेरस एज वेल एज फ्रॉम साइट ऑफ इंजेक्शन सो ये सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू टॉक्सिक एजेंट एनिमल के बॉडी में एब्जर्ब हो सकते हैं जो मेन फैक्टर इफेक्ट करता है एब्जप्शन को वो कौन सा फैक्टर है एबजप्शन और वी कैन से ट्रांसलोकेशन इन दोनों को जो मेन फैक्टर इफेक्ट करता है वो है वॉटर सोल्यूबिलिटी प्राइमरी फैक्टर होता है यानी कि सोलिबिलिटी प्राइमरी फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है एबजप्शन को भी और ट्रांसलोकेशन को भी जब हम एबजन की बात करते हैं सो इनसोलबल जो सोल्ट होते हैं वो पुअरली एब्जर्ब होते हैं जबकि लिपिड सोलिबल सबस्टांस जो है वो जल्दी से एबजर्ब हो सकते हैं नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टॉक्सिक एजेंट क्या होते हैं वो एजेंट जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसके अलावा उसके बाद हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल देखे देन हम लोगों ने देखा ये एब्जर्ब कैसे होते हैं सो जी आई ट्रेक स्किन मेमोरी ग्लैंड के थ्रू ये एब्जर्ब हो सकते हैं देन एबजन के बाद में ये टॉक्सिक एजेंट डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसलोकेट कैसे होते हैं सो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट इज वाई द ब्लड स्ट्रीम किसके थ्रू होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हैं एंड मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है केमिकल्स का वो उसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वॉटर सोल्यूबिलिटी जो पोलर सोल्यूबल एजेंट होते हैं वो कैसे एक्सक्रीट होंगे किडनी के थ्रू जबकि लिपिड सोल्यूबल केमिकल जो होंगे वो बाइल या फिर फैट डिपोजिट के फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे क्लियर देन आता है मेटाबोलिज्म ऑफ टॉक्सिक एजेंट इन एनिमल सो मेटाबॉलिज्म और वी कैन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट बाय द बॉडी इज एन अटेम्प्ट टू डिटॉक्सिफाई मेटाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म का मतलब होगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर है उनको रिमूव करना डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को सो मेटाबोलिज्म ऑफ टॉक्सिक एजेंट बाय द बॉडी

उसमें मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस है ये मेनली कौन कैटेलाइज करता है hepatic hepatic के में जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे जनरली कन्वर्ट फॉरेन कंपाउंड टू डेरिवेटिव फॉर फेज टू रिएक्शन और जो ये हिपैटिक एंजाइम है ये क्या करते हैं ये उन सारे कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे फेज टू रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ फेज वन हाउेवर पर परमिट ट्रांसलोकेशन और जो फेज वन का प्रोडक्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होगा सोल्यूबिलिटी एक मेन फैक्टर होता है उसके थ्रू वही यहाँ पर मेन फैक्टर के जैसा काम करेगा देन आता है फेज टू फेज टू प्रिंसिपली इन्वॉल्व कॉन्जुकेशन और सिंथेसिस रिएक्शन सो फेज वन में टॉक्सिक एजेंट के मेटाबोलिज्म के लिए मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिस होता है जिसमें लिवर के जो इंजाम है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन सारे कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं जो फेज टू रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे फेज टू में कॉन्जुकेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कॉमन कॉन्जुकेट इन्वॉल्व होते हैं वो हैं ग्लूक यूरोनाइट्स, एसिटाइजेशन प्रोडक्ट एंड कॉम्बिनेशन विद ग्लाइसिन एंड मेटाबोलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक एजेंट सेल्डम फॉलो आर सिंगल पाथफे सो इन दोनों में से एक पाथवे के थ्रू क्या देखने को मिलता है हमें मेटाबोलिज्म देखने को मिलेगा जीनोबायोटिक एजेंट का सो मेन चीज हमें क्या समझ में आए कि जो मेटाबोलिज्म है टोक्सिक एजेंट का इसका मतलब है टोक्सिक एजेंट को बॉडी से रिमूव करना और एक अटेम्प्ट डिटॉक्सिफिकेशन का जिसमें दो फेज मेनली इन्वॉल्व होते हैं फेज 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 और Phase 2. Phase 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और मैकेनिज्म फॉलो होता है और हिपेटिक इंजाम इन्वॉल्व होते हैं और फेज टू में कॉन्जुकेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं सो नेक्स्ट यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं इस यूनिट के ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आप लोगों ने इस यूनिट में जो पढ़ा है

एंटी हेमरेजिक यह भी हम लोगों ने देख लिया था दैट इज विटामिन के नेक्स्ट आता है विच न्यूट्रिय हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसिटिक एनीमिया सो हमें पता है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है सो आयरन न्यूट्रियट जो है वो इसकी प्रिवेंशन में हेल्प कर सकता है से so हम लोगों ने देखा था ये वाला चार्ट मैंने विटामिन जब करवाया था आपको करवाया था सो so आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है और अगर हम लोग आयरन का प्रॉपर अमाउंट जो है उस इंडिविजुअल को दे देंगे सो so प्रिवेंशन किया जा सकता है एनिमिया से वॉट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करती है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है इस चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझा था देन यहां पर है कि यहां पर मैच करना है सो so आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनिमिया होता है सी का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है और कैल्शियम का भी मैंने आप लोग को बताया था ये मेनली ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करता है और आयोडीन जो है इसके डिफिशियंसी की वजह से गोइटर हो सकता है थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है सो इसका थर्ड हो जाएगा इफ लिपिड इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पायरेटरी विल बी अगर लिपिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है सो रेस्पिरेटरी क्योशन की वैल्यू क्या होगी सो so, इसके लिए आप लोग को ये टेबल देखनी पड़ेगी कि अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ग्लूकोस है सो रेस्पिरेटरी क्योशन की वैल्यू क्या होगी वन अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फैटी एसिड या लिपिड है सो जीरो पॉइंट सेवन और अगर प्रोटीन है सो जीरो पॉइंट नाइन सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लिपिड पूछा गया है यानी कि फैट पूछा गया है सो इसके क्या होते जीरो पॉइंट सेवन यानी कि लेस देन वन फैट कंटेंट ऑफ विपिंग क्रीम रेंज इज फ्रॉम सो मैंने इस टेबल में आपको बताया था कि वीपिंग क्रीम का फैट कंटेंट कितना होता है ये हम लोगों ने देखा था यहां पर अप्रोक्स थर्टी फाइव परसेंट नंबर ऑफ जीटीपी फॉर्मड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज So, ये भी हम लोगों ने देखा था कि क्रैब साइकिल की जब हम बात करते हैं सो so, क्रैब साइकिल में मेनली टू जी और कई जगह टू ए को डिनोट कर दिया जाता है सो so, ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि टी या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको क्रैब साइकिल भी बोला जाता है वहां पर जब ये दो बार रन होती है सो एट एनएडीएच टू एफ और टू जीटीपी ओब्लिक हम बोल सकते हैं टू ए टीपी का फॉर्मेशन होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन ऑफ एल्फा लिनोलेनिक एसिड लिनोलेनिक एसिड क्या है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा सो इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं So, ये भी मैंने आप लोग को करवाया था कि अनसेचुरटेड फैटी एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और लिनोलेनिक 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है जिसके नाइन्थ ट्वेल्थ और फिफ्टीन कार्बन पे डबल बोन प्रेजेंट होगा यानी कि तीन डबल बोन प्रेजेंट होते हैं so, इसका क्या हो जाएगा थ्री डबल बोन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सो so, इसका क्या हो जाएगा लिग्निन ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल है सो so, इसके अलावा ये पूरा यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया है सो so, अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप लोग तेलंगाना एफ सीरीज में मैंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे सो so, आप लोग प्ले में जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं इसके अलावा एफ से आई एम सी क्यू सीरीज है सी बी टी टू के लिए उसमें जाके भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इनसे रिलेटेड एम सी क्यू क्वेश्चन है नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग कवर करेंगे वो है यूनिट फोर जिसमें मेनली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है ये स्टार्ट करेंगे इसके अलावा ये फाइव किंगडम सिस्टम अप टू फाइलम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल टाइप ऑफ सेल एनिमल टिश्यू और ऑर्गेन ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है सो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे क्लियर सो थैंक यू सो मच एवरी वन इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज एंड यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट डाउन वी थैंक यू सो मच